गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं कि जो पिछला हमने जहाँ छोड़ा था इंडेस 12 पे छोड़ा था ना अपन ने लास्ट, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि कल की क्लास में हमारा जो केसेस छूटे हुए थे वो केसेस कौन कौन से छूटे हुए थे, एक बार अपन उनकी बात कर लेते हैं। आपको मैंने बोला था कि पढ़ के आना है, आपको पढ़ के आए, आप केसेस पढ़ के आए। हाँ, एक बार जल्दी जल्दी डिस्कस करते आते हैं क्या केसेस हैं। केस नंबर 1 कौन सा था बताइए? हाँ, इंडेक्सेशन। केस नंबर 1 था इंडेक्सेशन। वन सेकेंड, ओके। हाँ, स्पेशल सिचुएशन केस नंबर 1 इंडेक्सेशन। समझ में आया था ये केस कैसा है, क्या होगा? सिंपल सा फंडा है, अगर आपको इनकम टैक्स में इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर क्या हमें हमारे इंडिया में तो मिलते हैं इनकम टैक्स के बेनिफिट्स मिलते हैं, तो ये केस ऐसा है। ये बोलना चाहता है कि भाई आपने जैसे एक असेट परचेज किया जिसका कॉस्टिंग 1 लाख रुपए का है। अब जैसे मान लो आपने एक लैंड परचेज किया, लैंड का आपने कॉस्ट था 1 लाख रुपीज, लैंड का आपका कॉस्ट कितना था 1 लाख रुपीज, तो आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट किया उसको, आपने एंट्री क्या किया, लैंड डेबिट टू बैंक, ठीक है ना। आप लैंड के ऊपर तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं करते हो, तो लैंड आपका हमेशा किस वैल्यू पे दिखेगा, 1 लाख पे, कॉस्ट पे। जबकि इनकम टैक्स में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, इंडेक्सेशन बेनिफिट्स, इनकम टैक्स में इंडेक्सेशन बेनिफिट्स मिलेगा। अब मैं वो इंडेक्सेशन का जो स्लैब है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो मुझे याद नहीं है 1089 और उसके बाद पता नहीं क्या क्या है, तो मैं सिंपली बोल रहा हूं कि मान लो इनकम टैक्स तो बोलता है कि हर साल आपको 5-5% का इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, हर साल का आपको 5% का इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो मान लीजिए मैंने ये जो लैंड परचेज की थी वो लैंड परचेज की थी 1/4/2014 में। कब परचेज की थी? 1/4/2014 में। अब मान लीजिए यही लैंड 1/4/2015 में सपोज इंडेक्सेशन जो होगा वो 5% से इंक्रीज होता है, 5% से इंक्रीज होता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 लाख प्लस 5%, 1 लाख प्लस 5% कितना हो जाएगा, 1,05,000। मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से यही लैंड कितने की मानी जाएगी, 1,05,000 की, 1,05,000 की यही लैंड मानी जाएगी। तो इसका मतलब ये उसका क्या हो गया, टैक्स बेस। इसको क्या बोलेंगे बेटा, टैक्स बेस। और जबकि हमारे हिसाब से हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है, 1 लाख, तो यहां पर हो गई कैरिंग वैल्यू 1 लाख, ठीक है, और आपका हो गया टैक्स बेस 1,05,000। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो यहां पर दोनों के बीच में आ गया डिफरेंस, इंडेक्सेशन में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो बताओ ऐसे केस में 1 लाख आपका लैंड का कैरिंग वैल्यू है और टैक्स बेस आपका 1,05,000 है, रिको रिको जो मैंने आपको टेक्निक समझाई थी वो क्या करेंगे, कैरिंग वैल्यू को हमेशा टैक्स बेस पे लेके जाएंगे, कैरिंग वैल्यू को हमेशा टैक्स बेस पे लेके जाएंगे, तो हमें असेट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो इसका मतलब यहां पर क्या बनेगा, DTA। आई बात समझ में? अब सवाल ये उठता है कि ये DTA किसके थ्रू बनेगा, पीएनएल के थ्रू कि ओसीआई के थ्रू कि इक्विटी के थ्रू कि गुडविल के थ्रू? गुडविल के थ्रू तो सिर्फ एक ही सिचुएशन में बनता है जब बिजनेस कॉम्बिनेशन हो, उसके बाद इक्विटी के थ्रू तभी बनता है जब वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला पॉइंट हो, इक्विटी और लाइबिलिटी करते हैं, ठीक है। ओसीआई के थ्रू तब बनता है जब कोई ओसीआई से रिलेटेड आइटम हो। अब आप सोचो अगर आपने कल को ये लैंड बेच दी 1 लाख की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो 1 लाख की है, अगर आपने ये लैंड 1,10,000 में बेच दी तो 10,000 रुपए तो आप अपने पीएनएल में ही क्रेडिट करोगे ना,
इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या बोलता है कि भाई अगर आप कोई भी असेट बेचोगे तो उसको पीएनएल मिल जाओगे। तो इसका मतलब ये डीटीए किसके थ्रू क्रिएट होगा? पीएनएल के थ्रू। ये डीटीएल और पीएनएल, मैंने आपको क्या बताया, पीएनएल कौन सा दरवाजा होता है? कॉमन दरवाजा होता है। मैक्सिमम डीटीए डीटीएल किसके थ्रू क्रिएट होते हैं? पीएनएल के थ्रू। स्पेसिफिक दरवाजे वो गुडविल वाले सिर्फ बिजनेस कॉम्बिनेशन में काम आएगा, ओसीआई वो तब जब किसी ओसीआई के आइटम के रिलेटेड में अपन डीटीए बना रहे हैं, और इक्विटी वाला भी बहुत ही स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में काम आएगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलो बच्चों, क्लियर है कि नहीं? ओके, तो दिस वॉज द केस ऑफ इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन में आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से होता है, ठीक है? तो ये वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, इसी से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल यहां पर भी आपको दिया हुआ है। आपने पढ़ लिया इस एग्जाम्पल को? समझ में आ गया आपको क्लियरली? क्वेश्चन नंबर वन किया कि अपन करें आगे? चलो अपन क्वेश्चन नंबर वन एक जल्दी जल्दी करते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। ए लिमिटेड परचेज द लैंड ऑन 1 अप्रैल 1981 व्हेन द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स वॉज 100 फॉर रुपीज 10,000। लैंड कितने का परचेज किया? 10,000 रुपीज का। लैंड बी का नॉन डेप्रिशिएबल असेट इज नॉट डेप्रिशिएटेड, ऑल्सो द कंपनी डज नॉट रिवैल्यू इट्स लैंड, हेंस द लैंड इज मेंटेन्ड बाय द कंपनी एट इट्स कॉस्ट रुपीज 10,000। हाउएवर एज पर द इनकम टैक्स लॉ ऑफ द कंट्री लैंड इज रिवैल्यूड बेस्ड ऑन द इंक्रीज इन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स एज ऑन 31 मार्च 2016 द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इज 1081। अब मुझे बताओ कि लैंड कितने की थी? 10,000, हाँ? और आज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है? 1081। तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई 1081 डिवाइडेड बाय 100, कितना आ गया? 1,08,100। तो हमारी ये लैंड हो गई 1,08,100 रुपीज की। ये हो गया उसका क्या? टैक्स बेस। इसको क्या बोलेंगे? टैक्स बेस। और ये जो 10,000 था, ये क्या होना हो जाएगा? कैरिंग अमाउंट। अब कैरिंग अमाउंट हो जाएगा 1 लाख, जबकि टैक्स बेस हो जाएगा 1,08,000। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? डीटीए, ठीक है? डीटीए बनाना पड़ेगा। कितने का डीटीए बन रहा है भाई? 98,100। अब यहां पर देखो, अच्छी बात यहां पर एक और है, मैं बता दूं कि ये बोल रहा है सजेस्ट द मेजरमेंट ऑफ डेफर टैक्स, अज्यूम टैक्स रेट ऑफ 20% ऑन सेल ऑफ लैंड। हाँ, इससे जुड़ी हुई मुझे आपके साथ एक और बात करनी थी बेटा। अपने जैसे इंडिया में अलग अलग रेट्स चलते हैं। अगर नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल इनकम है, कंपनीज की बात कर रहा हूं, तो 30% टैक्स रेट होता है। जबकि अगर कैपिटल गेन है, अगर कैपिटल गेन है, तो कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म के केस में कितना चलता है? 20% जनरली, ठीक है ना? और शॉर्ट टर्म के केस में कितना चलता है? 15% वगैरह, ये सब चलता है, ठीक है ना? तो मुझे बताओ कि हमें जो डीटी क्रिएट करना होता है, हमें जो डीटी क्रिएट करना होता है, डेफर्ड टैक्स क्रिएट करना होता है, हम वो डेफर्ड टैक्स नॉर्मल रेट के हिसाब से क्रिएट करें कि हम किसी स्पेसिफिक रेट के हिसाब से क्रिएट करें डीटी? इस केस में हमें स्पेसिफिक रेट से करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यहां पर लैंड को सेल करने का इंटेंशन है, तो हम स्पेसिफिक रेट से क्रिएट करेंगे। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है बेटा, क्लियर है कि नहीं? पक्का? और अगर मुझे किसी असेट को कभी भी बेचने का इंटेंशन नहीं है, अगर मुझे कभी भी मैं असेट को बेचूंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए बेचूंगा ही नहीं, आई नो वेरी वेल कि मुझे कभी जिंदगी में कैपिटल गेन होने ही नहीं वाला, तो मुझे बताओ मैं क्या स्पेसिफिक रेट लगाऊंगा क्या? फिर मैं कौन सा रेट लगाऊंगा? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, कौन सा रेट लगाऊंगा? फिर मैं डीटी बनाने के लिए नॉर्मल रेट लगाऊंगा, और मेरा यहां पर इंडेक्सेशन का मैं दूंगा ही नहीं बेनिफिट, ये इंडेक्सेशन का मेरा केस लगेगा ही नहीं। क्यों? मैं कभी भी लैंड को एज ए कैपिटल असेट सेल करूंगा ही नहीं, मुझे कभी कैपिटल गेन होगा ही नहीं। जब मुझे कैपिटल गेन ही नहीं होगा तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा तो कोई टेम्पररी डिफरेंस नहीं अराइज होगा, कोई टेम्पररी डिफरेंस नहीं अराइज होगा तो मुझे कोई डेफर टैक्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना, ये इंडेक्सेशन वाला पॉइंट तभी आपका आएगा जब आपका इंटेंशन है उसको कैपिटल गेन में कन्वर्ट करने का। आई बात समझ में? इसीलिए आप कैपिटल गेन वाला रेट ले रहे हो। अगर आपका इंटेंशन नहीं है कैपिटल गेन में कन्वर्ट करने का, आप तो लैंड को कभी जिंदगी में बेचोगे ही नहीं, तो आप कभी भी ये इंडेक्सेशन वाली चीज लगाओगे ही नहीं, और लैंड के ऊपर वैसे भी डेप्रिसिएशन आता नहीं है, तो कुछ भी डेफर टैक्स निकलेगा नहीं। आई मेरी बात समझ में? चलो, दिस वॉज केस नंबर वन, ठीक है? अब केस नंबर टू, करंट एंड डेफर्ड टैक्स अराइजिंग फ्रॉम शेयर बेस्ड ट्रांजेक्शन।
करंट एंड डेफर टैक्स अराइजिंग फ्रॉम शेयर बेस्ड ट्रांजेक्शंस। शेयर बेस्ड पेमेंट की बात कर लेते हैं, शेयर बेस्ड पेमेंट। मैं पहले शेयर बेस्ड पेमेंट की 2 मिनट बात करना चाहूंगा। शेयर बेस्ड पेमेंट में अपन क्या करते हैं, शेयर बेस्ड पेमेंट में अपन क्या करते हैं बेटा, इंड एस 102 क्या बोलता है शेयर बेस्ड पेमेंट का, वो बोलता है कि अगर आपका शेयर बेस्ड पेमेंट टू इंप्लॉय है, इंप्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट अपन इंप्लॉय के लिए भी करते हैं और शेयर बेस्ड पेमेंट अपन अपनी किसी सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी करते हैं। अगर शेयर बेस्ड पेमेंट अगर आपका कोई इंप्लॉय का है तो यू नीड टू बुक इंप्लॉय एक्सपेंस, इंप्लॉय एक्सपेंस डेबिट, है ना, इंप्लॉय एक्सपेंस इंप्लॉय बेनिफिट डेबिट, ठीक है, टू शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये होता है कि नहीं, ये जो एम्प्लॉय एक्सपेंस डेबिट होता है ये हमारा कहां जाता है, पीएनएल में, और ये जो चीज है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ये कहां जाती है, ये अपना इक्विटी के अंदर जाती है, ये कहां जाती है, इक्विटी के अंदर जाती है। अब मैंने तो इसको पीएनएल में डेबिट कर दिया, बच्चों समझ में आ रही बात की नहीं, मैंने इसको पीएनएल में डेबिट कर दिया, मैंने कोई असेट बनाई क्या, मैंने कोई लाइबिलिटी बनाई क्या, नहीं। इसका मतलब इस शेयर बेस्ड पेमेंट का, इस शेयर बेस्ड पेमेंट का जो कैरिंग अमाउंट है वो निल रहेगा, क्योंकि कैरिंग अमाउंट हम हमेशा असेट या लाइबिलिटी का चेक करते हैं, इनकम और एक्सपेंस का चेक नहीं करना होता है। तो मैंने तो एम्प्लॉय एक्सपेंस पूरा का पूरा पीएनएल में डाल दिया, समझ में आ रहा है कि नहीं, और इनकम टैक्स मुझे कहता है कि मैं तो तुम्हें टैक्स का बेनिफिट तब दूंगा जब तुम एक्चुअली में इंप्लॉई को शेयर इशू करोगे सर्विस कंडीशन कंप्लीट होने के बाद। अब मान लो सर्विस कंडीशन 5 साल बाद कंप्लीट होगी और उसके एक्सपेक्टेशन नहीं है कंप्लीट होने के ज्यादा, तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं, मैं बोलूंगा टैक्स बेस इज एक्सपेक्टेड टू बी निल, अरे यार, और मैं बोलूंगा नहीं उसके एक्सपेक्टेशन अच्छे खास है, मुझे पता है मेरे इंप्लॉय ले लेंगे। तो इंडेस कहता है जब तक तुम्हारे पास सफिशियंट एविडेंसेस नहीं है, जब तक तुम्हारे पास सफिशियंट एविडेंसेस नहीं है टैक्स बेस के होने के, तब तक तुम किसी प्रकार से भी डीटीए डीटीएल क्रिएट नहीं कर सकते हो। बट अगर तुम्हारे पास सफिशियंट एविडेंसेस हैं तो तुम क्या बोलोगे कि भाई 5 साल बाद तुम्हें इसका टैक्स का डिडक्शन मिलेगा, और 5 साल बाद तुम्हें टैक्स का कितना डिडक्शन मिलेगा, 5 साल के बाद तुम्हें 6 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा। सर ये 6 लाख कहां से आया, एक्चुअली क्या हुआ, 5 साल में मैंने 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 करके मैंने खर्चा डिवाइड करके मैंने हर साल डेबिट किया था। इनकम टैक्स बोलता है नहीं 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 ऐसा नहीं, हर साल वाला नहीं मिलेगा आपको, एंड में मिलेगा, सबसे लास्ट में। तो उस चीज का टैक्स बेस कितना हो गया, अब ये 6 लाख जो टैक्स बेस है ये असेट का टैक्स बेस है कि लाइबिलिटी का टैक्स बेस है, ये असेट का टैक्स बेस है कि लाइबिलिटी का टैक्स है, गाइस ये लाइबिलिटी का टैक्स बेस है, ये लाइबिलिटी का टैक्स बेस है भाई, क्यों, ये असेट का टैक्स बेस है कि लाइबिलिटी का टैक्स बेस है। तुझे तेरे को इनकम टैक्स में फ्यूचर में टैक्स का बेनिफिट मिलने वाला है, टैक्स के डिडक्शन मिलने वाला है, ये डिडक्शन है बेटा, डिडक्शन डिडक्शन मिलने वाला है, फ्यूचर का डिडक्शन, फ्यूचर फ्यूचर का तेरा डिडक्शन है। बताओ फ्यूचर में जो तुम्हें कोई फ्यूचर में अगर इनकम टैक्स वाला डिडक्शन देने वाला है तो वो आज तेरे लिए क्या हुआ, बेनिफिट, तो आज उसको तुम क्या बताओगे, असेट, समझ में आएगी नहीं, तुम उसको फ्यूचर में डिडक्शन लेने वाले हो ना, तो वो तुम्हारे लिए क्या हुई, असेट। तो ये एक असेट है और यहां पर असेट का कैरिंग अमाउंट निल है, तो यहां पर भी क्या बनेगा, डीटीए। अब यहां पर भी मुझे बताओ डीटीए किसके थ्रू बनेगा, पीएनएल, क्योंकि आप एम्प्लॉय एक्सपेंस कहां डालते हो, पीएनएल। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है बेटा, आपने इसको पढ़ लिया था केस 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर टू क्लियर है? हाँ, क्वेश्चन नंबर टू जो है वो हमने फ्रेम किया है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने एक जो क्वेश्चन दिया था, नीचे निकाल, नीचे मैंने क्वेश्चन निकाल रहा हूं टेस्ट योर नॉलेज में, आप भी क्वेश्चन निकालो टेस्ट योर नॉलेज का। हाँ, टेस्ट योर नॉलेज का एक क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट ने अपने पुराने मॉड्यूल में, अब तो मॉड्यूल में उन्होंने रिविजन कर लिया है, इंस्टीट्यूट ने अपने पुराने मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दिया था उसको अपन एक बार पढ़ के देखते हैं। उन्होंने ये क्वेश्चन इस बार के मॉड्यूल से हटा दिया है, ये वाला क्वेश्चन फोर्थ नंबर, टेस्ट योर नॉलेज का फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। आइए बेटा पढ़ते हैं, कैलकुलेटर अपना यूज करना है। एक्स लिमिटेड प्रपोजेस टू इशू, एक्स लिमिटेड प्रपोजेस टू इशू 1000 शेयर्स टू इट्स 200 एम्प्लॉइज अंडर ईसॉप, 1000 शेयर्स टू 200 एम्प्लॉइज, ठीक है। वेस्टिंग कंडीशंस कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट ऑफ थ्री इयर्स का कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट, 10% लेबर टर्नओवर इज ऑब्जर्व्ड, मतलब हर बार 10-10% इंप्लॉई चले जाते हैं, लेबर टर्नओवर हर साल 10-10% इंप्लॉइज चले जाते हैं। वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज 40, वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज 40। कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स असेट, देखो वो साफ साफ बोल रहे हैं डेफर्ड टैक्स असेट, क्योंकि पता है कि डेफर्ड टैक्स असेट ही मिलेगा, क्योंकि इनकम टैक्स में आपको बेनिफिट हर साल मिलेगा नहीं, इनकम टैक्स में आपको बाद में मिलेगा। वॉट इफ द एंटिटी गेट्स अ डिडक्शन ऑफ 19 लाख से एज पर टैक्स लॉ द शेयर बेस्ड पेमेंट इज मेजर डिफरेंटली इंस्टेड ऑफ 1749। अब ये अलग क्वेश्चन हो गया, पहले इस अलग क्वेश्चन को छोड़ दो, पहले अपन अपने नॉर्मल क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या कह रहा है कि 1000 के तो एम्प्लॉय, ये जो ईसॉप 1000 के शेयर थे, एक शेयर की वैल्यू 40, और ये शेयर कितने एम्प्लॉयज को देना है 200, पर हर साल कितने कितने जाएंगे 10-10% जाएंगे, तो अगर आज 200 हैं शुरू में तो अगले साल 200 का 10% चले जाएंगे, 180 हो जाएंगे, फिर उसके बाद 18 और चले जाएंगे, ऐसे करते करते जब चले जाएंगे तो ओवरऑल आपका एक्सपेंस कितना हो रहा है 58,32,000 का, और हमें इस 58,32,000 को डिवाइड बाय 3 करके हर साल एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस कितना दिखाना है 19,44,000। तो इसका मतलब ये जो 19,44,000 है इसकी एंट्री देखो, चेक करो क्या लिखी है, एंट्री क्या है, इक्विटी बेनिफिट सॉरी एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, अब इन्होंने सस्पेंस ठीक नहीं किया है, कायदे से हम क्या बोलते हैं टू शेयर ऑप्शन, सीधी बात ना, शेयर ऑप्शन आपका कहां जाएगा इक्विटी में, बेवजह इन्होंने सस्पेंस बोला है, तो टू इक्विटी सस्पेंस नहीं करना, टू शेयर ऑप्शन, शेयर ऑप्शन। चलो ये भी समझ में आ गया, 19,44,000 से मैंने एम्प्लॉई एक्सपेंस बुक कर दिया, इनकम टैक्स में मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा क्या, बोलो बेटा इनकम टैक्स में मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा क्या, इनकम टैक्स में मुझे इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं इनका। अच्छा तो मुझे बताओ फर्स्ट ईयर में ही, मुझे बताओ फर्स्ट ईयर में ही मेरा कैरिंग अमाउंट इज निल, अरे कैरिंग अमाउंट मेरा निल है, मुझे बताओ टैक्स बेस कितना होगा, कैरिंग अमाउंट मेरा निल है तो मेरा टैक्स बेस कितना होगा, टैक्स बेस फ्यूचर का डिडक्शन, टैक्स बेस मुझे फ्यूचर में डिडक्शन मिलेगा 1944, मुझे टैक्स बेस होगा 1944, जितना मैंने अभी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट कर लिया पीएनएल में वो चीज मेरे असेट में मानी जाएगी, अरे बोलो ना यार, तो टैक्स बेस मेरा हो गया 1944 का, तो 1944 के ऊपर क्या क्रिएट होना चाहिए डीटीए, हाँ, और रेट दिया है क्या इन्होंने, कहां है, नहीं रेट नहीं दिया, तो रेट अपन 30% अज्यूम कर रहे हैं, तो रेट इज 30% कितना होगा 583 200, आई बात समझ में कि नहीं, एंट्री चेक करो क्या है, चेक करो क्या लिखा गया, एंट्री देखो क्या लिखी है, डेफर्ड टैक्स इनकम डेबिट टू कॉम्प्रेहेंसिव इनकम, फिर बोल रहा है डेफर्ड टैक्स डेबिट, डेफर्ड टैक्स असेट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स असेट, ये दोनों एंट्रीज गलत है, इसीलिए तो ये क्वेश्चन हटा दिया, ये गलत है एंट्री, एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, डेफर्ड टैक्स असेट कितना 583 200 टू पीएनएल, बोलो बेटा पीएनएल को वो आप बोल सकते हो डेफर्ड टैक्स इनकम 583 200, आई बेटा बात समझ में कि नहीं, 0.9 कहां से आया, लेबर टर्नओवर बता रहा ना बेटा 10%,
हर साल 10-10% इंप्लॉइज चले जाएंगे। तो देख तेरे पास शुरू में, इधर सामने देख, तेरे पास शुरू में 200 इंप्लॉइज हैं, ठीक है ना। पहले साल 10% जाएंगे तो तेरे पास कितने बचेंगे, 180। फिर 10% जाएंगे तो तेरे पास कितने बचेंगे, 162। फिर तेरे पास 10% जाएंगे तो कितना है, 1 पॉइंट में आया तो कोई टेंशन नहीं है, पॉइंट में बता कितना आ रहा है, 145.8। मतलब इतने एम्प्लॉइज बचेंगे। तो इसको मैं कैसे बोलूंगा, हर साल 10-10% जा रहे हैं, तो मैं बोलूंगा उल्टा, हर साल 90-90% बच रहे हैं। अरे 0.9, हर साल 90-90% बच रहे हैं ऐसे। तो ये 10% का कॉन्सेप्ट आया क्या ना, नहीं 90-80-70 थोड़ी होगा बेटे, जितने गए उसको छोड़ो, जो बचे उसका फिर से 90%, जो बचे फिर से 90%, जो बचे फिर से 90%, ऐसा। समझ में आया कि नहीं, बराबर, ओके। अरे बोलो यार क्लियर है कि नहीं। अच्छा अब इसी क्वेश्चन में अपन देखते हैं, ऊपर उसने व्हाट इफ कर दिया था ना, व्हाट इफ द कंपनी गेट्स अ डिडक्शन ऑफ 19 लाख। अगर कंपनी को 19 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा इंस्टेड ऑफ 1749,600। अब भाई मुझे नहीं पता ये 1749,600 क्या है, ये समझ में ही नहीं आ रहा 1749,600 क्या है। क्वेश्चन को फ्रेम ही नहीं किया गया ढंग से, पर छोड़ो 1749,600 को काट दो। अपन तो बोल रहे हैं कि व्हाट इफ अगर कंपनी को सिर्फ 19 लाख का ही डिडक्शन मिलता तो ठीक है, मेरे हिसाब से कैरिंग वैल्यू तो आज भी नहीं ले, और टैक्स बेस मेरा 1944 ना होके अब मेरा टैक्स बेस 19 लाख है, जितने का डिडक्शन मिलने वाला है मेरे लिए टैक्स बेस उतने का ही होगा, तो अब 19 लाख के ऊपर बनेगा, 19 लाख के ऊपर बनेगा कितना, 5,70,000। आई बात समझ में कि नहीं, बोलो गाइस क्लियर हुआ कि नहीं, पक्का। चलो तो ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल से हटा दिया है, इसीलिए अपन ने इसको डिस्कस किया और अपन ने इसको अपने हिसाब से इसको सॉल्व किया। गाइस क्लियर है कि नहीं, अपन ने इसको अपने हिसाब से सॉल्व किया, आपको समझ में आ गई सिचुएशन, बोलो बेटा सिचुएशन क्लियर हो गई कि नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। चलो वापस चलते हैं, दो केसेस हो गए, तीसरा केस कौन सा है, तीसरा केस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, ये वाला पढ़ के आए थे क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड ये वाला पढ़ के आए थे क्या, ये थोड़ा सा हल्का सा मतलब अजीब सा है, हल्का सा पढ़ के आए थे, किसी को समझ में आया, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा, समझ में नहीं आया, अच्छा नहीं आया समझ में, चलो आओ देखते। इन सम जुरिसडिक्शन इनकम टैक्स आर पेबल एट हायर और लोअर रेट्स। अपन एक अजम्पशन लेते हैं कि मान लो हमारे इंडिया में सपोज एक ऐसा प्रोविजन है कि वो लिमिटेड कंपनीज को इनकम टैक्स बोलता है, लिमिटेड कंपनीज को इनकम टैक्स बोलता है कि तुम जितना भी प्रॉफिट अर्न करोगे, से मान लो तुम 5 लाख का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, अगर तुमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अगर तुमने उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया उसका, अगर तुमने बाय वे ऑफ डिविडेंड, तो हम तुमसे टैक्स चार्ज करेंगे 20% पे। पर अगर तुमने उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो हम तुमसे टैक्स चार्ज करेंगे 30%। कितना चार्ज करेंगे, मतलब अगर तुम अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो तो हम तुम पे टैक्स कितना लगाएंगे, 20% का, और अगर तुम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो तो हम तुम पे कितना टैक्स लगाएंगे, 30% का। अब अपन और एग्जांपल, अपन इस एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। मान लो तुम्हारा ये साल है 1819 में सबसे ईयर एंड पे 31 मार्च को मालूम पड़ा कि तुम्हारा जो नेट प्रॉफिट है वो 5 लाख रुपए है। तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना है, 5 लाख रुपए है। अभी तक तुमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, डिस्ट्रीब्यूट चलो तुमने डिक्लेयर नहीं किया है, क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो डिविडेंड है वो इधर एजीएम में डिक्लेयर होने वाला है, और एजीएम तुम्हारी प्रपोज है 16 अगस्त की,
इंडिपेंडेंस डे के बाद, तो 16 अगस्त की तुम्हारी एजीएम प्रपोज्ड है, बट तुम्हें तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। बोलो बेटा, इट इज नॉट श्योर कि एजीएम में तुम्हारा डिविडेंड डिक्लेयर होगा कि नहीं होगा, वी आर नॉट श्योर। तो 5 लाख रुपए के ऊपर तुम्हें टैक्स पे करना पड़ा 30% के हिसाब से। बताओ क्यों? क्योंकि तुम्हें एजीएम से पहले तुम्हें अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है, और इनकम टैक्स का रिटर्न तुमने फाइल करना है तो तुमने बोला कि यार अभी रिटर्न में तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, कितना डिक्लेयर किया, छोड़ो डिस्ट्रीब्यूट छोड़ो, कितना डिक्लेयर कर दिया। तुमने दिखाई डिक्लेयर जीरो बिकॉज नॉट येट डिक्लेयर्ड। अरे बोलो ना, तो तुम्हारा जो कैलकुलेशन होगा अपने आप ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा ना रिटर्न में, तो यार तो कितने का कैलकुलेशन होगा, 30% का। तो 5 लाख का 30% तुमने टैक्स पे कर दिया। आई बात समझ में कि नहीं? कितना? 1,50,000। बाद में एजीएम में तुमने डिविडेंड को डिक्लेयर किया, तुमने डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया, और तुमने डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया, 2 लाख रुपए का। डिविडेंड परसेंटेज में डिक्लेयर होता है, पर परसेंटेज को शेयर कैपिटल से इंटू करके लेके आए तो 2 लाख रुपए आ रहा है। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 2 लाख रुपए का। अब मुझे बताओ कि डिविडेंड जैसे ही डिक्लेयर हुआ 2 लाख रुपए का, तो इनकम टैक्स बोलता है कि कोई टेंशन नहीं है, तुमने बाद में डिक्लेयर किया ना, तुम अगले साल उसका क्रेडिट ले सकते हो। तुम अगले साल, मैंने ये कल बात एक बताई थी, इससे ही मैच बैकवर्ड वाली बताई थी, एक याद है, लगभग लगभग ऐसी कि करंट ईयर में अगर तुम्हें लॉसेस नहीं, करंट ईयर में, हाँ करंट ईयर में लॉसेस हो रहे हैं, तो करंट ईयर के लॉसेस जैसे हमारे इंडिया में फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो अगर मान लो बैकवर्ड कर सकते हैं पुराने प्रॉफिट से, तो यू कैन टेक अ रिफंड और यू कैन टेक अ क्रेडिट ऑल्सो, तो वो तुम्हारी करंट टैक्स असेट मानी जाएगी। वैसे ही ऐसा ही कोई कॉन्सेप्ट यहां पर है कि तुमने बाद में डिविडेंड जब डिक्लेयर किया तो कितना डिक्लेयर किया, 2 लाख रुपए का। अब इस 2 लाख के ऊपर कायदे से टैक्स भरना चाहिए था सिर्फ 20%। ये क्या हो गया? हाँ जी, तो 2 लाख के ऊपर, एक सेकंड, कहाँ गया? हाँ, 2 लाख, 2 लाख के ऊपर 20%, 2 लाख के ऊपर 20% का टैक्स होना चाहिए था, तो इसका मतलब अल्टीमेटली मेरा 10% का टैक्स ज्यादा मैंने चला गया, तो 2 लाख का 10% एडिशनल जो मैंने टैक्स पे किया है, हाँ 20,000, ये 20,000 का मुझे आगे फ्यूचर में क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, फ्यूचर में टैक्स का क्रेडिट मिलेगा, मिलेगा। तो बताओ क्या करना चाहिए, डीटीए, टैक्स का क्रेडिट मिलेगा, तो मुझे क्या क्रिएट करनी चाहिए, डीटीए क्रिएट करनी चाहिए। मेरी बात समझ में आएगी नहीं बेटा, ये केस ऐसा है। सर उल्टा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, बल्कि उल्टा होने के चांसेस ज्यादा है, कि इनकम टैक्स ने बोल दिया कि अगर तुम डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो हम तुमसे 40% टैक्स लेंगे, और अगर तुम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करोगे तो जैसा नॉर्मल चलता है वैसा लेंगे। बल्कि यही होता है, मतलब इनकम टैक्स तो चाहता है कि कंपनी पैसा बाहर ना जाए, कंपनी पैसा बिजनेस में ही लगाए, तो अगर तुम पैसे को बांट रहे हो बाहर तो तुम्हारा टैक्स ज्यादा वसूला जाएगा। अब बोलो उल्टे केस में क्या होगा, डीटीएल। उल्टे केस में क्या होगा, डीटीएल। तो लिख लेना अपने नोट्स में साइड में कि इसका उल्टा, ऑपोजिट, मैं साइड में लिख देता हूं, एक सेकेंड, ये इसका एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है ये आपका एग्जाम्पल डीटीए का होगा, बट अपोजिट, अपोजिट डीटीएल माना जाएगा। कब, कब माना जाएगा, जब डिस्ट्रीब्यूशन पे टैक्स हायर है और अनडिस्ट्रीब्यूशन पे टैक्स लोअर है। आया समझ में कि नहीं? बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? पक्का? अरे बोलो। चलो केस नंबर 4, बहुत ही कॉमन केस, बहुत ही कॉमन केस, केस नंबर 4 समझ में आ गया आपको? फाइनेंस लीज, इसका कोई मैंने एग्जाम्पल इसमें लिखा नहीं है, तो इसलिए मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू अपन 2 मिनट समझते हैं, ठीक है? बेटा एक तो मुझे बताओ कि लीजेस का इंड एज कौन सा है, लीजेस का इंड एज कौन सा है, 17। इसके हिसाब से कितने टाइप का लीज होता है, फाइनेंस और ऑपरेटिंग, ठीक है? फाइनेंस लीज में आओ, फाइनेंस
फाइनेंस लीज में लेसी पे आओ, फाइनेंस लीज में लेसी पे आओ। मुझे बताओ लेसी क्या बुक करता है? फाइनेंस लीज में लेसी कौन कौन सी, चलो एंट्री कौन सी करता है? फाइनेंस लीज में लेसी कौन कौन सी एंट्री करता है? सबसे पहले एंट्री करता है असेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट। अरे यार क्या बोलते हो, आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? फाइनेंस लीज है ना, लेसी होगा असेट को बुक करेगा, असेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। अरे बोलो ना किस पे बुक करता है? लोअर ऑफ, इतना तो बता दो, लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू, व्हिचएवर इज लोअर। तुमने लिख दिया लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अच्छा पहली एंट्री इसने ये कर दी। दूसरी एंट्री, वो असेट को डेप्रिशिएट करता है, तो एंट्री क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। अरे बोलो। तीसरी एंट्री, वो फाइनेंस एक्सपेंस बुक करता है। हाँ फाइनेंस एक्सपेंस बुक करता है कि नहीं? तो फाइनेंस एक्सपेंस, फाइनेंस चार्जेस या फाइनेंस एक्सपेंस कुछ भी बोल दे, फाइनेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। अरे बोलो ना यार। और वो फाइनेंस एक्सपेंस बुक करने के बाद वो फाइनली लीज लाइबिलिटी का पेमेंट करता है। हाँ? तो चौथी एंट्री होती है लीज लाइबिलिटी टू बैंक। बोलो बेटा। अब मैं आपको इसमें अमाउंट रख के दे रहा हूं 2 मिनट के लिए, समझना। मान लीजिए असेट ऑन लीज आया 8 लाख पे, कितने पे? ठीक है ना। और डेप्रिसिएशन असेट आया 1 लाख, मान लो 8 ईयर्स की लाइफ है। हाँ तो मुझे बताओ आपके बुक्स में कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट इज 7 लैक्स। बोलो बेटा 7 लैक्स। अच्छा इसके बाद आपकी जो लीज लाइबिलिटी थी वो कितने की थी? 8 लाख की। बोलो ना। और लीज लाइबिलिटी 8 लाख की थी, आपने फाइनेंस चार्जेस बुक किए, मान लो आपने फाइनेंस चार्जेस बुक किए 1.2 के, 1.2 लाख के। ये मत पूछना कि फाइनेंस चार्जेस कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको लीजे से बता दूंगा, है ना, वो एन्युटी फैक्टर के हिसाब से। छोड़ो उसको, छोड़ दो। 1.2 मेरा फाइनेंस चार्जेस आ गया, तो अच्छा 1.2 फाइनेंस चार्जेस आ गया। अब ध्यान से देखो, 8 लाख का लीज लाइबिलिटी प्लस 1.2, और मान लो मैंने इंस्टॉलमेंट जो मुझे पे करनी होती है वो मैंने 2 लाख रुपीज की इंस्टॉलमेंट पे कर दी। अरे 2 लाख की इंस्टॉलमेंट फिक्स है, मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो बताओ लीज लाइबिलिटी कितनी बची? कैरिंग उसकी भी आ जाएगी आपकी, कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लाइबिलिटी कितनी? 7.2 लैक्स। अब बेटा ये दोनों कैरिंग अमाउंट है, मुझे बताओ इसका टैक्स बेस क्या होगा? टैक्स बेस क्या होगा इस असेट का? टैक्स बेस क्या होगा? इनकम टैक्स बोलता है काय का लेसी बुक करेगा असेट। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग असेट जो होगी वो किसकी बुक्स में दिखेगी? लेसर। डेप्रिसिएशन का बेनिफिट कौन लेगा? लेसर। इनकम टैक्स में ये फाइनेंस लीज नहीं चलता, समझ में आएगी? नहीं तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग लेसी की बुक्स में कुछ भी नहीं है, कोई डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं, तो इसका टैक्स बेस हो गया निल। अरे बोलो ना यार, क्लियर हुआ कि नहीं? तो सर इनकम टैक्स क्या बोलता है फिर? इनकम टैक्स क्या करना पड़ता है इनकम टैक्स में? इनकम टैक्स बोलता है ना मैं तुम्हें डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दूंगा, ना मैं तुम्हें फाइनेंस चार्जेस का बेनिफिट दूंगा, तुम तो जितना इंस्टॉलमेंट पे करोगे वो पूरा का पूरा तुम्हें मिल जाएगा। तुमने कितना इंस्टॉलमेंट पे किया? 2 लाख। तो इनकम टैक्स में डायरेक्ट तुम्हारा 2 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा, करंट ईयर में मिल चुका है। आई बात समझ में? कोई असेट नहीं, कोई लाइबिलिटी नहीं। तो सोचो कि अगर कोई असेट नहीं, कोई लाइबिलिटी नहीं, तो इसका टैक्स बेस लाइबिलिटी का भी कितना होगा? निल। टैक्स बेस लाइबिलिटी का भी कितना होगा? निल। क्यों? अरे ना असेट क्रिएट करो ना लाइबिलिटी क्रिएट करो, डायरेक्ट खर्चा बुक कर दो, डायरेक्ट 2 लाख का डिडक्शन ले लो। 2 लाख का डिडक्शन ले लिया, अगर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा तो नई असेट दिखेगी ना लाइबिलिटी दिखेगी, कुछ दिखेगा ही नहीं। तो इसका मतलब अब मुझे पहले वाले केस, दो केसेस बन गए, एक तो असेट का कैरिंग अमाउंट 7 लाख, हाँ, और यहां पर टैक्स बेस निल।
क्या हो रहा है बताओ, क्या क्रिएट होगी? डी टी डी टी डी टी एल एल क्यों? तुम्हारा टैक्स पे जीरो है, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट को नीचे करना है, असेट को नीचे करना है मतलब लायबिलिटी, बोलो ना। अच्छा इस पे आओ, इस पे आओ, कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, ये लायबिलिटी है 7.2 और टैक्स पे जीरो है, तो लायबिलिटी को गिराना है, लायबिलिटी को गिराने वाला डी टी ए। तो तुम एक काम करो, तुम्हारा टेम्पररी डिफरेंस 7 लाख का डी टी ए डी टी एल और 7.2 का डी टी ए, तो 0.2 का नेट डिफरेंस आ गया, मतलब 20,000 का, 20,000 का क्यों, तुम्हारा क्या आ गया नेट डिफरेंस, तो 20,000 के ऊपर 30%, 6,000 का क्या बनेगा डी टी ए, 20,000 का तुम्हारा नेट डिफरेंस आया। आई वेरी बात समझ बेटा, बच्चों क्लियर है कि नहीं, बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं, पक्का? सर ये 20,000 रिकनसाइल करवाओ ना, आ जाओ सामने आओ। तुमने 1 लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम किया था, तुमने 1,20,000 के फाइनेंस चार्जेस क्लेम किए थे, तुम्हारे दोनों डिसअलाउ हो जाएंगे और तुम्हारा 2 लाख का अलाउ हो जाएगा, हो गया 20,000, नहीं है सर में? 1 लाख तुमने डेप्रिसिएशन क्लेम किया डिसअलाउड, 1,20,000 तुमने फाइनेंस चार्जेस बुक किए डिसअलाउड, और जो तुमने बुक नहीं किया एक्सपेंस इनकम टैक्स में, तो इनकम टैक्स में तुम्हें अलाउड, तो 20,000 का आ गया रिकनसिलेशन। समझ में आई अप्रोच? क्लियर हुई कि नहीं? मैं बात कर रहा हूं आपसे अप्रोच की, अप्रोच क्लियर हुई कि नहीं? तो बेटा ध्यान रखना, फाइनेंस लीज के केस में डीटीए डिटेल क्रिएट होता है। अब कल को अगर इंडिया 17 से क्वेश्चन आ गया फाइनेंस लीज का फुल फ्लेज, तो नीचे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैलकुलेट डेफर टैक्स इफेक्ट ऑल्सो। सर लेसर का भी बता दो ना क्या होगा, लेसर का बताओ क्या होगा, लेसर लेसर का क्या होगा, लेसर 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 क्या होगा सर? उसके लिए लेसर में भी अपने को एंट्री करनी पड़ेगी पहले। पहली एंट्री क्या करता है लेसर? लेसी लेसर एंट्री करता है, नहीं अरे फाइनेंस चार्जेस कहां से एंट्री कर दी उसने? पहली एंट्री दादा असेट को सेल करने की एंट्री करता है, लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, उसको पैसा मिलेगा ना, लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू असेट या टू सेल, अगर वो डीलर है तो, मैन्युफैक्चरर है तो, आई थिंक आपने पढ़ा होगा, अगर वो डीलर है मैन्युफैक्चरर है तो वो सेल बुक करता है, या तो वो टू असेट बुक करेगा, अरे बोलो यार, और डेबिट क्या करेगा वो? लीज रिसीवेबल। हाँ बोलो बेटा क्लियर? सेकेंड एंट्री क्या करेगा? डेप्रिशन तो क्लेम कर नहीं पाएगा, सेकेंड एंट्री क्या करेगा? इनकम बुक करेगा, इनकम बुक करेगा तो क्या एंट्री होगी? लीज रिसीवेबल डेबिट टू फाइनेंस इनकम, उधर एक्सपेंस कितना था 1.2, तो यहां पे भी 1.2, और उधर असेट कितने का वो हटाया था, लीज लायबिलिटी 8 लाख, तो इधर भी 8 ही मान लो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ताकि सेम सेम आए। अरे बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं, बोलो ना बेटा। और उसको एंड में फिर क्या मिला, उसको उसको क्या मिला? पैसा मिला, पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू लीज रिसीवेबल 2 लाख। अरे बोलो यार क्लियर है कि नहीं, पक्का? अब मुझे बताओ कि कैरिंग अमाउंट, सुनना मेरी बात को ध्यान से, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस पर्टिकुलर्स, ठीक है? सबसे पहले मुझे बताओ लीज रिसीवेबल का कैरिंग अमाउंट कितना है? लीज रिसीवेबल का कैरिंग अमाउंट कितना है? 1 तो 8 लाख डेबिट, 1.2 डेबिट, 2 क्रेडिट, कितना? 7.2। उसका टैक्स बेस जीरो, इनकम टैक्स के हिसाब से लीज रिसीवेबल कुछ भी नहीं होता। हाँ बच्चों समझ में आ रहा है? अच्छा मुझे बताओ, ये तो हो गया आपका लीज रिसीवेबल, ठीक है? अब आपकी फिक्स्ड असेट, जो आपने अपनी फिक्स्ड असेट लेसी को दे दी, तुम्हारा कैरिंग अमाउंट जीरो, तुम्हारी बुक से ये असेट चली गई ना, देखो
अरे चली गई ना इनकम टैक्स में, तो वो तुम्हारी आज भी ब्लॉक ऑफ असेट में रखी होगी और तुम्हें उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगा। अरे जल्दी बोलो, डेप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ कितना मिलेगा डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? डेप्रिसिएशन आप कितना भी ले लो, मतलब आप देखो कितना, मान लो 1 लाख का, वही उसको जो 1 लाख में, उसको 1 लाख का मिला था ना, कहाँ गया? ये 1 लाख का डेप्रिसिएशन, तो यहां पर भी 1 लाख का मिलेगा, तो इसका मतलब उसकी कैरिंग अमाउंट 7 लाख। हाँ और कुछ है ही नहीं, कोई लाइबिलिटी है क्या? लेसर की कोई लाइबिलिटी होती नहीं है। लेसर की चीजें, लेसर के पास दो चीजें हैं, एक तो लीज रिसीवेबल जो उसके बुक्स में शो हो रहा है, और एक असेट जो उसके बुक्स में शो नहीं हो रहा है पर उसकी इनकम टैक्स की बैलेंस शीट में शो हो रहा है। बोलो बताओ पहली चीज से क्या क्रिएट हो रहा है, डेफर टैक्स असेट की डेफर टैक्स लाइबिलिटी? ये लीज रिसीवेबल ये असेट है याद रखना, तो ये लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि कैरिंग अमाउंट बेवजह दिख रहा है, उसको नीचे करो, टैक्स बेस पे लेके आओ। अरे समझ में आया कि नहीं? अच्छा उसके बाद फिक्स असेट का देखो, ये असेट क्रिएट हो रहा है, आया समझ में कि नहीं? तो कितने से डिफरेंस आ गया? 0.2, सेम 0.2 से डिफरेंस आ गया ना ऊपर और नीचे, आई बात समझ में कि नहीं? और यहां पर 0.2 आपकी लाइबिलिटी मानी जा रही है, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा है, 7.2 ज्यादा है। और देखो लेसी के केस में DTA था, यहां पर सेम DTL क्रिएट होगा। मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो चुका होगा पॉइंट। हाँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, इसके ऊपर क्वेश्चन बाकायदा बन सकता है, ध्यान रखिएगा इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर हो रही है सबको? ओके अच्छा, केस नंबर 5, लास्ट केस, टैक्स हॉलीडे पीरियड। अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड, इसी केस में वापस चलते हैं, फाइनेंस लीज वाले केस में, मतलब लीज वाले केस में। ये तो फाइनेंस लीज था सर, ऑपरेटिंग लीज में क्या होगा? सेम सेम, ऑपरेटिंग लीज में लेसी असेट बुक नहीं करता है, लेसर ही बुक करता है, वही डेप्रिसिएशन लेगा, तो सोचो कुछ होगा? होगा। इंड एज 17 बोलता है ऑपरेटिंग लीज में जब तक तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तुम जो लीज रेंट है उसको SLM बेसिस पे बुक करोगे, SLM बेसिस पे बुक करोगे। मान लो तुम्हारा एग्रीमेंट है कि मैं पहले साल तुम्हें 2 लाख दूंगा, दूसरे साल 3 लाख दूंगा, चौथे साल 2.5 लाख दूंगा, अलग 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 है, तो इनकम टैक्स में तो जितना जितना तुम पे करोगे उतना उतना डिडक्शन मिल जाएगा, जबकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तुम डिडक्शन कैसे लोगे? SLM बेसिस पे। तो तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में SLM चल रहा है और इनकम टैक्स में तुम्हारा एक्चुअल बेसिस चल रहा है, फिर से तुम्हारे डेफर टैक्स एसेट और लाइबिलिटी क्रिएट होने लगेंगे। तो इसको एक काम करो, साइड में नोट डाल दो, डेफर टैक्स विल ऑल्सो बी कैलकुलेटेड ऑन ऑपरेटिंग लीजेस, ऑपरेटिंग लीजेस। क्यों? क्यों? क्योंकि बुक्स में मैं क्या करूंगा, लीज रेंट को SLM करूंगा और टैक्स में मुझे एक्चुअल लीज रेंट का डिडक्शन मिलेगा अगर मैं लेसी हूं तो, और लेसर हूं तो एक्चुअल लीज रेंट मेरी इनकम मानी जाएगी। समझ में आई बात सबको? अरे बोलो, गाइस क्लियर हुआ? पक्का? एक्चुअल लीज रेंट मतलब एज पर एग्रीड वैल्यूज, एग्रीड एग्रीमेंट, एज पर एग्रीमेंट। नहीं दादा, एक्चुअल लीज रेंट मतलब मैं तुझे 5 साल में, पहले साल 2 लाख दूंगा, दूसरे साल 2.5 लाख, फिर 3 लाख, फिर 3.5 लाख, फिर 4 लाख, फिर 4.5 लाख, ऐसे करके दूंगा।
तो पहले मुझे पहले साल टैक्स में डिडक्शन मिलेगा 2 लाख का, दूसरे साल 2.5 लाख का, तीसरे साल 3 लाख का। जबकि मुझे इंड एज क्या बोलता है कि तुम इन सबको टोटल करो, डिवाइड बाय 5 करो, एसएलएम बेसिस बुक करो। जा रहा है ना दिमाग, जा रहा है ना उधर। चलो लास्ट केस, केस नंबर 5, केस नंबर 5, टैक्स हॉलीडे पीरियड। ये समझ में आया क्या? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टैक्स हॉलीडे पीरियड। देखो पढ़ के देखो इसको, किसी ने पढ़ा था ये केस? पढ़ के आए थे? हाँ जी, क्या बोल रहा है ये टैक्स हॉलीडे पीरियड? जल्दी बोलो क्या बोल रहा है ये टैक्स हॉलीडे पीरियड? ये सेक्शंस कुछ पता होंगे ना आपको, 80IA IB। हाँ क्या बोलते हैं ये सेक्शंस? और कुछ वो 10 वाले सेक्शन भी होते हैं, 10 सेक्शन 10, वो एक्सपोर्ट वाली, एक्सपोर्ट अंडरटेकिंग, जिसको शायद 5 साल तक कुछ एग्जम्प्ट होता है उनका प्रॉफिट, ऐसा कुछ होता है ना? मेरे को जी डीप में नहीं पता, मेरे को इतना पता कि सेक्शन 10 में कुछ प्रॉफिट्स एग्जेम्प्ट होते हैं, होते कि नहीं होते? हाँ, तो मुझे इतना बता दो कि अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 5 साल तक इनकम टैक्स वाले, 5 साल तक इनकम टैक्स वाले तुमसे टैक्स लेंगे ही नहीं, 5 साल तक इनकम टैक्स वाले तुमसे टैक्स लेंगे ही नहीं, लेंगे ही नहीं, मतलब लेंगे ही नहीं कुछ भी हो जाए। क्यों? तो क्योंकि तुम अपना पूरा का पूरा सेल एक्सपोर्ट करते हो, तुम पूरा का पूरा अपना गुड्स एक्सपोर्ट करते हो, और एक्सपोर्ट करने पर तुम्हें 5 साल का टैक्स एग्जेम्पशन दिया गया है। अब एक बात बताओ, फर्स्ट ईयर में तुम्हारा टेम्पररी डिफरेंस आया 5 लाख रुपए का। हाँ कब आया? फर्स्ट ईयर में कितना आया? 5 लाख रुपए का। एक्सपेक्टेड टू बी रिवर्स्ड इन थर्ड ईयर, ये थर्ड ईयर में रिवर्स होगा। ये कब रिवर्स होगा? थर्ड ईयर में। अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये तुम्हारा टैक्स हॉलीडे पीरियड है। यहां तुम्हारा 5 लाख रुपए का टेम्पररी डिफरेंस इन द नेचर ऑफ लायबिलिटी क्रिएट हुआ है, और ये तुम्हारी रिवर्स कब होगी? यहां ये तुम्हारा रिवर्स हो जाएगा। पहले तो बताओ लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? आज लायबिलिटी बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है? फ्यूचर में पे करना पड़ेगा? करना ही नहीं पड़ेगा इस केस में। क्यों नहीं करना पड़ेगा? टैक्स हॉलीडे। तो मैं आज क्या इसके ऊपर, इस 5 लाख के ऊपर डेफर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करूं क्या? नहीं। क्यों क्रिएट करूं जब मुझे पता है कि ये थर्ड ईयर में जब रिवर्स होगा तो उसमें टैक्स ही नहीं लगेगा? आया समझ में कि नहीं? हाँ बोलो बेटा। तो मैं इस पांच लाख को, क्योंकि मेरा ये रिवर्स होने वाला है थर्ड ईयर में, एक्सपेक्टेड टू बी रिवर्स लिखा है, मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन है कि थर्ड ईयर में रिवर्स हो जाएगा, तो आई डोंट नीड टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ डेफर टैक्स असेट और डेफर टैक्स लाइबिलिटी। बट अगर मैं बोलूं कि 5 लाख में से एक्सपेक्टेड टू बी रिवर्स इन थर्ड ईयर सिर्फ 3 लाख रुपए है, 3 लाख है, और बाकी जो होगा वो 6th ईयर में रिवर्स होगा, मतलब यहां पर रिवर्सल 3 लाख होगा और यहां पर रिवर्सल 2 लाख होगा।
टेम्पररी डिफरेंस मेरा कितना है 5 लाख, उसमें से कितना रिवर्स होगा मेरा 3 लैक्स, कौन से पीरियड में, टैक्स हॉलिडे पीरियड में, और 2 लाख कब रिवर्स होगा, टैक्सेबल पीरियड में। मैं टैक्सेबल पीरियड बोल सकता हूं कि नहीं, मुझे बताओ आज टुडे मैं कितने के ऊपर डिटेल क्रिएट करूंगा, हाँ मैं कितने के ऊपर डिटेल क्रिएट करूंगा, बोलो बेटा जल्दी बोलो, 2 लाख के ऊपर मैं आज टुडे आई विल क्रिएट डेफर टैक्स ऑन 2 लाख ओनली, सिर्फ 2 लाख पे क्रिएट करूंगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं, बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं। तो एक रूल क्या बन गया, चलो आओ मेरे से बात करो, रूल क्या बन गया, दोज टेम्पररी डिफरेंसेस विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रिवर्स्ड इन द टैक्स हॉलीडे पीरियड आर टू बी इग्नोर्ड। मेरे साथ रिपीट करो, क्या, दोज टेम्पररी डिफरेंसेस विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रिवर्स्ड इन द टैक्स हॉलीडे पीरियड आर टू बी इग्नोर्ड, वेदर इट इज अ लाइबिलिटी और असेट, बट दोज temporary differences which arise in tax holiday period but expected to be reversed after tax holiday period are to be considered while calculating deferred tax. Simple rule ban gaya ki nahi? Are bolo yaar. Chalo. Iske upar ek examination question hai. Ye wala. Is question ko ek bar dekh lo. इस क्वेश्चन को एक बार देख लो अच्छे से, क्लियर हुआ, हाँ क्या क्लियर हुआ मुझे बताओ, इसमें क्या बोल रहा है वो, फुल टैक्स फ्री इंटरप्राइज फॉर द फर्स्ट 10 इयर्स, हाँ फुल टैक्स फ्री इंटरप्राइज फॉर फर्स्ट 10 इयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस एंड इज इन द सेकंड ईयर ऑफ ऑपरेशन डेप्रिसिएशन टेम्पररी डिफरेंस रिजल्टिंग इन अ टैक्स लायबिलिटी इन ईयर 1 एंड ईयर 2 इज 200 एंड 400। तो एक काम करते हैं, इसका अपन एक चार्ट बनाते हैं, फर्स्ट ईयर में कितना आ रहा है 200, सेकंड ईयर में कितना आ रहा है 400, फ्रॉम द थर्ड ईयर इट इज एक्सपेक्टेड दैट टेम्पररी डिफरेंस वुड रिवर्स ईच ईयर बाय 10, तो यहां 10 रिवर्स होगा, हाँ ना, होगा कि नहीं होगा, कितने साल तक रिवर्स होगा, पहला साल दूसरा साल छोड़ दो, 10 में से 2 साल हो चुके हैं तो 8 साल तक 10 रिवर्स होगा, तो बेटा कितना रिवर्स होगा, 80 लाख रिवर्स होगा, रुक जाओ, 80 लाख रिवर्स होगा, यहां पर एक और रूल, 80 लाख रिवर्स कौन से में से होगा, 200 वाले में से कि 400 वाले में से, अप्लाई फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अप्लाई फीफो, यू हैव टू अप्लाई फीफो, समझ में आ रही है बात कि नहीं, पहले जो टाइमिंग डिफरेंस क्रिएट हुआ उसमें से माना जाएगा, तो बताओ 200 में से 80 माइनस हो गया तो कितना बचा 120, तो आप पहले साल में 120 के ऊपर डेफर टैक्स क्रिएट करोगे, पहले साल में 120 के ऊपर डेफर टैक्स क्रिएट करेंगे, कितना कितना परसेंट है 40%, तो 120 के ऊपर 40% कितना हुआ 48, तो फर्स्ट ईयर 200 में से 80 चला गया, 120 बचा, 120 का 40%, 48 का क्या क्रिएट होगा DTL, अरे बोलो यार, अच्छा सेकंड ईयर में कितना टाइमिंग टेम्पररी डिफरेंस अराइज हुआ 400, और ये पूरा 400 काम का है मेरा, बताओ 400 काम का क्यों है, क्योंकि 10 साल बाद रिवर्स होगा ये,
ये 10 साल बाद रिवर्स होगा ना, और 10 साल के बाद मेरा टैक्स एग्जेम्पशन पीरियड खत्म हो जाएगा, तो ये मेरा पूरा का पूरा काम का है। तो मुझे बताओ सेकेंड ईयर में, बेटा मेरे से सामने देखो स्क्रीन पे देखना, सेकेंड ईयर में मेरे पास क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव टीडी कितना है, टेम्पररी डिफरेंस, एक तो 120 शुरू से था ब्रॉड फॉरवर्ड और 400 इस बार आ गया, तो कितना हो गया, हाँ 520 के ऊपर 40%, 208। ये DTL मेरे बैलेंस शीट में दिखना चाहिए, और जबकि पिछले बार मेरा बैलेंस शीट में कितना DTL दिख रहा था, तो बताओ P&L में इफेक्ट कितना आएगा इस बार, 160। सर हम तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे 400 का, हाँ डायरेक्ट निकाल सकते थे, पर प्रेजेंटेशन आपको ऐसे करना है, आपसे वो पूछेगा कि मुझे बताइए कि क्यूमुलेटिव कितना है, बैलेंस शीट में कितना दिखेगा, ड्यूरिंग द ईयर कितना डेबिट होगा, इसलिए मैंने आपको करवाया, बाकी कोई टेंशन नहीं है। समझ में आया कि नहीं गाइस, क्लियर हुआ? तो चलो ये अच्छे केसेस थे, ये 5 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी समझ गया होगा, समझ में आ गया होगा कि इन 5 केसेस की बहुत अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में जरूर देख के जाइएगा गाइस, पक्का देख के जाओगे, हाँ ओके। एग्जाम्पल्स आपने सारे पढ़ लिए होंगे, एग्जाम्पल्स तो बेटा आपको ही पढ़ने हैं, ये एग्जाम्पल्स आपको ही पढ़ने हैं, मेरे को जो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स लगे वो मैंने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से कट करके इसमें डायरेक्ट डाल दिए हैं, तो ये एग्जाम्पल सारे आपको पढ़ने हैं। टेस्ट और नॉलेज के अपन ने सारे क्वेश्चंस कर लिए कि नहीं कर लिए, उसके बाद अपन ने एडिशनल क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिया था, एडिशनल क्वेश्चन 1, एडिशनल क्वेश्चन ये वाला 6 और ये सब मॉक टेस्ट पर डिस्कस कर लिया था, इफेक्टिव टैक्स रेट वगैरह। तो बेटा इसी के साथ अपना इंड एस 12 कंप्लीट, अपना इंड एस 12 कंप्लीट हो गया, इसी के साथ अपन अपना इंड एस 12 कंप्लीट कर चुके हैं, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंड एस 40, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंड एस 40, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे का इंड एस 40, इंड एस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, इंड एस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, इंड एस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, ओके गाइस। तो ये बहुत ही छोटा सा इंड एस है और इंटरेस्टिंग सा है इंड एस है। इंड एस 40 किस चीज की बात करता है, इंड एस 40 बेसिकली, मैं आपको चलिए फिर डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, इंड एस 40 बात करता है लैंड बिल्डिंग और दोनों लैंड एंड बिल्डिंग। अगर लैंड और बिल्डिंग आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो तो वो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग आपके पीपीई में चली जाएगी, इंड एस 16 में चली जाएगी। पर अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस से रखा हुआ है अपने पास, किस पर्पस से रखा हुआ है, या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पस से रखा हुआ है, कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पस मतलब कि पड़ा रहे वैल्यू बढ़ेगी तो बेच देंगे, या फिर इनडिटरमाइंड यूज के लिए रखा हुआ है, इनडिटरमाइंड यूज मतलब अभी तक आपका डिसाइडेड नहीं है कि क्या करने वाले हो, ना आप बिजनेस उस पर कर रहे हो अभी फिलहाल, ना आपका कोई ऐसा होल्ड करने का लॉन्ग टर्म बेसिस पे इंटेंशन है, बट आपको पता नहीं है कि आप क्या करने वाले हो, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं। सो लैंड और बिल्डिंग हेल्ड फॉर इनडिटरमाइंड यूज ऑल्सो, वो भी आपकी किस में आएगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आएगी, मेरी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो बेटा मेरी बात क्लियर है कि नहीं। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सिर्फ आपका लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आपका बाकी कोई मशीन और ये दुनिया भर की चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि मशीन और फर्नीचर ये सब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं होते, आई बात समझ में कि नहीं, वो तो सब हमेशा आपके बाय डिफॉल्ट पीपीई में जाएंगे, बाय डिफॉल्ट किस में जाएंगे, पीपीई में। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो इन्वेस्टमेंट, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो प्रॉपर्टीज में और दूसरा अदर्स, अदर्स मतलब आपका इक्विटी डेरिवेटिव्स, हाँ। तो अगर आपके अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वो आपका मतलब अदर इन्वेस्टमेंट मतलब आपका वो जाएगा 109 में या 32 में, इंडेस 109 या 32 में, बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं। और अगर आपका
इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट में है। किस में है? सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर, तो वो आपके जाएंगे इंड एस 110, 111, 28, 103, इन सब में। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में है तो वो आपका जाएगा इंड एस 40 में। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? बोलो बेटा, क्लियर? गाइस क्लियर हुआ कि इतना नहीं? ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आपका जाएगा यहां पर लैंड, बिल्डिंग और दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग। मैं अपन पहले सबसे पहले समरी समरी की बात कर लेते हैं, फिर अपन नोट्स पे आएंगे, नोट्स पे हम बांध पे आएंगे। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग क्या बोलता है? सबसे पहले बोलता है कि आप पहले डिफाइन करो कि आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है। पहले आप डिफाइन करो कि आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होने के लिए क्या जरूरी है? एक तो लैंड या बिल्डिंग या लैंड बिल्डिंग, चलो हो गई लैंड बिल्डिंग लैंड बिल्डिंग। अब उसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं अपन पीपीई से? वो डिफरेंशिएट अपन कैसे कर सकते हैं पीपीई से? अगर वो आपके बिजनेस में यूज हो रही है तो वो आपकी मानी जाएगी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। क्या बोली जाएगी? वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको बिजनेस में यूज कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे उसको? ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो वो आपकी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। नॉट हेल्ड फॉर बिजनेस पर्पस ना, नॉट हेल्ड फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्योंकि पीपीई की डेफिनेशन क्या है? टेंजिबल असेट विच इज हेल्ड फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। याद है कि नहीं? ठीक है, तो ये नॉट हेल्ड फॉर होनी चाहिए, नॉट हेल्ड फॉर बिजनेस। बोलो बेटा, क्लियर? और रादर इट शुड बी हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंटल टू अदर्स। आपने एक प्रॉपर्टी लेके रखी है और आप उसको किराए पर चलाने का काम करते हो, बट किराए पे चलाने का काम आपका बिजनेस नहीं होना चाहिए। आपका बिजनेस ही किराए पर देने का है तो ये आपका फिर ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो जाएगी। जैसे होटल इंडस्ट्रीज, तो होटल इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो होटल रूम्स क्या होते हैं? होटल रूम्स तो आपको किराए पर मिलते हैं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन रहने के लिए। तो होटल इंडस्ट्रीज के केस में जो उनकी प्रॉपर्टी है, होटल प्रॉपर्टी जो है, प्रिमाइज है, वो उनकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, वो उनकी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो सकती है, वो उनकी पीपीई में जाएगी। समझ में आएगी? नहीं? तो इसका मतलब यहां पर आपकी या तो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखा हुआ है, या फिर रेंटल टू अदर्स के लिए रखा हुआ है। समझ में आई बात की नहीं? रेंटल टू अदर्स के लिए रखा है तो वो प्रॉपर्टी आपकी क्या मानी जाएगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मेरी बात समझ में आएगी? नहीं? अब ये आगे बोलता है कि चलो हमने माना कि ये तुम्हारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो अब करना क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट इनिशियल रिकॉग्निशन। तो मुझे लिखने की फिलहाल ऐसे तो कोई जरूरत नहीं है, इनिशियल रिकॉग्निशन तो हम इसको इनिशियली रिकॉग्नाइज करो। अब इनिशियल रिकॉग्निशन के लिए क्या होना चाहिए? सेम वही ट्रीटमेंट जो इंडिया 16 बोलता है भाई। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैन बी एक्सपेक्टेड और कॉस्ट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली। कॉस्ट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? यहां तक क्लियर है कि नहीं? तो कॉस्ट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली। तो ये आपका इनिशियल रिकॉग्निशन हो गया। अच्छा, इनिशियल रिकॉग्निशन हो गया, इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगा? एट कॉस्ट। एट कॉस्ट, कॉस्ट में कितनी चीजें आएंगी? दो चीजें, एक तो परचेज प्राइस इंक्लूडिंग नॉन रिफंडेबल टैक्सेस और दूसरा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस या कॉस्ट। बोलो बेटा, क्लियर? अच्छा, ये भी आपने कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज कर लिया। सर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे क्या? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे क्या? यस और नो? लैंड पे नहीं लगाएंगे। मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग है या मेरे पास बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है मेरी, मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इंडेक्स 40 है, क्या मैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा क्या? लैंड के ऊपर तो नहीं लगाऊंगा, खाली खाली लैंड है, पर मान लो मेरा बिल्डिंग है। यस यस, ऑन बिल्डिंग लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे भाई? बिल्डिंग इंडेस 16 से हटके तुम्हारे इंडेस 40 में आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको डेप्रिशिएट नहीं करोगे।
डेप्रिशिएट तो तुम्हें करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, उसके बाद सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। अब ये सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का मतलब क्या? मतलब बैलेंस शीट में उसको किस पे मेजर करोगे? बैलेंस शीट डेट पर, बैलेंस शीट डेट पर तुम क्या करोगे? अपना जो बैलेंस शीट डेट पर इंडेस 16 की बात करें, इंडेस 16 की बात करें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करें, तो वो बोलता है कि तुम या तो कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर सकते हो या तो फिर तुम उसको रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर सकते हो इंडेस 16। अरे बोलो यार, वो बोलता है कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर सकते हो या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, पर तुम ये जो इंडेस 40 है वो बोलता है तुम सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट मॉडल ही अप्लाई करोगे, कॉस्ट मॉडल ओनली, तुम सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट मॉडल अप्लाई करोगे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तुम कॉस्ट मॉडल के अलावा दूसरा कोई मॉडल अप्लाई नहीं कर सकते हो, रिवॉल्यूशन मॉडल अप्लाई नहीं कर सकते हो। हाँ, बट फॉर डिस्क्लोजर पर्पस, डिस्क्लोजर पर्पस, तुम डिस्क्लोजर पर्पस के लिए फेयर वैल्यू यूज कर सकते हो, फेयर वैल्यू यूज कर सकते हो। मतलब तुम फेयर वैल्यू उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की निकाल के उसको डिस्क्लोज जरूर करना है तुम्हें। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो मैं प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू निकाल के उसको डिस्क्लोज करना है, सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पस। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डी रिकॉग्निशन, डी रिकॉग्निशन, डी रिकॉग्निशन या डिस्पोजल, या डिस्पोजल, डी रिकॉग्निशन और डिस्पोजल ऑफ आईपी, आईपी मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर तुमने अपनी डी रिकॉग्नाइज कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डी रिकॉग्नाइज कर रहे हो या फिर डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, तो जो भी इससे गेन होगा या लॉस होगा उसको कहां ले जाएंगे? ऑब्वियसली उसको कहां ले जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। सेम इंडिया 16 बेटा, तो आधा तो इंडिया 16 ही आ गया यहां पर, बस इंडिया 16 का क्या मैच नहीं कर रहा है? एक तो डेफिनेशन, पीपी की डेफिनेशन अलग है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन अलग है। आधा इंडेस 40 तो डेफिनेशन डेफिनेशन में ही सीमित है, इतनी डेफिनेशन उसकी इंपॉर्टेंट है। मतलब इंडेस 40 से अगर कोई केस स्टडी बनेगी तो डेफिनेशन के थ्रू बनेगी, पूछेगा आपसे कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है कि नहीं है। दूसरा, फिर आपका सब्सिक्वेंट मेजरमेंट इंडेस 16 बोलता है कि कॉस्ट मॉडल और रिवॉल्यूशन मॉडल, जबकि इंडेस 40 बोलता है सिर्फ कॉस्ट मॉडल, आप डिस्क्लोजर पर्पस के लिए फेयर वैल्यू कर सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं? बेटा इसका एक ना ये कार्व आउट है बेसिकली, इसका एक डिफरेंस है ये। IFRS जो है, IFRS बोलता है कि आप फेयर वैल्यू भी कर सकते हो, लिख लीजिएगा इसको, IFRS बोलता है कि आप फेयर वैल्यूएशन कर सकते हो। ये पॉइंट्स आपको GFRS में भी काम आएंगे अगर आप GFRS दोगे तो, और नहीं भी काम है तो ठीक है ना, आपको कम से कम आपको पता तो होना चाहिए नॉलेज पर्पस से। तो IFRS कहता है कि ये जो आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसका सब्सिक्वेंट मेजरमेंट या तो कॉस्ट या तो फेयर वैल्यू, जबकि इंडेस 40 बोलता है कि ओनली कॉस्ट, फेयर वैल्यू कैन ओनली बी यूज्ड फॉर डिस्क्लोजर पर्पस, फेयर वैल्यू कैन ओनली बी यूज्ड फॉर डिस्क्लोजर पर्पस। तो ये IFRS से आपका थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, ठीक है बेटा? क्लियर है? बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं? अच्छा चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। कॉस्ट पे, हाँ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, आपने उसको लैंड, लैंड को आपने क्लासिफाई कर दिया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, तो आप उसको कॉस्ट पे दिखाओगे। आई बात समझ में? कितना भी अप्रिशिएट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए, अच्छा एक सेकेंड और, हाँ एक और चीज याद आ गई सर, ये जो अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है तो सर इसके ऊपर इंपेयरमेंट लगता है कि नहीं लगता है? इंपेयरमेंट लगता है कि नहीं लगता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर? सर जैसे पीपीई के ऊपर अपन इंपेयरमेंट करते हैं इंडिया 36 में, तो सर इसके ऊपर भी इंपेयरमेंट लगता है कि नहीं लगता है? यस, इंपेयरमेंट इसके ऊपर भी लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? यस, इंपेयरमेंट इज ऑल्सो एप्लीकेबल। तो बेटा सबसे पहले ये शॉर्टकट याद रख लो कि आपको इस पूरे इंडेस में क्या क्या पढ़ना है, आपको इस पूरे इंडेस में ये सारी चीजें पढ़नी है, आपको इस पूरे इंडेस में ये सारी चीजें पढ़नी है। समझ में आ रही बात कि नहीं? इनिशियल रिकॉग्निशन,
डेफिनेशन, इनिशियल रिकॉग्निशन व डेप्रिसिएशन, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, डिस्क्लोजर पर्पस के लिए फेयर वैल्यू, डी रिकॉग्निशन, डिस्पोजल और इंपेयरमेंट। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इंड एएस 40, नोट्स है ना सबके पास आपके नोट्स? चलिए शुरू करते हैं इंड एएस 40। मैनी पीपल फॉल्सली बिलीव दैट देयर इज ओनली वन स्टैंडर्ड दैट डील्स विद द लॉन्ग टर्म टेंजिबल असेट्स, दैट इज इंड एएस 16, जबकि उसका एक इंड एएस 40 भी स्टैंडर्ड है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। एक्सेप्ट फॉर इंड एएस 16 वी हैव अ फ्यू अदर स्टैंडर्ड्स अरेंजिंग द लॉन्ग टर्म असेट्स, इंड एएस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज वन ऑफ देम। इंड एएस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी प्रिस्क्राइब्स द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बट वॉट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज अ लैंड, अ बिल्डिंग और पार्ट ऑफ इट और बोथ, या तो लैंड या तो बिल्डिंग या तो पार्ट ऑफ बिल्डिंग या तो पार्ट ऑफ लैंड या तो बोथ लैंड एंड बिल्डिंग टुगेदर, हेल्ड फॉर फॉलोइंग स्पेसिफिक पर्पसेस। कौन कौन से पर्पस हैं? क्या क्या लिखा है बेटा, क्या क्या लिखा है? पहला रेंटल्स, दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन, तीसरा बोथ। अब मुझे एक बताओ बात, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बॉयज हॉस्टल मेंटेन कर रहा हूं, मैं पीजी मेंटेन कर रहा हूं, मैं गर्ल्स हॉस्टल मेंटेन कर रहा हूं, और मेरा शुक्रवार पेट पे, और इसके अलावा मेरा पुणे में एफसी रोड पे, मेरी दो तीन जगह ये बॉयज हॉस्टल, पीजी और गर्ल्स हॉस्टल है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी कि मेरी ये पीपीई होगी? ये मेरा शॉर्ट शॉर्ट पीपीई होगा, क्योंकि मेरा ये बिजनेस है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? बोलो ना बेटा, क्लियर है कि नहीं? पक्का? चलिए, तो टू अर्न रेंटल्स टू फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर बोथ, या तो रेंटल पर्पस या तो कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर बोथ। क्लियर हुआ कि नहीं? सो हेयर द स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट इज ऑन पर्पस। डिपेंड करता है कि आपका टेंजिबल एसेट का पर्पस क्या है। अगर आपका टेंजिबल एसेट का पर्पस बिजनेस में यूज करने का है तो वो आपके पीपीई में चली गई, आपका बिजनेस में यूज करने का नहीं है तो आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गई। मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं? अच्छा, इसके बाद इफ यू होल्ड अ बिल्डिंग और अ लैंड फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्पस देन इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर अपना इस पर्पस के लिए होल्ड करके बैठे तो वो अपना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होगी। कौन कौन सी है? कौन कौन सी जल्दी बताओ? फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, साइड में लिख लो पीपीई, इंडिया 16। अरे बोलो यार। दूसरा फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, साइड में लिख लो पीपीई, इंडिया 16। फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, साइड में लिख दो इंडिया 2 इन्वेंट्री। अरे सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मैं बिल्डर हूं, बिल्डिंग बना के बेच देता हूं। अरे बोलो ना, इंडिया 2 इन्वेंट्री। और तीसरा क्या है? चौथा क्या है? प्रॉपर्टी लीज टू अदर एंटिटी अंडर अ फाइनेंस लीज, या फिर इंडिया 17 में आ जाएगा, इंडिया 17। तो ये चार पर्पस के लिए अगर आपने होल्ड करके रखा है तो ये आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कवर नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? बोलो बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? यही चीजें मैंने आपको एक चार्ट के टाइप से करवाई है, सामने चार्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है? ये आपको चार्ट दिख रहा होगा, क्लियर है बेटा? ओके, इफ यू आर यूजिंग द बिल्डिंग और लैंड फॉर द फर्स्ट टू पर्पस दैट इज ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। बेटा ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मतलब बिजनेस पर्पस के लिए, याद रखना, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मतलब बिजनेस पर्पस के लिए, देन यू शुड अप्लाई इंडिया 16। The standard Ind AS 2 inventories first fits when you use them for the sale in ordinary course of business. आई बात समझ में? बोलो बेटा, क्लियर? नोट में क्या क्या आया है? आओ बेटा नोट पढ़ते हैं। ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ओनर और बाय लेसी अंडर फाइनेंस लीज फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। ये ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या होती है? ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या होती है?
या तो एक ऐसी लैंड एंड बिल्डिंग जिसको उसने जिसको उसके ओनर ने होल्ड करके रखा है, या तो जिसको लेसी ने होल्ड करके रखा है, किसमें? फाइनेंस लीज में। अरे यार, अगर लेसी ने होल्ड करके रखा है फाइनेंस लीज में, तो सबसे पहले तो वो इंड एस 17 लगाएगा, उसके बाद वो इंड एस 16 भी लगाएगा डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए, क्योंकि वो अपने बिजनेस में यूज कर रहा है। समझ में आएगी नहीं? तो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी या तो हेल्ड बाय ओनर या फिर हेल्ड बाय लेसी अंडर फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज में अगर होल्ड करके रखी है तो वो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगी, भले उसकी फाइनेंस लीज में चल रही है, पर उसने, अरे फाइनेंस लीज में है नहीं, सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड उसके पास आ चुके हैं, इसीलिए। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है बेटा? बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं? पक्का? आगे बढ़े? चलो नेक्स्ट। दिस स्टैंडर्ड ऑल्सो डील्स विद द मेजरमेंट इन द लेसीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंटरेस्ट हेल्ड अंडर अ लीज अकाउंटेड फॉर एज अ फाइनेंस लीज एंड विद दिस मेजरमेंट इन अ लेसर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड टू अ लीज अंडर एन ऑपरेटिंग लीज। इसका मतलब क्या हुआ? दिस स्टैंडर्ड ऑल्सो डील्स विद द मेजरमेंट इन लेसीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंटरेस्ट हेल्ड अंडर अ लीज अकाउंटेड फॉर अ फाइनेंस लीज एंड विद द मेजरमेंट इन अ लेसर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड टू अ लेसी अंडर एन ऑपरेटिंग लीज। तुम लेसर हो और तुमने क्या किया, एक प्रॉपर्टी लीज पर दे दी। कौन सी लीज पर? ऑपरेटिंग लीज पर। क्या मैं इसको बोल सकता हूं अर्निंग रेंटल पर्पस? क्या मैं इसको बोल सकता हूं अर्निंग रेंटल पर्पस? और अगर ये दिखा गया मेरा अर्निंग रेंटल पर्पस, तो क्या मेरी ये बन जाएगी आईपी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? तो एक ये केस बन गया आपका कि इफ द लेसर इज गिविंग हिज असेट ऑन लीज, ऑन ऑपरेटिंग लीज, देन इट इज एज गुड एज अर्निंग रेंटल पर्पस। तो ये आपका इंड एस 40 आ जाएगा। बोलो बेटा, क्या आ जाएगा? इंड एस 40। समझ में आ गया कि नहीं? दिस स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई टू द बायोलॉजिकल असेट्स टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। बेटा बायोलॉजिकल असेट तो ऐसा है कि जिसके ऊपर हमेशा एग्रीकल्चर, वो जो इंड एस 41 है वो अप्लाई होता है। इसके अलावा इंड एस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा हाँ, बायोलॉजिकल असेट दो टाइप की होती है, एक बियरर प्लांट्स और एक नॉन बियरर प्लांट्स। बियरर प्लांट्स आपके इंड एस 16 में कवर होते हैं और नॉन बियरर प्लांट्स आपके इंड एस 41 में कवर होते हैं। मैं जब इंड एस 16 करवाऊंगा तो आपको कंप्लीट करवा दूंगा, डोंट वरी, अभी छोड़ दो। इसीलिए मैंने यहां पर इंड एस 41 और इंड एस 16 दोनों का रेफरेंस दिया हुआ है। इंड एस 41 और इंड एस 16 दोनों का रेफरेंस दिया हुआ है यहां पर, ठीक है। इसके अलावा और कहां कवर नहीं होता ये इंड एस 40? मिनरल राइट्स एंड मिनरल रिजर्व्स सच एज ऑयल, नेचुरल गैस एंड सिमिलर नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेज। आपको एक पर्टिकुलर साइट मिला, लैंड मिला एक्सट्रैक्शन करने के लिए। एक्सट्रैक्शन करने के लिए आपको एक साइट दिया गया, तो वो भी तो आपका लैंड है, बट वो आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। इवन वो आपका पीपीई भी होगा कि नहीं होगा, उसके ऊपर सेपरेट गाइडेंस वगैरह है, एक इंड एस 106 भी है उसके ऊपर, ठीक है। वो अपने सिलेबस में नहीं है, इंड एस 106 अपने सिलेबस में नहीं है, वो मिनरल राइट्स वाला, तो वो भी है। तो अल्टीमेटली इन दोनों चीजों के ऊपर इंड एस 40 एप्लीकेबल नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलो बेटा, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर? यहां तक क्लियर बेटा? ओके चलिए, आइए एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करते हैं, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, व्हाट स्पेसिफिकली कैन बी क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्या क्या आ सकता है? हियर इज अ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स। पहला, लैंड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट फॉर द लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन रादर देन शॉर्ट टर्म सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आपने इसको लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होल्ड करके रखा है और आपका इंटेंशन है कि आप इसका वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, और फॉर फ्यूचर अनडिटरमाइंड यूज। अनडिटरमाइंड यूज मतलब
पता ही नहीं है क्या करना चाहते हो, बस इतना मतलब इतना पता है कि भैया हमारे दादाजी हमें दे गए थे, हम इसको कभी नहीं बेचना चाहते। आई बात समझ में कि नहीं? हमारे दादाजी की प्रॉपर्टी है, हम इसको कभी नहीं बेचना चाहते। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? हम बिजनेस करना चाहते क्या? नहीं पता नहीं यार, बट पड़ा रहे, हम किसी को देंगे नहीं। अच्छा, दैट इज यू डोंट नो व्हाट येट व्हाट विल यू व्हाट यू विल यूज इट फॉर। ओके नेक्स्ट, हाउएवर इफ यू बाय अ लैंड एंड यू इंटेंड टू बिल्ड सम प्रोडक्शन प्रोडक्शन हॉल फॉर योर ओन पर्पस समटाइम इन द फ्यूचर, देन दिस लैंड इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली आपने लैंड परचेज किया, बाद में उसके ऊपर प्रोडक्शन बिजनेस पर्पस के लिए आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अ बिल्डिंग ओन्ड बाय द एंटिटी और हेल्ड बाय द एंटिटी अंडर फाइनेंस लीज। एक सेकेंड, ओन्ड बाय द एंटिटी, ओन्ड बाय द एंटिटी, मेरे पास मेरी एक बिल्डिंग है, मेरी खुद की है, या फिर दूसरा हेल्ड बाय द एंटिटी अंडर फाइनेंस लीज, मेरे पास एक बिल्डिंग है, मैंने कहीं से फाइनेंस लीज पे ले लिए। वन सेकेंड, या तो मैं ओनर हूं या तो मैंने किसी से फाइनेंस लीज पे ले लिए। हाँ ठीक है ना, क्योंकि मैं ओनर हूं तो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स मेरे हैं, और मैंने अगर किसी से फाइनेंस लीज पे ले लिए तो सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स मेरे हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? एंड लीज्ड आउट अंडर वन और मोर ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेटिंग लीज। वन सेकेंड, एक काम करते हैं, ध्यान से देखना। लैंड एंड बिल्डिंग owned and leased in operating lease, बताओ क्या होगा? investment property होगा कि PPE होगा? IP, यही तो दिखा हुआ है, ये देखो ना। हाँ ठीक है, land and building not owned taken in finance lease, taken in finance lease and sublet, मैंने उसको sublet कर दिया in operating lease, but investment property। फिर से, लैंड एंड बिल्डिंग सेम, नॉट ओन्ड, टेकन इन फाइनेंस लीज एंड सबलेट इन फाइनेंस लीज। सबलेट इन फाइनेंस लीज, मैंने फाइनेंस लीज पे दे दी, ले ली, और मैंने फाइनेंस लीज पे दे दी। Not an asset for me. Owner occupied भी नहीं होगा ना, मेरी बुक्स में asset ही नहीं दिख रही ना, मैं क्या मानूं, कोई property नहीं है ना, मैंने finance lease पे दे दी, मैं बन गया फिर से lesser, entry कर दी मैंने lease receivable account debit to asset, मेरी बुक्स में तो asset ही चली गई, ना owner occupied property बची, ना investment property बची, समझ में आएगी नहीं? अरे बोलो यार। अच्छा, land and building taken in, taken in operating lease, taken in operating lease, given मतलब sublet for operating lease। अब बोलो, आईपी पक्का? अरे देखो पहला पॉइंट पढ़ो पहले, क्या लिखा है? अगर मैं लैंड ऑपरेटिंग लीज पे लूंगा तो मैं अपनी बुक्स में लैंड को कभी डेबिट ही नहीं करूंगा, सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स तो मेरे पास आई नहीं, तो मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लैंड एंड बिल्डिंग को अपनी बुक्स में तो डेबिट किया नहीं ना। अरे इंडिया 17 यार, ऑपरेटिंग लीज, क्या लेसी कभी अपनी बुक्स में डेबिट करता है क्या एसेट को? नहीं, मैंने तुमसे असेट लेके उसको दे दिया, अपनी बुक्स में मैंने कुछ किया ही नहीं, तेरे से मैं किराया, तेरे से मैंने असेट ले ली, किराया दे रहा हूं तेरे को 5 लाख रुपए, और सामने वाले को मैंने 5.5 लाख के किराए पर दे दी, सबलेट कर रहा हूं, और दोनों ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग चल रहा है, ना मैं ओनर हूं, ना मैं
फाइनेंस लीज में ले रहा हूं। तो बेटा मेरी बात को समझो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होने के लिए या तो तुम्हारा ओनर होना जरूरी है, या तो तुम्हारा लेसी फाइनेंस लीज वाला होना जरूरी है। या तो तुम्हारा ओनर होना जरूरी है, या तो तुम्हारा लेसी फाइनेंस लीज वाला होना जरूरी है। दोनों अगर तुम्हारे पास नहीं है तो इस केस में दोनों तुम्हारे पास रिस्क एंड रिवॉर्ड्स नहीं है। दोनों तुम्हारे पास रिस्क एंड रिवॉर्ड्स नहीं है तो तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट नहीं है। तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट नहीं है तो तुम जुगाड़ का काम कर रहे हो। तुम जुगाड़ में एसेट ले रहे हो, तुम जुगाड़ में एसेट बेच रहे हो, सॉरी रेंट पे दे रहे हो, तो ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। तुम खाए की इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हो तुम्हारी, तुम तो एक तरीके से बीच के एजेंट हो गए ना। अरे समझ में आया कि नहीं? तुम तो एक तरीके से बीच के एजेंट हो गए, दूसरों की प्रॉपर्टी चला रहे हो। आया समझ में कि नहीं? तो इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मुझे लगता है अब क्लियर है आपको कि नहीं? अच्छा, सीधी बात है, सबलेटिंग अलाउ नहीं रहेगा, है ना। अलाउ एक ही केस में रहेगा, अगर मैंने फाइनेंस लीज पे लिया है और मैं ऑपरेटिंग लीज पे दे रहा हूं। फाइनेंस लीज पे लिया है, ऑपरेटिंग लीज पे दे रहा हूं, अभी तो बताया। ये सेकेंड वाला केस, ये वाला केस, हाँ ठीक है। तो प्रॉपर्टी दैट यू एक्चुअली कंस्ट्रक्ट, अच्छा आगे क्या लिखा है, प्रॉपर्टी दैट यू एक्चुअली कंस्ट्रक्ट और डेवलप इट फॉर फ्यूचर यूज एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हाँ ठीक है, ये तो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी। बी केयरफुल हियर अगेन, बिकॉज व्हेन यू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर सम थर्ड पार्टी तो तुम बन जाओगे कॉन्ट्रैक्टर। अरे यार, तो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लग जाएगा। ऑल दो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडियस खत्म हो गया, अब उसके बदले इंडियस 115 आ गया, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, तो यहां पर तुम्हारी इंडियस 40 नहीं अप्लाई होगा फिर। अरे बोलो ना, ठीक है, बोलो बोलो बोलो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर वन मोर देन वन पर्पस। एक बात बताओ, मेरे पास दो फ्लोर है, एक ग्राउंड फ्लोर एक फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर मेरा बिजनेस के लिए यूज होता है और जो फर्स्ट फ्लोर है वो मैं अपने बिजनेस में यूज नहीं करता हूं, मैंने उसको रेंटल पे चला के रखा है और रेंटल मेरा बिजनेस नहीं है। मेरी एक प्रॉपर्टी है, ग्राउंड फ्लोर मेरा बिजनेस चल रहा है, ग्राउंड फ्लोर मेरा शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल, और फर्स्ट फ्लोर मेरा खाली है, मैंने उसको फॉक्स वैगन वालों को किराए पे देख रखा है। वो अपनी कार बेचते हैं क्योंकि बड़ा सा हॉल है, वो अपनी कार बेचते हैं। बोलो जल्दी बोलो, जो ग्राउंड फ्लोर है वो इंडिया 16 में डालना पड़ेगा और जो फर्स्ट फ्लोर है वो मुझे इंडिया 40 में डालना पड़ेगा। आया समझ में कि नहीं? तो प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर मोर देन वन पर्पस, समझ में आया कि नहीं बेटा? एक बार इसको पढ़ लीजिए। अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार इसको। हाँ जी, एग्जाम्पल क्लियर है? मोर देन वन पर्पस समझ में आ गया? ये टेबुलर समराइजेशन आप पे आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका मैंने इंस्टीट्यूट के बुक से ही लिया है, इंस्टीट्यूट के बुक से लिया है। हाँ जी, सबसे पहला क्या है? ओनर प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द कंपनी एंड लीज्ड आउट अंडर ऑपरेटिंग लीज। हाँ ठीक है, ओन्ड बाय कंपनी, लीज्ड बाय लीज्ड फॉर ऑपरेटिंग लीज, मतलब ये हो गया आपका रेंटल्स, ये आपका क्या हो गया? रेंटल्स। तो क्या ये आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हुई? यस। इसके ऊपर क्या लगेगा? इंड एज 40। अरे बोलो यार, चलो सेकंड, सेकंड
प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर फाइनेंस लीज एंड लीज्ड आउट अंडर ऑपरेटिंग लीज, ये भी देख लिया अपन ने। अरे यार, या तो मैं ओनर हूं या तो मैंने लीज पे लिया है, फाइनेंस लीज पे लिया और मैं ऑपरेटिंग लीज पे चला रहा हूं, तो भी आईपी होगा। आ गया नेक्स्ट, हेल्ड अंडर फाइनेंस लीज एंड लीज्ड आउट अंडर फाइनेंस लीज। मैं अभी केस करवा चुका हूं आपको, ये फाइनेंस लीज पे लिया, फाइनेंस लीज पे दे दिया, मेरी बुक्स में ये असेट ही नहीं दिखेगी, मेरी बुक्स में ये असेट दिखेगी ही नहीं। आया समझ में कि नहीं? ओके नेक्स्ट, प्रॉपर्टी अक्वायर्ड विद अ व्यू फॉर डेवलपमेंट और रीसेल। खरीदा, डेवलपमेंट करके बेच दूंगा। इन्वेंट्री, अरे बोलो यार, इन्वेंट्री। ओके, प्रॉपर्टी डेवलप्ड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, इंडेस 115, बोलो। ओके, प्रॉपर्टी ओन्ड ऑक्यूपाइड, प्रॉपर्टी पार्टली ओनर ऑक्यूपाइड एंड पार्टली लीज्ड आउट अंडर ऑपरेटिंग लीज। अभी अभी वही वही शॉपिंग मॉल और ऊपर फॉक्स वैगन, दोनों मिलके लगेगा। लैंड हेल्ड फॉर करेंटली अनडिटरमाइंड यूज, अनडिटरमाइंड यूज आपकी आईपी डेफिनेशन में आ गया आपका। ओके, प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड बाय एम्प्लॉइज पेइंग रेंट एट लेस देन मार्केट रेट। प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड बाय एम्प्लॉइज पेइंग रेंट एट लेस देन मार्केट रेट। अरे होता नहीं है, बहुत सारे गेस्ट हाउस होते हैं कंपनीज के, तुम कंपनी के एम्प्लॉई हो, तुमने बोला अरे अपन गोवा चलते हैं, टेंशन नहीं है, मेरी कंपनी का गेस्ट हाउस है, अपन सस्ते में रहेंगे, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, और वो कंपनी सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को ही गेस्ट हाउस देती है, तो एम्प्लॉयज के लिए अलग 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 जगह, इवन देश के बाहर भी गेस्ट हाउस बनाए गए हैं। हाँ है वो एम्प्लॉयज के लिए, बट वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज को एक फैसिलिटी सर्विस देने के लिए, ताकि हमारा एम्प्लॉय हमारी कंपनी में बना रहे, हमारे एम्प्लॉय को दिखे कितनी अच्छी फैसिलिटीज है, तो कहीं ना कहीं तो बिजनेस पर्पज ही हुआ ना। आया समझ में कि नहीं? अब इससे जुड़ा हुआ मुझे एक और एग्जांपल याद आ रहा है। अगर मैं ये बोलूं कि भाई मेरे पास पढ़ने आ जाओ और तुम्हारे रहने का, मतलब पुणे से बाहर के जितने भी लोग हैं, तुम्हारा रहने का व्यवस्था, रहने का, खाने का, पीने का, सोने का, सब का व्यवस्था मैं करूंगा, है ना, प्रॉपर्टी वो मेरा है, वो प्रॉपर्टी मेरा है और वो रहने खाने पीने का सब व्यवस्था मैं करूंगा, फीस तो मैं तुमसे इकट्ठी ले लूंगा ना, उस फीस में मैं तुमसे जोड़ के ले लूंगा ऑब्वियसली, बोलो ना बेटा, और तुम्हारा रहने का फ्री, सब कुछ सीधा सीधा फ्री, इंडिया 16 ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा ये बिजनेस पर्पस है। आई बात समझ में कि नहीं? चलो नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल। ये बोल रहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल, मतलब पहले एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, अब आप उसको बेचना चाहते हो तो आप उसको रिक्लासीफाई करके ले जाओगे इंडिया 105 में, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। अरे अभी तक आपका वो कैपिटल एप्रिसिएशन ही चल रहा था, अब आपको लगा समय आ चुका है मैं ये बेच दूं, मुझे पैसों की जरूरत हो रही है, अब मैं इसको बेचना चाहता हूं। आपने जैसे ही डिटरमाइन कर लिया कि आप उसको बेचना चाहते हो, तो आपके वो 105 में क्लासिफाई हो जाएगा, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल में। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? बोलो बेटा, मेरी बात समझ में आएगी नहीं? अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन टू रिकॉग्नाइज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। दो कंडीशन थी, दो कंडीशन कौन सी थी, दो कंडीशन कौन सी थी, एक तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स और दूसरा कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। सब्सिक्वेंट कॉस्ट, सब्सिक्वेंट कॉस्ट, कॉस्ट मॉडल, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। ये सर क्वेश्चन नंबर 7 कैसे हो गया बेटा? वो 6 क्वेश्चंस तक अपन ने पिछले इंडेक्स में देखे थे, इसीलिए ये कंटिन्यूस में चलता रहेगा, आपका ऐसा नहीं आएगा कि मतलब फिर से 1 2 3 4 होगा, ये कंटिन्यूस में आ जाएगा ताकि अपने को पता पड़े अपने टोटल मिला के कितने क्वेश्चंस तक पहुंचे अपन। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। एक्स लिमिटेड ओन्स अ बिल्डिंग विच इज यूज्ड टू अर्न रेंटल्स, द बिल्डिंग हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 50 लाख। एक्स लिमिटेड रिसेंटली रिप्लेस द इंटीरियर वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द कॉस्ट ऑफ न्यू इंटीरियर वॉल्स इज 5 लाख। द ओरिजिनल वॉल्स हैव अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 1 लाख। हाउ एक्स लिमिटेड शुड अकाउंट फॉर अबव कॉस्ट। क्या करेगा, क्या करेगा भाई, बिल्डिंग एज ए कैरिंग अमाउंट ऑफ 50 लाख, एक्स ने अभी तक अभी रिसेंटली कुछ वॉल्स रिप्लेस किए हैं जिसका कॉस्ट ऑफ न्यू वॉल्स कितना है, 5 लाख रुपए, जल्दी बोलो, और जो पुराना जो उसने रिप्लेस कर दिया वो उसका है 1 लाख रुपए का, क्या करेगा, सीधी बात है 5 लाख में उसने रिप्लेस किया तो 5 लाख को तो डेबिट कर देंगे, और जो रिप्लेस्ड वाली चीज है
जो उसने वो उसको डीरिकॉग्नाइज करना पड़ेगा बेटा, डीरिकॉग्निशन क्राइटेरिया जैसा इंडिया 16 बोलता है, तो डीरिकॉग्निशन उसको कितना करना पड़ेगा 1 लाख, उसको रिकॉग्निशन कितना करना पड़ेगा 5 लाख, तो नेट उसको रिकॉग्निशन करना पड़ेगा 4 लाख का। समझ में आएगी नहीं? अरे बोलो। अच्छा, हाउ टू मेजर द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इनिशियली मैंने आपको बोला था कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल में क्या होता है, दो चीजें आती हैं, एक तो आपका परचेस प्राइस और दूसरा डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंडिचर। अरे बोलो बोलो, वही है कि नहीं है? डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंडिचर के एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे लिखे हुए, लीगल फीस, प्रोफेशनल फीस, प्रॉपर्टी टैक्सेस। आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिया, जिससे खरीदा उसने 3 साल का प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं किया है, अब प्रॉपर्टी टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, तो वो प्रॉपर्टी टैक्स को आप क्या करोगे, कैपिटलाइज करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। समझ में आया कि नहीं? वी शुड नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए, क्या क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए, आइए बेटा जल्दी, क्या क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए? स्टार्टअप एक्सपेंसेस व्हाट सो एवर हाउ एवर दीज स्टार्टअप एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू द आइटम ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, देन यू शुड इंक्लूड देम, बट डू नॉट इंक्लूड एनी जनरल स्टार्टअप एक्सपेंसेस। अरे जनरल स्टार्टअप एक्सपेंसेस लाइक इनॉग्रेशन कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले ली, खाने पीने पे सबको बुला दिया, इनॉग्रेशन कर रहा हूं, इनॉग्रेशन में मैंने 50,000 रुपए बहा दिए, हाँ बोलो, तो ये जनरल स्टार्टअप एक्सपेंसेस जो होंगे इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा। बट अगर बिल्कुल ही डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी और उसके ऊपर मुझे कुछ स्टैम्प ड्यूटी पे करना है, नहीं तो तब तक मुझे पोजीशन नहीं मिलेगा, मान लो मुझे चाबी नहीं मिलेगी मैं जब तक अपने पास रजिस्ट्री नहीं करवा लूं, तो स्टार्टअप एक्सपेंसेस दो टाइप के होंगे, एक तो जनरल वाले, तो जनरल वाले शामिल नहीं होंगे, और जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होंगे वो तो आपके वैसे ही आ जाएंगे। आई बात समझ में? अच्छा, ऑपरेटिंग लॉसेस नहीं, अरे बेटा ये सारे पॉइंट वही हैं जो आपके पीपीई में कवर होते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस, ऑपरेटिंग लॉसेस, ये सारे के सारे आपके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट में नहीं आएंगे। बोलो बेटा, अब एक बात बताओ, सामने देखना स्क्रीन पे, एक बात बताओ, मैंने तुमसे एक आईपी खरीदा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदा, डील हुआ 3 करोड़ में, डील कितना क्या हुआ, ये 3 करोड़ जो है इट इज पेबल आफ्टर 2 ईयर्स, इट इज पेबल आफ्टर 2 ईयर्स, 3 करोड़ में डील हुआ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कॉस्ट है 3 करोड़ रुपए, इट इज पेबल आफ्टर 2 ईयर्स। मुझे बताओ आज मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट कितने से करूंगा, 3 करोड़ से करूंगा कि 3 करोड़ की प्रेजेंट वैल्यू पे करूंगा, 3 करोड़ की प्रेजेंट वैल्यू पे करूंगा, क्यों? इंडिया 16 भी बोलता है, इंडिया 40 भी बोलता है, इंडिया 38 इंटेंजिबल असेट्स भी एक ही बात बोलता है कि अगर आप कोई भी असेट परचेज करते हो और उसका जो सेटलमेंट होगा वो डिफर हो जाएगा और बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स पे डिफर होगा, मतलब आपका सीधी बात है 12 महीने से ज्यादा पीरियड के बाद डिफर होगा, तो आप कहीं ना कहीं जो आप 2 साल बाद आप 3 करोड़ दे रहे हो, अगर आप यही पर सामने वाले को इमीडिएट पेमेंट करते तो शायद 3 करोड़ सामने वाला आपसे नहीं लेता, आपसे हो सकता है 2 करोड़ 90 लाख, 2 करोड़ 80 लाख ले लेता। बोलो बेटा, समझ में आ रही बात की नहीं? अरे समझ में आ रही बात की नहीं? सो इफ द पेमेंट इज सेटल्ड और डेफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, देन द असेट शुड बी रिकॉग्नाइज एट प्रेजेंट वैल्यू, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं असेट शुड बी रिकॉग्नाइज एट कैश प्राइस इक्विवेलेंट। कौन सा इक्विवेलेंट? कैश प्राइस इक्विवेलेंट। नाउ व्हाट इज कैश प्राइस इक्विवेलेंट? कैश प्राइस इक्विवेलेंट मींस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे बोलो जल्दी जल्दी बोलो, क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो मैं मान लो पेबल आफ्टर 2 ईयर्स है, मैं अगर मान लो इसका डिस्काउंटिंग करूं, मैं इसका डिस्काउंटिंग करूं, डिस्काउंटिंग एट द रेट ऑफ 10%, मुझे बताओ कितना आना चाहिए? डिस्काउंटिंग करना चाहता हूं मैं इसका एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंटिंग करना चाहता हूं, टेल मी कितना आएगा? 2 पॉइंट, तो ये 2.48 पे मैंने बुक कर दिया, बोलो बोलो, 2 पेबल 2.48, पहली एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री क्या होगी? जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर,
तो एंट्री क्या होगी, फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू पेबल। फाइनेंस चार्जेस कितना कैलकुलेट होगा, 0.248 बोलो बोलो बोलो। ऐसे करते करते आपका जो पेबल वैल्यू होगी वो 3 करोड़ पे आ जाएगी, पर आपकी जो असेट है वो सिर्फ कितने पे दिखेगी, 2.48। आप डेप्रिशिएट भी कितने पे करोगे, 2.48। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये वही बता रहा है, व्हेन द पेमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज डिफर्ड देन यू नीड टू डिस्काउंट इट टू इट्स प्रेजेंट वैल्यू इन ऑर्डर टू सेट द कैश प्राइस इक्विवेलेंट। सॉरी हाँ हाँ नहीं, उसको फिर अपन कैश प्राइस इक्विवेलेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, और अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसकी आप फेयर वैल्यू जज नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते हो कि आज ही के दिन अगर मैं खरीदता तो मुझे कितने की मिलती, तुम आज ही के दिन खरीद ही नहीं सकते हो वो चीज, वो चीज अवेलेबल ही नहीं है बेचने के लिए। तो वो चीज बेचने के लिए अवेलेबल होनी चाहिए ना। तो अगर तुम पेमेंट कर रहे हो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड पे, तो डेफिनेटली तुम्हारी प्रॉपर्टी वर्क इन प्रोग्रेस पे चल रही है, और वर्क इन प्रोग्रेस के केस में कैश एंड कैश प्राइस इक्विवेलेंट कंसीडर नहीं आता। आया समझ में कि नहीं, नॉर्मल। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर एट, एक्स लिमिटेड परचेज अ बिल्डिंग फॉर ₹30 lakhs इन फर्स्ट में, द परचेज प्राइस वॉज फंडेड बाय अ लोन, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्सेस एंड डायरेक्ट लीगल कॉस्ट ₹1,20,000। बेटा बोलो, दोनों के दोनों कैपिटलाइज होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा, इन 2001-2, एक्स लिमिटेड रीडेवलप्ड द बिल्डिंग इनटू रिटेल शॉप्स। उसने बिल्डिंग खरीदी, परचेज करी, परचेज करने के बाद उसने रीडेवलप कर लिया, उसको रिटेल शॉप बना ली फॉर रेंट अंडर ऑपरेटिंग लीज। शॉप बना ली उसने ऑपरेटिंग लीज पर देने के लिए। अरे बोलो ना, समझ में आएगी नहीं? छोटे छोटे एरिया बना लिया उसने शॉप पर देने के लिए टू इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टीज। एक्सपेंडिचर ऑन रीडेवलपमेंट वर ₹2,00,000 आपका लगा प्लानिंग परमिशन पे, ₹7,00,000 लगा आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे, इंक्लूडिंग 40,000 रिफंडेबल परचेस टैक्सेस। तो 40,000 तो हटा दो। बोलो बेटा, दिस द रीडेवलपमेंट वॉज कंप्लीटेड एंड द रिटेल शॉप्स वर रेडी फॉर रेंटल ऑन September 2, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एट इनिशियल रिकॉग्निशन। कॉस्ट में क्या क्या आएगा, सबसे पहले 30 लाख आएगा, 30 लाख के बाद क्या आएगा, 1 लाख, 1 लाख के बाद क्या आएगा, 20,000, 20,000 के बाद क्या आएगा, 2 लाख, 2 लाख के बाद क्या आएगा, 6,60,000। बोलो बेटा, 39,80,000। अब यहां पर इस क्वेश्चन में ये तो ठीक है, कॉस्ट निकालने को बोल दिया गया, बट अगर हमसे ये पूछता कि बताओ ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है कि नहीं, तो हमारा दो आंसर होने चाहिए कि यार एक तो ना वो रिटेल शॉप निकाल रहा है बहुत सारी, समझो मेरी बात को, वो रिटेल शॉप निकाल रहा है, तो अगर उसका इंटेंशन है रिटेल शॉप चलाने का ही, उसका इंटेंशन है, उसकी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, तो वो उसका फिर बिजनेस हो जाएगा। पर उसका अगर ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, उसकी तो ये सिंगल प्रॉपर्टी है, और सिंगल प्रॉपर्टी को वो रिटेल शॉप कर रहा है, तो वो उसको ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं। अच्छा, यहां पर डिपेंड करता है आपका इंटेंशन, पर्पस। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार जल्दी देख लीजिए, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं इस टाइप का क्वेश्चन। अरे वही है यार, कैश प्राइस इक्विवेलेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर टेन, टेकन अ बिल्डिंग अंडर फाइनेंस लीज फ्रॉम द ओनर, ठीक है। क्लासिफाइज इट्स इंटरेस्ट इन द लीज होल्ड बिल्डिंग एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन मेजर द प्रॉपर्टी इंटरेस्ट एट फेयर वैल्यू, अच्छा फेयर वैल्यू इज 50,000, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट इज 40,000, एट वॉट वैल्यू एक्स लिमिटेड वुड रिकॉग्नाइज इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। एक्स लिमिटेड किस पे रिकॉग्नाइज करेगा, समझो मेरी बात। सबसे पहले उसने एक्स ने, ये प्रॉपर्टी एक्स की नहीं है, ये प्रॉपर्टी एक्स की नहीं है, ये प्रॉपर्टी एक्स ने लीज पे ली है,
ये प्रॉपर्टी उसने किस पे लिए, लीज पे लिए, और इस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू कितनी है 50,000, ठीक है, और मैंने ये प्रॉपर्टी लीज पे ले ली। बेटा मैं ये प्रॉपर्टी लीज पे लूंगा और लीज पर लेके अगर मैं इसको ऑपरेटिंग लीज पे चलाऊंगा तो मेरे लिए हो जाएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। उसके बावजूद इंड एस 40 अप्लाई करने से पहले मुझे इंड एस 17 अप्लाई करना पड़ेगा इनिशियल रिकॉग्निशन के लिए। ये प्रॉपर्टी मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है मैं मानता हूं, बट मुझे इसको इनिशियल रिकॉग्निशन तो करना पड़ेगा ना, और इनिशियल रिकॉग्निशन करने के लिए मैं तो लेसी हूं, तो लेसी क्या बोलेगा, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और एमएलपी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, विच एवर इज लोअर। तो फेयर वैल्यू कितनी है 50 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी कितना है 40, विच एवर इज लोअर, कितने पे रिकॉर्ड करूंगा 40 पे। और अगर यही बताओ फेयर वैल्यू लोअर होता तो, फेयर वैल्यू लोअर होता तो फेयर वैल्यू पे, क्योंकि मैंने लीज पर ली है। बात को समझो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का इंड एस अप्लाई करने से पहले मुझे इंड एस 17 अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया बेटा ये वाला, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। अच्छा, एक्सचेंज के केस में क्या करेंगे, अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अक्वायर किया है और आपने उसके बदले सामने से दूसरी प्रॉपर्टी आपने किसी को दे दी, या दूसरी कोई टेंजिबल असेट आपने किसी को दे दी, या फिर इनटेंजिबल असेट अगर आपने किसी को दे दी, ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में भी सेम इंड एस 16 के प्रोविजन अप्लाई होंगे। इंड एस 16 क्या बोलता है और इंड एस 40 क्या बोलता है, सेम बात बोलता है कि देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, आपने एक असेट दिया उसके बदले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिया, लिया और दिया, दोनों में आपको सबसे पहले प्रायोरिटी लेनी है लेने वाले की, फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड। अगर वो फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड ठीक नहीं है तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन, और अगर वो भी ठीक नहीं है तो बुक वैल्यू ऑफ असेट गिवन। फिर से बोलूं, जब भी एक्सचेंज वाला केस आएगा ना, आपको देने वाली असेट और लेने वाली असेट में प्रायोरिटी किसको देनी है, लेने वाली असेट, क्या मिला उसका फेयर वैल्यू, अगर उसका फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं है तो क्या दिया, नहीं है रिलायबल तो बुक वैल्यू, और कुछ ऑप्शन ही नहीं है फिर तो, जो आपने दिया उसका बुक वैल्यू। समझ में आया कि नहीं, बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं, बुक वैल्यू मतलब कैरिंग अमाउंट जो ये लिखा हुआ है। अरे बोलो यार क्लियर हुआ कि नहीं, आओ बेटा ये क्वेश्चन देखते हैं। सन लिमिटेड अक्वायर्ड अ बिल्डिंग इन एक्सचेंज ऑफ अ वेयर हाउस, सन लिमिटेड अक्वायर्ड अ बिल्डिंग इन एक्सचेंज ऑफ अ वेयर हाउस हूज फेयर वैल्यू इज 5 लाख। एक सेकेंड, सन लिमिटेड अक्वायर्ड अ बिल्डिंग इन एक्सचेंज ऑफ वेयर हाउस हूज फेयर वैल्यू इज 5 लाख एंड द पेमेंट इन कैश ऑफ ₹2 लाख। अच्छा, अलग से कैश का पेमेंट भी कर रहा है। The fair value of the building received by the company is 8 lakh. मैंने क्या रिसीव किया है? तो मैं बोल सकता हूं क्या, बिल्डिंग ब्रैकेट में आईपी डेबिट कितना 8 lakhs, क्योंकि मेरे पास फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड है, 2 cash 2 lakhs, 2 warehouse, क्या था warehouse था, टू वेयर हाउस हूज फेयर वैल्यू इज 5 lakh, वन सेकेंड, हूज फेयर वैल्यू इज 5 lakh, द कंपनी डिसाइडेड टू कीप दैट बिल्डिंग फॉर रेंटल पर्पज, द बिल्डिंग इज एक्वायर्ड विद द पर्पज टू अर्न रेंटल्स, ठीक है ना। यहां पर बेटा उन्होंने वेयर हाउस की बुक वैल्यू नहीं दी है, कैरिंग अमाउंट नहीं दिया है वेयर हाउस का। अगर यहां पर मुझे कैरिंग अमाउंट पता होता तो मैं यहां पर वेयर हाउस कैरिंग अमाउंट पे करता, पर मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू बाय डिफॉल्ट सेम होगा अगर, तो मैं यहां पर उसको किस पे लिखूंगा 5 लाख पे। तो अब बताओ मेरा गेन और लॉस कितना आ रहा है, 1 लाख, 2 गेन, ये आपका जाएगा पी एंड एल में 1 लाख। बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर है बेटा पक्का, आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं। हाँ ओके, 1 लाख आपका गेन। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट अपन पढ़ चुके हैं, क्या होगा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, जल्दी बताओ, कॉस्ट मॉडल, फेयर वैल्यू किस लिए, डिस्क्लोजर के लिए।
तो आपको कॉस्ट मॉडल अप्लाई करना है, हमने पढ़ लिया। फेयर वैल्यू ओनली फॉर डिस्क्लोजर, सामने फेयर वैल्यू ओनली फॉर डिस्क्लोजर, ठीक है? बोलो बेटा, ठीक है। इन एबिलिटी टू मेजर फेयर वैल्यू रिलायबली, कभी ऐसा हो सकता है क्या कि फेयर वैल्यू निकाल ही नहीं पा रहे? सबसे पहले तो इंडियस बोलता है कि देयर इज अ रिबटेबल प्रेजम्पशन दैट एंटिटी कैन रिलायबली मेजर द फेयर वैल्यू, मतलब यहां पर माना जाएगा कि एंटिटी फेयर वैल्यू निकाल सकती है। रिबटेबल, रिबटेबल का मतलब क्या होता है? जब तक और कोई एविडेंसेस नहीं है तब तक माना जाएगा कि ये फेयर वैल्यू निकाली जा सकती है। हाँ, इसको कट करने के लिए अगर तुम्हारे पास कोई एविडेंस है तो ये बता सकते हो कि नहीं, किसी भी हाल में मैं फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकता, तो फिर ये अजम्पशन मत लेना। समझ में आई बात की नहीं? बोलो बेटा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये आपका आ गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन। सर, कंस्ट्रक्शन के केस में हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होगी, एक बार पढ़ लीजिए प्लीज इसको। ठीक है बेटा, क्लियर? मतलब जब तक तुम्हारी कंस्ट्रक्शन स्टेज पर है तब तक तुम अगर डिटरमाइन नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, ये क्या है? ट्रांसफर फ्रॉम एंड टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। पहले तुम्हारी प्रॉपर्टी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हुआ करती थी, अब तुम उसको बिजनेस में यूज नहीं कर रहे हो, अब तुम उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर रहे हो। दूसरा, पहले तुम्हारी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हुआ करती थी, अब तुम उसको अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो। तीसरा, पहले तुम्हारी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हुआ करती थी, अब तुम उसमें से अलग अलग डेवलपमेंट्स करके अब उसमें तुम फ्लैट बना के बेचोगे, सेल पर्पस के लिए यूज करोगे। बोलो बेटा, पहले तुम्हारी प्रॉपर्टी स्टॉक पर्पस के लिए थी, सेल पर्पस के लिए थी, अब तुम उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के पर्पस के कर रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे बोलो यार। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस है, क्या होगा क्या नहीं होगा एक बार आइए पढ़ लेते हैं। When we speak about transfers related to the investment property, we mean the change of classification. Change of classification मतलब या तो तुम classification investment property से change करके किसी और में ले जा रहे हो, या तो किसी और को change करके investment property में लेके आ रहे हो, ठीक है? For example, you classify a building previously as property, plant and equipment under Ind AS 16 to investment property under Ind AS 40. The transfers are possible but only when there is a change in use or assets purpose. Obviously, asset का purpose change होगा तभी आप transfer करोगे। क्लासिफिकेशन चेंज कब करोगे? जब पर्पस चेंज होगा, जब इंटेंशन चेंज होगा, अदरवाइज क्लासिफिकेशन चेंज नहीं होगा। बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं? आइए बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है इस चीज का। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, व्हाट्स द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन दिस केस? द ट्रांसफर्स बिटवीन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एंड इन्वेंट्रीज डू नॉट चेंज द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी transferred and they do not change the cost of that property for measurement or disclosure purpose. इसका मतलब बताओ ये क्या बोलना चाह रहा है? सिर्फ classification change कर दो, जो भी carrying amount था same carrying amount पे वो continue होता जाएगा। मतलब तुम्हारी owner occupied property continue हो रही थी 16 लाख पे, और तुमने उसको convert कर दिया investment property में, तो वो 16 लाख पे ही दिखेगी। समझ में आया कि नहीं? Clear? पढ़ लीजिए question. क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11,
तुम्हें बहुत सारी फेयर वैल्यू दी हो सकती है, बट तुम्हें उसी कैरिंग अमाउंट पे ही उसको ले जाना है। आई बात समझ में कि नहीं बेटा? डी रिकग्निशन अपन ने पढ़ लिया था, जो भी डी रिकग्निशन करेंगे तो क्या होगा, गेन और लॉस। गेन और लॉस कहां ले जाएंगे? पीएनएल में। चलो आगे बढ़ते हैं, ये केसेस वगैरह पढ़ लीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12, आईसीआई मॉड्यूल। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपके आईसीआई मॉड्यूल का है। आइए क्वेश्चन नंबर 12। इन फाइनेंशियल ईयर 1-2 एक्स लिमिटेड इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इन एक्वायरिंग प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ सिक्स आइडेंटिकल हाउसेस ईच विद सेपरेट लीगल टाइटल इंक्लूडिंग द लैंड ऑन विच इट इज बिल्ट। पहला, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन वेरियस डेट्स इज गिवन बिलो। अप्रैल 1 परचेज कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी वॉज 1 करोड़ 80 लैक्स। अप्रैल 1 2001 नॉन रिफंडेबल ट्रांसफर टैक्सेस 20 लाख नॉट इंक्लूडेड इन द प्रॉपर्टी। बोलो ये ऐड होगा कि नहीं? लीगल कॉस्ट रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी ऐड होगा। एडवर्टीजमेंट कैंपेन टू इंट्रैक्ट टेनेंट्स, ओहो ये ऐड होगा कि नहीं होगा? ये नहीं होना चाहिए। ये आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गई आपकी, ठीक है? ओपनिंग सेरेमनी फंक्शन, अरे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ओपनिंग सेरेमनी फंक्शन फॉर स्टार्टिंग अप द बिजनेस, जनरल एक्सपेंसेस। बोलो, थ्रू आउट 1-2 इनकर्ड 1 लाख टुवर्ड्स डे टू डे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये भी नहीं होगा। एक्स लिमिटेड यूजेस वन ऑफ द सिक्स हाउसेस फॉर ऑफिस एंड अकोमोडेशन ऑफ इट्स फ्यू स्टाफ, द अदर फाइव हाउसेस आर रेंटेड टू वेरियस इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टीज, हाउ एक्स लिमिटेड विल अकाउंट फॉर ऑल द अबव मेंशन एक्सपेंसेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बोलो क्या होगा? पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकलेगी और उसका प्रपोर्शन डिवाइड बाय 6 करके एक का जो हिस्सा आएगा वो आ जाएगा आपका, आ जाएगा आपका इंडिया 16 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, और बाकी आपका जाएगा किसमें? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। बोलो बेटा, अरे जल्दी बोलो, सॉल्यूशन देख लीजिए, करेक्ट है? जल्दी बोलो, सॉल्यूशन करेक्ट है? ओके, सो डन, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज आल्सो डन। क्लियर है गाइस? सो आई एम टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे अगला इंडे 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट।
ओके, सो लेट स्टार्ट विथ नाउ इंड एस 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. इंड एस 16, इंड एस 16. ओके, सो नाउ इंड एस 16 इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. अपन जो भी आज इंड एस पढ़ रहे हैं, जैसे अपन ने इंड एस 40 पढ़ा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अब इंड एस 16 पढ़ रहे हैं. अपन ने जब 40 पढ़ा तो अपन पीपी की बहुत सारी बातें कर रहे थे, तो अपन ने को पीपी में डिस्कस करने में अपने को थोड़ा थोड़ा, बल्कि अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी अपन बढ़ते जाएंगे, थोड़ा फास्ट होता जाएगा. इंड एस 38 है इसके बाद, उसमें भी बहुत सारी बातें इंड एस 16 की होंगी, पीपी की होंगी, इंटेंजिबल एसेट्स वाला, तो वो भी अपन जल्दी जल्दी कंप्लीट करते जाएंगे. और लास्ट का अपना रहेगा इंड एस 20. देखते हैं कि अपनी आज की इस सेशन में इंड एस 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स हो पाता है कि नहीं. मैंने वो बहुत ही छोटा वाला पार्ट है, हालांकि अगर हो पाया तो हो जाएगा, नहीं तो वो अगली क्लास में अपन देख लेंगे. ठीक है, आइए बेटा इंड एस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. जल्दी से डेफिनेशन से शुरू करना है, स्टार्ट करते हैं. इंड एस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आपको पता होना चाहिए कि इंड एस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सामने आपके डेफिनेशन है, ये सामने डेफिनेशन है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अगर कोई एसेट आएगी, अगर कोई टेंजिबल एसेट आएगी, तो उसके लिए दो कंडीशन होना जरूरी है. दो कंडीशन कौन सी? पहला कौन सा है? हेल्ड फॉर यूज. हेल्ड फॉर यूज, अब किस में यूज होगा? या तो प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या तो, और इस, सॉरी, ये तो रेंटल टू अदर्स आ गया सर. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी तो रेंटल टू अदर्स था, वो दोनों में फर्क है, हमने डिस्कस किया था. अगर रेंटल टू अदर्स का बिजनेस चल रहा है मेरा तो पीपी, और रेंटल टू अदर्स का बिजनेस नहीं चल रहा है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. सो हेल्ड फॉर यूज, या तो प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या फिर रेंटल टू अदर्स, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस मतलब मैंने अपने इंप्लॉइज के लिए एक बिल्डिंग बना के रखी है, वहां से मेरा बैक ऑफिस का काम चलता है. अरे बोलो यार. और दूसरा क्या लिखा है? दूसरा, एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स, 12 महीने से ज्यादा, 12 महीने से ज्यादा उसकी यूजफुल लाइफ है. मोर देन 12 मंथ्स, एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स, 12 महीने से ज्यादा उसकी यूजफुल लाइफ है. मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं? क्लियर हुआ बेटा? पक्का? फिर से चलो मेरे साथ डेफिनेशन रिपीट करो. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब व्हाट? नहीं, रुक जाओ. एनी टेंजिबल आइटम, टेंजिबल आइटम, क्योंकि इंटेंजिबल अगर होगा तो वो कहां जाएगा? 38 में. एनी हैविंग टू कंडीशंस. पहला, हेल्ड फॉर यूज, किस में? प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रेंटल टू अदर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. और दूसरा, एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स, एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स. मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं? बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं? पक्का? अच्छा, ओके. इसके अलावा ये इंड एस 16 कहां कहां एप्लीकेबल नहीं होता है? इंड एस 16 एप्लीकेबल नहीं होता है इन, जहां पर इंड एस 17 एप्लीकेबल हो जाता है. बोलो बेटा, कहां कहां एप्लीकेबल नहीं होता है? जल्दी बोलो, कहां कहां एप्लीकेबल नहीं होता है जहां पर इंड एस 17 एप्लीकेबल हो जाता है? क्लियर? और इसके अलावा जितनी भी बायोलॉजिकल असेट्स हैं, जितनी भी आपकी बायोलॉजिकल असेट्स हैं, जहां पर आपका इंड एस 41 एप्लीकेबल होता है. पर ध्यान रखिएगा, बियरर प्लांट्स जो होंगे, सॉरी, बियरर प्लांट्स जो होंगे, बियरर प्लांट्स, ये बियरर प्लांट्स क्या होते हैं? ये बियरर प्लांट्स क्या होंगे? बियरर प्लांट्स क्या होते हैं? आपको पता है बियरर प्लांट्स क्या होते हैं? सुनिए वहां मेरी बात ध्यान से. सबसे पहले, बायोलॉजिकल असेट, बायोलॉजिकल असेट में दो चीजें आती हैं. एक आता है लिविंग प्लांट्स और दूसरा आता है एनिमल्स. बायोलॉजिकल असेट में दो चीजें आती हैं, एक आता है लिविंग प्लांट्स, एक आता है एनिमल्स. लिविंग प्लांट्स में दो चीजें आती हैं, लिविंग प्लांट्स में दो चीजें आती हैं, ठीक है? लिविंग प्लांट्स में दो चीजें आती हैं, एक बियरर प्लांट्स, एक नॉन बियरर प्लांट्स. ठीक है बेटा, जो बियरर प्लांट होते हैं ना,
जो बियरर प्लांट होते हैं वो आपके इंड एस 16 में कवर होते हैं, और जो नॉन बियरर प्लांट होते हैं वो आपके इंड एस 41 एग्रीकल्चर में कवर होते हैं। ठीक है, ये बियरर प्लांट होते क्या हैं? बियरर प्लांट ऐसा प्लांट होता है विच प्रोड्यूसेस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एग्री प्रोडक्ट्स एंड एंड हैविंग लाइफ ऑफ मोर देन 12 months, लाइफ ऑफ मोर देन 12 months, जैसे मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री। ये क्या है? क्या मैंगो ट्री की लाइफ 12 महीने से कम होगी? नहीं। क्या मैंगो ट्री आप खुद उखाड़ के उसको बेचोगे कि मैंगो ट्री पे अब मैंगो ट्री खुद बल्कि प्रोड्यूस करेगा? मैंगो ट्री खुद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेगा, तो मैंगो ट्री को मैं क्या बोलूंगा? बियर प्लांट। अब इस बियर प्लांट को पीपीई की डेफिनेशन में लेके जाओ। आओ, पीपीई की डेफिनेशन क्या है? टेंजिबल आइटम। यस, मैंगो ट्री इज अ टेंजिबल आइटम हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यस, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मैंगो ट्री बोलो ना, प्रोडक्शन हो रहा है ना। और दूसरा, एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ। आप बियरर प्लांट को कभी भी एज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं बेचोगे, बल्कि बियरर प्लांट से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनाओगे। दो बातें हैं, बियरर प्लांट अपने आप में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता, बियरर प्लांट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनाता है। बियरर प्लांट खुद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता, बियरर प्लांट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनाता है, इसीलिए बियरर प्लांट पीपी में आएगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो सर, नॉन बियरर प्लांट क्या होते हैं? नॉन बियरर प्लांट क्या होते हैं? जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं बनाते, जो खुद अपने आप में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं। हाँ, ग्रेन्स, मेज, व्हीट। अरे बोलो ना, व्हीट, ग्रेन्स, मेज वगैरह, पल्सेस वगैरह, जो खुद अपने आप में क्या होते हैं? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं और जिनकी लाइफ 12 महीने से कम होती है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? विच आर इटसेल्फ एग्री प्रोडक्ट्स, विच आर इटसेल्फ एग्री के प्रोडक्ट्स। बोलो बेटा, मेरी बात समझ में आई कि नहीं? किसकी बेटा? लाइफ तो ऐसे तो तू 10 साल के लिए उसको स्टोर करके रख। लाइफ इन द सेंस कि जिस टाइम पे आप उसको कल्टीवेशन करते हो, हार्वेस्टिंग, टिल द पॉइंट ऑफ हार्वेस्टिंग उसकी लाइफ, हार्वेस्टिंग करते हो। क्या सीजनल होता है ना कि भाई 3 महीने हुए उसका सीजन में, वो उसके हो गया, फिर अपने उसको हार्वेस्ट कर लिया तो उसकी लाइफ खत्म हो गई ना, फिर तो वो सेलेबल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? ऐसा बोल रहा हूं मैं, मतलब एक बार वो उसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद थोड़ी बचेगा वो। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो जल्दी बेटा, क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब आते हैं अपन एनिमल्स पे। अब आते हैं अपन एनिमल्स पे। एनिमल्स में भी दो चीजें होंगी, एनिमल्स में भी दो चीजें होंगी। एनिमल्स दो टाइप के, एनिमल्स दो टाइप के, एनिमल्स दो टाइप के, एनिमल्स दो टाइप के। एनिमल्स दो टाइप के होंगे। कौन से दो टाइप के? आ जाओ, अगर कोई एनिमल इज हेल्ड फॉर एग्री एक्टिविटी के रखा हुआ है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, अगर कोई आपने एनिमल को मेंटेन किया हुआ है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, जैसे काउज, बफेलोस, बोलो बेटा, काउज,
बफेलोज, अरे बोलो यार। तो ये सब आपकी क्या है? एग्रीकल्चर एक्टिविटी, क्योंकि आप उनमें से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बना रहे हो। बट अगर आप एनिमल को मेंटेन कर रहे हो, एनिमल को मेंटेन कर रहे हो अदर देन एग्री एक्टिविटी, अदर देन एग्री एक्टिविटी लाइक डॉग फॉर सिक्योरिटी पर्पस, सिक्योरिटी ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री की सिक्योरिटी के लिए आपने छह छह बड़े बड़े डॉग पाले हुए हैं। चोरी करने का डर होगा रात के टाइम पे, डॉग पाले हुए हैं बड़े बड़े, वो ये जो डॉग होंगे। तो बेटा अगर ये वाले एनिमल हैं अदर देन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, तो ये आपके आ जाएंगे पीपीई में, इंड एस 16 में, ये आपका आ जाएगा पीपीई इंड एस 16 में। अरे बोलो यार। और अगर आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए है तो वो आपका चला जाएगा इंड एस, ओ सॉरी, इंड एस 41 में। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? बोलो बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? चलो वापस आते हैं। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन क्लियर है? सेकंड डेफिनेशन पे आओ, क्या लिखा है सेकंड डेफिनेशन? क्या लिखा है? बायोलॉजिकल असेट, लिविंग प्लांट्स एनिमल्स, इंडिया 16 अप्लाइज ऑन बियरर प्लांट्स ओनली। इंडिया 16 किस पे अप्लाई होगा? बियरर प्लांट्स पे अप्लाई होगा। इंडिया 16 सिर्फ और सिर्फ बियरर प्लांट्स पे अप्लाई होगा। मेरी बात क्लियर है कि नहीं? आगे बियरर प्लांट, बियरर प्लांट की डेफिनेशन हालांकि ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अपन इंड एस 41 में अपन फिर से उस प्लांट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। पर आ जाओ, बियरर प्लांट इज अ प्लांट विच इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, मतलब जिसकी यूजफुल लाइफ 12 महीने से ज्यादा होती है, और सबसे लास्ट में हैज अ रिमोट लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जिसको आप खुद अपने आप में एज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं बेचोगे। बियरर प्लांट अपने आप में वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है क्या? आप बियरर प्लांट को कभी उसको सेल नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर उसका यूटिलिटी खत्म हो चुकी है तो उसका फिर सेल करना तो जायज है, अदरवाइज आप उसको एज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कभी सेल नहीं कर पाओगे। मैंगो ट्री, जब पहली बात तो वो ट्री है तो आप उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की तरह नहीं बेच सकते हो। पर हो सकता है मान लो वो ट्री को ही काट दिया गया, अब वो थोड़ी मैंगोज डेवलप करेगा। अब वो काट के उसको मैं बेच रहा हूं, तो वो तो एक रिमोट लाइकलीहुड है कि मैं उसको तब बेचूंगा जब मेरा बिजनेस पर्पस खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका बियरर प्लांट होता है, और बियरर प्लांट आपके किस में आते हैं? पीपीई में कवर होते हैं। क्या आपको समझ में आ रही है पॉइंट्स? बोलो बेटा, क्या समझ में आ रही है? बट अब यार मैं उसको क्या क्या रिपीट करूं। देखो ये क्या है, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर पीपी, कब होना चाहिए रिकॉग्निशन क्राइटेरिया? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, और दूसरा क्या, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अरे जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं? कब रिकॉग्नाइज करोगे पीपीई को? पीपीई को रिकॉग्नाइज कब करेंगे? जब हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड हैं, और दूसरा उसकी कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ठीक है सर, इसका क्या होगा? स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स और सर्विसिंग इक्विपमेंट्स, सर इनका क्या होगा? बेटा इसके लिए इंड एस कहता है कि अगर ये पीपीई की डेफिनेशन में फॉल होते हैं। पीपीई की डेफिनेशन क्या थी? टेंजिबल आइटम तो है, दूसरा हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन, हाँ, स्पेयर पार्ट्स और स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स, प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तीसरा क्या था? है यूज फॉर, एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ, तो आप इन सबको पीपी में ले जाओ। बट अगर आपके ये पीपी की डेफिनेशन में फॉल नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी 12 महीने से लाइफ कम होती है, तो आप इसको इन डेज टू इन्वेंट्री में लेके जाके आप इनको खर्चा मान लो। आया समझ में कि नहीं? और अगर आपको ईयर एंड पे ऐसे ऐसे टाइप के कुछ स्टैंड बाय इक्विपमेंट रखे हुए हैं जिनको आपने इन्वेंट्री माना है, तो आप उसके क्लोजिंग इन्वेंट्री में वैल्यूएशन कर लो। नहीं आया क्या समझ में? बोलो बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? तो जल्दी मेरे हिसाब से केस एंड केस वन केस टू पढ़ लीजिए, केस वन केस टू पढ़ लीजिए, ये वाला केस वन केस टू। केस वन केस टू हाँ पढ़ लिया, क्लियर है?
बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन पीपी, पीपीई के ऊपर आप सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हो, सबसे पहले डे टू डे एक्सपेंडिचर कर रहे हो, क्या होगा? डे टू डे एक्सपेंडिचर कर रहे हो, क्या होगा? पीएनएल। पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 13, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में डे टू डे एक्सपेंडिचर हो रहा है कि क्या हो रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 13 क्यों है? वो 12 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, ये कंटिन्यूशन में चलता जाएगा। एंटिटी ए सुपरमार्केट चेन इज रिनोवेटिंग वन ऑफ इट्स मेजर स्टोर्स, द स्टोर विल हैव मोर अवेलेबल स्पेस। अच्छा विल हैव मोर अवेलेबल स्पेस मतलब जब रिनोवेट हो जाएगा तो स्पेस बढ़ जाएगा। फॉर इन स्टोरेशन प्रमोशन आउटलेट्स आफ्टर द रिनोवेशन एंड विल इंक्लूड अ रेस्टोरेंट। अच्छा वो इसमें रेस्टोरेंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट इज प्रिपेयरिंग द बजट फॉर द ईयर आफ्टर द स्टोर रीओपन्स विच इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ रीमॉडलिंग एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ अ 15% इंक्रीज इन द सेल। सेल भी बढ़ जाएगी 15% से, रिजल्टिंग फ्रॉम द स्टोर रिनोवेशन विच विल अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। स्टेट वेदर द रीमॉडलिंग कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज और नॉट। बताओ रीमॉडलिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे कि नहीं? ऑब्वियसली अगर ऐसी कोई भी कॉस्ट जो आपकी अर्निंग एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है, ऐसी कोई भी कॉस्ट जिससे आपकी अर्निंग एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो डेफिनेटली वो कॉस्ट को अपन क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। ये डे टू डे सर्विसिंग कॉस्ट नहीं हो सकती, ये डे टू डे ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं हो सकती। मेरी बात क्लियर हुआ कि नहीं? इसको अपन क्या करेंगे? कैपिटलाइज। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं? अरे जल्दी बोलो, क्लियर? अब जो ये सेकंड नंबर पॉइंट है ना, ये जो सेकंड नंबर पॉइंट है रिप्लेसमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ पीपी कैपिटलाइज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी इफ द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आर मेट। यहां तो वो सिंपली बोल रहे हैं कि आप रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ पीपीई को कैपिटलाइज करोगे। चलो अपन इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक असेट है 5 लाख रुपए की, एक असेट है 5 लाख रुपए की। अब उसमें क्या है, उसमें तीन पार्ट्स हैं, उसमें तीन पार्ट लगते हैं, ठीक है ना, पार्ट ए बी और सी, ठीक है बेटा, पार्ट ए बी सी। इस पार्ट की यूजफुल लाइफ है 5 साल, इस पार्ट की लाइफ है 8 साल और इस पार्ट की लाइफ है 3 साल, ठीक है 3 साल। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं? तीनों की डिफरेंट लाइफ है। इंडिया 16 बोलता है कि अगर आपने ऐसी कोई असेट खरीदी है जिसके डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं और डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स की डिफरेंट यूजफुल लाइफ है, तो आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कॉम्पोनेंट वाइज अप्लाई करोगे, कॉम्पोनेंट वाइज लगेगा डेप्रिसिएशन, कौन से वाइज लगेगा? कॉम्पोनेंट। अब मान लीजिए 5 लाख में से मैंने इसको दे दिए 1,20,000, तो मैं इसको कितने साल में राइट ऑफ करूंगा? 3 साल में। आई बात समझ में कि नहीं? मैं इसको कितने साल में राइट ऑफ करूंगा? 3 साल में। मान लीजिए मैंने 2 साल राइट ऑफ किया, आफ्टर 2 ईयर्स, बताओ इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी बची होगी? कैरिंग अमाउंट कितनी बची होगी? टेल मी। 40,000। मैंने इस पार्ट सी को रिप्लेस कर दिया, पार्ट सी रिप्लेस्ड विथ न्यू वन। नया वाला जो मैं लेके आया वो लेके आया मैं 1.5 लाख रुपए का, मैं नया वाला 1.5 लाख रुपए का लेके आया, तो बताओ मैं क्या करूं? मैं 1,50,000 को क्या करूंगा? कैपिटलाइज। और मैं 40 को क्या करूंगा? डीरिकग्नाइज। क्या करेंगे बेटा? डीरिकग्नाइज्ड। मैं 40 को कर दूंगा डीरिकग्नाइज्ड और मैं 150 को क्या कर दूंगा? कैपिटलाइज पीपी की कॉस्ट में। आया बात समझ में कि नहीं? बोलो बेटा जल्दी बोलो। इससे जुड़ा हुआ मैं आपको एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूं, हाँ ये रहा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14, इंपॉर्टेंट है ये, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का क्वेश्चन है। सन लिमिटेड हैज अक्वायर्ड अ हैवी रोड ट्रेलर एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख रुपीस, हैवी रोड ट्रेलर एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख रुपीस विथ नो ब्रेकडाउन ऑफ, अरे बाप रे, विथ नो ब्रेकडाउन
विथ नो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्पोनेंट पार्ट्स, मतलब जो उसने ये रोड ट्रेलर मशीन खरीदी है ना, इसके अलग अलग कॉम्पोनेंट नहीं हो सकते हैं। बेटा मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, आप मेरी बात को बहुत ज्यादा अच्छे से सुनिएगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, ये वाला। इसमें एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि एक असेट है जिसके मैं तीन कॉम्पोनेंट कर सकता हूं, तो मुझे मेरे को सी वाले कॉम्पोनेंट का कॉस्टिंग अलग से पता थी, इसीलिए मैंने 40 को अलग से डीरिकॉग्नाइज कर लिया, क्योंकि 40 मेरे लिए ऑलरेडी डिटरमाइंड था कि हाँ एक 20 में से इतना इतना माइनस हो गया, बचा 40। बट अब इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन में आपके पास कॉम्पोनेंट अलग अलग डिटरमाइंड नहीं है। दिक्कत है इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में मैं अलग अलग कंपोनेंट वाइज मुझे वैल्यूज पता नहीं लग सकती, तो ऐसे केस में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आइए, द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर्स, एट द एंड ऑफ 6th ईयर द इंजन रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट। अच्छा, जो ये रोड ट्रेलर है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट मतलब इंजन को रिप्लेस करना है, एज अ फर्दर मेंटेनेंस इज अन इकोनॉमिकल ड्यू टू द ऑफ रोड टाइम रिक्वायरमेंट। The remainder of the vehicle is perfectly roadworthy and is expected to last for the next 4 years. अच्छा, the cost of the new engine is 45,000. The discount rate is 5%. एक सेकेंड, सबसे पहले तो हमारी कॉस्ट ऑफ असेट कितनी थी, 1 लाख। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं कह सकता हूं कि ये मेरी ओरिजिनल कॉस्ट है। हाँ, मान लीजिए मैं असेट के ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूं, मेरा जो मेथड है मैं कभी भी असेट को ओरिजिनल कॉस्ट नहीं गिराता, मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से चार्ज करता हूं, तो बताओ असेट मेरी बुक्स में 6 साल बाद भी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिख रही होगी। हाँ, तो आफ्टर 6th ईयर 1 लाख ही दिख रहा होगा कैरिंग अमाउंट। अरे बिफोर डेप्रिसिएशन यार, जल्दी बताओ बिफोर डेप्रिसिएशन कितना दिख रहा होगा। हाँ, 1 लाख। अब इस 1 लाख में दो चीजें हैं, एक है आपका इंजन और एक आपका अदर। बोलो बेटा, एक इंजन और एक अदर्स हो गया। जो इंजन है अब मैं उसको क्या कर रहा हूं, रिप्लेस कर रहा हूं। बोलो बेटा, हाँ, और रिप्लेस कर रहा हूं तो न्यू कॉस्ट कितना है, 45,000। बेटा इंजन का ओल्ड कैरिंग वैल्यू कितना है पता नहीं है, इसीलिए इंड एएस कहता है अगर तुम्हें कॉम्पोनेंटाइजेशन अगर तुमने पहले नहीं करा था तो तुम्हारे पास सेपरेट कैरिंग वैल्यू इंजन का तो होगा नहीं, तो तुम उसकी कैरिंग वैल्यू कैसे निकालोगे। तुम अज्यूम करोगे कि जो तुमने आज इंजन खरीदा है 45,000 का, वो आज अगर तुम्हें 45,000 का पड़ा है तो ये 6 साल पहले ये कितने का होगा कंसीडरिंग डिस्काउंटिंग रेट। कुछ डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ है क्या, चेक करो, 5%। तो कंसीडरिंग डिस्काउंटिंग रेट ये 6 साल पहले कितने का होगा, तो 5% के हिसाब से वो 6ठे साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना आ रहा है, नहीं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पूछ रहा हूं मैं, 1/1.05 इक्वल टू करके वो 6ठे साल का कितना आ रहा है। तो मैं बोलूंगा कॉस्ट बिफोर 6 ईयर्स 45,000 इंटू 0.7562, ये 6th ईयर का है ना, क्या 7562 नहीं है, अच्छा 7462, 7462 क्या होगा, जल्दी बोलो, 33,000। ये हम मानेंगे कि 6 साल पहले ये कॉस्ट हुआ करती होगी। आई बात समझ में कि नहीं। अब आप रूल लगाएंगे सेम टू सेम यही वाला, क्या रूल था, जो पुरानी कॉस्ट है उसको क्या करना होता है डीरिकॉग्नाइज, और जो नई कॉस्ट है उसको क्या करना पड़ता है कैपिटलाइज। तो यहां पर आप रूल वही लगाओगे, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल 1 लाख में से क्या डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, 33,580, और क्या ऐड करना पड़ेगा, 45,000। तो आपकी न्यू कॉस्ट ऑफ रोड ट्रेलर आ गया। बट बेटा ये कॉस्ट है, अब इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगना बाकी होगा। समझ आया, क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है,
सो दिस इज योर कॉस्ट। तो रिप्लेसमेंट में क्या करना है, व्हाट इज द रूल फॉर रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द रूल, रिप्लेसमेंट का रूल क्या है? रिप्लेसमेंट का रूल ये है, मेरी बात को समझना ध्यान से, रिप्लेसमेंट में रूल ये है कि बचा कुचा हिस्सा डी रिकॉग्नाइज करो और नया वाला हिस्सा कैपिटलाइज करो। रिमेनिंग कैरिंग वैल्यू शैल बी डी रिकॉग्नाइज एंड द न्यू कॉस्ट शैल बी कैपिटलाइज। इसको शॉर्ट में लिख दीजिएगा अपनी नोट्स में, रिमेनिंग कैरिंग वैल्यू ऑफ रिप्लेस्ड पार्ट, रिमेनिंग कैरिंग वैल्यू ऑफ रिप्लेस्ड पार्ट शैल बी डी रिकॉग्नाइज, रिमेनिंग कैरिंग वैल्यू ऑफ रिप्लेस्ड पार्ट शैल बी डी रिकॉग्नाइज। आई बात समझ में? सो रिमेनिंग कैरिंग वैल्यू ऑफ रिप्लेस्ड पार्ट शैल बी डी रिकॉग्नाइज एंड द न्यू कॉस्ट शैल बी कैपिटलाइज टू द कॉस्ट ऑफ पीपी। ओके, बोलो गाइस, क्लियर हुआ कि नहीं? अरे जल्दी बोलो, क्लियर बताओ बेटा, क्लियर? समझ आ गया? ओके, रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन, तीसरे टाइप का खर्चा। पहला अपन ने देखा कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग, दूसरा अपन ने देखा रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तीसरा अपन ने देखा रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन। रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन सेम ट्रीटमेंट, सेम टू सेम आपका रिप्लेसमेंट की तरह होगा। सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना। मान लीजिए अपने पास एक एयरक्राफ्ट है, अपने पास एक एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट के अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हमने देखे। पहला इंजन, दूसरा बॉडी आउटर बॉडी, तीसरा फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स। बोलो, एविएशन मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है कि आपको हर 3 साल में अपने एयरक्राफ्ट को, आपको अपने 3 साल में अपने एयरक्राफ्ट का इंस्पेक्शन करवाना जरूरी है। ओवरहॉल बोलो, इंस्पेक्शन बोलो, हालांकि इंस्पेक्शन और ओवरहॉल में फर्क होता है। तो आपको हर 3 साल में अपने एयरक्राफ्ट का इंस्पेक्शन करवाना जरूरी है, इंस्पेक्शन इन 3 ईयर्स, एवरी 3 ईयर्स। जब आपने ये एयरक्राफ्ट फर्स्ट टाइम परचेज किया होगा तो आपको इंस्पेक्शन करके दिया गया होगा। बोलो बेटा, तो कहीं ना कहीं इस एयरक्राफ्ट के 4 पार्ट हो गए होंगे, एक इंजन, एक बॉडी, एक फर्नीचर फिटिंग्स और एक तीसरा इंस्पेक्शन, क्योंकि उस इंस्पेक्शन का भी तो एक मेजर एक्सपेंडिचर होगा ना उसमें जुड़ा हुआ। अरे यार, तुम्हारा एयरक्राफ्ट है 30 करोड़ का, तो जो तुम्हें पहली बार जब तुमने ये एयरक्राफ्ट परचेज किया, तो तुम्हें एयरक्राफ्ट परचेज जब करके दिया गया, तो तुम्हें ऑब्वियसली इंस्पेक्शन करके दिया गया होगा। उस टाइम पे अगर तुम अपने एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट का इंस्पेक्शन करवाते तो इट टेक्स 3 करोड़ रुपीस, तो तुम क्या बोलोगे, अच्छा 30 करोड़ में से 3 करोड़ मेरे इंस्पेक्शन का कॉस्ट है। आई बात समझ में कि नहीं? अब बताओ तुम इस इंस्पेक्शन को कितने साल में अमोर्टाइज करोगे? 3 साल में, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि तुम्हें हर 3-3 साल में इसको इंस्पेक्शन करवाना पड़ता है। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अगर तुम्हें हर 3-3 साल में इंस्पेक्शन करवाना पड़ता है तो तुम 3 साल में इसको अमोर्टाइज करोगे, तो डिवाइडेड बाय 3, हर साल कितना कितना आपका डेप्रिसिएशन आएगा, 1 करोड़ 1 करोड़। जैसे ही आपके 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, आप नया इंस्पेक्शन करोगे, आफ्टर 3 ईयर्स न्यू इंस्पेक्शन कितने का आया, 4.5 करोड़ का इंस्पेक्शन आया इस बार कॉस्ट हुआ। मैं 4.5 को क्या करूं, कैपिटलाइज की पेंडल कैपिटलाइज, क्योंकि मैंने पहले से ही कॉम्पोनेटाइजेशन कर लिया था, क्योंकि इसकी लाइफ फिर से 3 साल हो जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं? तो इंस्पेक्शन का भी सेम वैसा ही जैसा अपन रिप्लेसमेंट का कर रहे थे। सर अगर इंस्पेक्शन 3 साल से पहले ही करवाना पड़ा तो जो पिछली बार आपने इंस्पेक्शन करवाया था उसका कुछ कैरिंग अमाउंट बच गया होगा, उसको क्या करोगे, डी रिकॉग्नाइज। आया समझ में कि नहीं? चलो, समझ में आया कि नहीं? तो ये मेजर इंस्पेक्शन हो गया। बोलो बेटा, क्लियर? ये एग्जाम्पल पढ़ लीजिए एक बार जल्दी जल्दी, ये एग्जाम्पल पढ़ लीजिए।
हो गया, पढ़ लिया। जल्दी बोलो बेटा, पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ पीपी, इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट मॉडल और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कॉस्ट मॉडल और रिवोल्यूशन मॉडल दोनों, कॉस्ट मॉडल और रिवोल्यूशन मॉडल दोनों। चलो कॉस्ट में क्या क्या आएगा याद रखना, पीपीई की कॉस्ट में तीन चीजें आएंगी, पीपीई की कॉस्ट में तीन चीजें आएंगी। पहला जल्दी बोलो क्या, परचेज। दूसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंसेस। और जो तीसरा आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, कॉस्ट ऑफ डीकमीशनिंग, डीकमीशनिंग और साइट रीस्टोरेशन, साइट रीस्टोरेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीपीई की कॉस्ट में तीन चीजें आती हैं, एक परचेज कॉस्ट, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक कॉस्ट ऑफ डीकमीशनिंग। सर ये कॉस्ट ऑफ डीकमीशनिंग का मतलब क्या होता है, ये कॉस्ट ऑफ डीकमीशनिंग का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है, टेल मी। आज हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज किया, ठीक है, टुडे मैंने एक प्लांट इंस्टॉल करवाया, प्लांट इंस्टॉल करवाया, क्या इंस्टॉल करवाया, प्लांट इंस्टॉल करवाया। और वो इंस्टॉलेशन का जो प्लांट है, प्लांट की जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट है 100 crores। इसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है 30 इयर्स, प्लांट की यूजफुल लाइफ है 30 इयर्स। आफ्टर 30 इयर्स, आफ्टर 30 इयर्स मुझे इसका मैंडेटरी बेसिस पर मुझे कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी है गवर्नमेंट की। और आफ्टर 30 इयर्स जो मैंने ये प्लांट इंस्टॉल करवाया है, इस प्लांट को यहां पर डीकमीशन करवाना पड़ेगा। इसका डीकमीशनिंग मतलब मुझे इसकी डीकमीशनिंग करवानी पड़ेगी, मतलब जिस लैंड पे मैंने इस प्लांट को इंस्टॉल किया था, वापस से मुझे लैंड वापस से सेम टू सेम स्टेज पे चाहिए जैसा लैंड पहले था प्लांट इंस्टॉल करने से पहले। मतलब मुझे लैंड को रीस्टोर करना है, प्लांट को डीकमीशन करना है। मैं आपको इसका सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे सकता हूं जिसको आप फैमिलियर कर सकते हो। आपने देखा होगा जो मोबाइल के टावर्स लगे होते हैं बड़ी बड़ी रूफ पे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स के ऊपर मोबाइल के टावर्स लगे होते हैं। अरे वो टावर्स लगे होते हैं मोबाइल के, लगे होते हैं कि नहीं होते हैं? तो बहुत सारे लोग बहुत सारे घरों की छत पे लगे होते हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स में लगे होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना स्पेस कंपनीज को, वोडाफोन आइडिया वगैरह, उन कंपनीज को किराए पर दे देते हैं कि ठीक है ये स्पेस पे आप अपना टावर लगा लो, लगवा लो। वो टावर जो लगवाया जाता है उसका एक एग्रीमेंट पीरियड होता है कि हम इसको 15 साल बाद यहां से अनइंस्टॉल कर देंगे। बोलो बेटा, तो सोचो कंपनी अगर 15 साल बाद उसको अनइंस्टॉल करेगी तो कुछ खर्चा तो आएगा, खर्चा आएगा कि नहीं आएगा? तो जो खर्चा आएगा और आपको पता है कि वो अनइंस्टॉल का खर्चा है, तो वो खर्चा भी आज ही के दिन आप अपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ऑलरेडी जोड़ दोगे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? आप अपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आप उसको आज ही जोड़ दोगे। आपको जो पता है कि 30 साल बाद अपने अपने प्लांट को आप अनइंस्टॉल करने वाले हो, तो 30 साल बाद जो खर्चा आएगा वो कॉस्ट आएगी डीकमीशनिंग की, वो जो कॉस्ट होगी वो डीकमीशनिंग की कॉस्ट आएगी 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ की कॉस्ट आएगी। तो मुझे बताओ मैं अपनी कॉस्ट ऑफ प्लांट में ये 10 करोड़ जोड़ूंगा कि नहीं जोड़ूंगा? बट मैं इस 10 करोड़ को प्रेजेंट वैल्यू पे जोड़ूंगा, प्रेजेंट वैल्यू पे बुक करूंगा। किस वैल्यू पे बुक करूंगा? प्रेजेंट वैल्यू पे। मुझे एक डिस्काउंटिंग रेट एस्टिमेट करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो मान लो इसकी प्रेजेंट वैल्यू हुई, इसकी प्रेजेंट वैल्यू हुई यहां पर 2 करोड़ रुपए। कितनी हुई? 2 करोड़ रुपए। तो अब मेरे प्लांट की टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, मेरे प्लांट की टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 102 करोड़। आई बात समझ में कि नहीं? मैं एंट्री क्या करूंगा अपने प्लांट की? मैंने प्लांट को रिकॉग्नाइज किया, मैंने एंट्री क्या करना है टुडे? मुझे एंट्री क्या करना है, टेल मी। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 102, टू वेंडर 100 करोड़, टू डी कमीशनिंग लाइबिलिटी
टू डी कमीशनिंग लाइबिलिटी या टू प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग एक्सपेंस, कितना? 2 करोड़। अब इस डी कमीशनिंग लाइबिलिटी का क्या होगा हर साल? हाँ, आपकी डी कमीशनिंग लाइबिलिटी 2 लाख पे, आपने 2 करोड़ पे बुक किए, एक्चुअल आपको 30 साल बाद कितने पे करने? 10 करोड़। तो हर साल इसके ऊपर वो जो आपने प्रेजेंट वैल्यू का डिस्काउंटिंग रेट लिया था, हर साल इसके ऊपर फाइनेंस चार्जेस ऐड करते जाओगे, हर साल आपका ये फाइनेंस चार्जेस ऐड होते जाएंगे। तो एंट्री हर साल क्या होगी? फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू डीकमिशनिंग लायबिलिटी, फाइनेंस चार्ज डेबिट टू डीकमिशनिंग लायबिलिटी, फाइनेंस चार्ज डेबिट टू डीकमिशनिंग लायबिलिटी। फाइनेंस चार्जेस आपका कहां जाएगा? पीएनएल में। डीकमिशनिंग लायबिलिटी 2 से 3, 3 से 4, 5, 6, 7, 8 और कितनी पहुंच जाएगी? 10 करोड़। और एंड में 30 साल बाद ये डीकमिशनिंग लायबिलिटी 10 करोड़ को डेबिट करके टू बैंक कर देंगे। आया समझ में कि नहीं? ठीक है। सो इट इज योर डीकमिशनिंग एक्सपेंस, ये आपका कॉस्ट इंक्लूड में आ रहा है। यहां पर पढ़ लीजिए इसको, कॉस्ट में क्या क्या आ रहा है, कॉस्ट में क्या क्या आ रहा है? परचेज प्राइस इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, एनी डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, ब्रिंगिंग द असेट टू इट्स लोकेशन एंड कंडीशन, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ पीपी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग द पीपी। बेटा ये कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग द पीपी जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग एक्सपेंसेस भी आपके डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल में आते हैं, टेस्टिंग एक्सपेंसेस। प्रोफेशनल फीस, अगर आपने कोई प्रोफेशनल फीस पे किया है किसी कंसल्टेंट को, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल है, तो वो डेफिनेटली आपके कैपिटलाइज होगा। लास्ट डीकमिशनिंग रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लायबिलिटीज, आपको इसको कैपिटलाइज करना है, इनिशियली एस्टीमेट करना है डिस्काउंटिंग रेट पर। तो लिखा हुआ है इनिशियल एस्टीमेट, इनिशियल एस्टीमेट। ठीक है बेटा, कॉस्ट में क्या क्या नहीं आएगा, कॉस्ट में क्या क्या नहीं आएगा? पहला, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू बिजनेस सच एज इनॉग्रेशन, वो तो हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी देखा था, ये कॉस्ट में नहीं आएगा। उसके बाद स्टार्टअप कॉस्ट, स्टार्टअप कॉस्ट भी नहीं आएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग, अरे वो एडवर्टाइजिंग कैंपेन वगैरह चलाया, वो सब नहीं आएगा। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, ये सारे वही पॉइंट हैं जो इंडिया 40 में अपन ने पढ़ चुके हैं, इंडिया 40 के सारे वही पॉइंट्स हैं। बोलो बेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग द पार्ट और ऑल ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज, आपने एक जगह से दूसरी जगह फिक्स एसेट्स ट्रांसफर कर दी, रीलोकेट कर दिया, तो ये सारी कॉस्ट आपकी एक्सक्लूड होगी, आपका ये सब पीएनएल में जाएगा। ये सारी कॉस्ट कहां जाएंगी? पीएनएल अकाउंट में। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देखें, आंसर निकालते हैं कि कैसे आएगा, क्या होगा। On 1 April 2001, XYZ Limited acquired a machine under the following terms. List price of the machine, 80 lakhs. जल्दी बताओ, capitalize होगा कि नहीं? Yes or no? Yes. Import duty, yes or no? Yes. Delivery fees? Yes. Electrical installation? Yes. Pre-production testing? Yes. Purchase of 5-year maintenance contract? Maintenance contract, 5 साल का maintenance contract? No. Day-to-day servicing cost? अरे बोलो। इन एडिशन टू द अबव इज इंफॉर्मेशन, एक्स वाई लिमिटेड वॉज ग्रांटेड अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द इनिशियल लिस्ट प्राइस। 80 लाख का 10% हटाओ, 80 लाख में से 10% लेस हो जाएगा तो कितना बचा? 72 लाख। बोलो। अच्छा, इसके अलावा एंड अ सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 5%। बेटा सेटलमेंट डिस्काउंट का मतलब होता है कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट कभी भी आपका कॉस्ट में से लेस नहीं होता। सेटलमेंट डिस्काउंट इज योर कैश डिस्काउंट। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? ये आपका सेटलमेंट डिस्काउंट है, इसका मतलब ये आपका कैश डिस्काउंट है, ये आपका कैश डिस्काउंट है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो बताओ क्या क्या आ गया। 72 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 कितना आ गया? 92। निकाल के देखा कि डायरेक्ट आंसर को देख के बोल रहे हो 92? निकाल के देखा। क्लियर बेटा, ये वाला पॉइंट अपन इंडिया 40 में पढ़ चुके हैं। इफ द पेमेंट इज डेफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, जल्दी बोलो, पढ़ चुके हैं। कैश प्राइस इक्विवेलेंट, 3 करोड़ की चीज को आपने आज दिखा दिया 2 करोड़ पे, बाकी का 1 करोड़ क्या करोगे? ड्यूरिंग द पीरियड आप उसको फाइनेंस चार्जेस में डेबिट करोगे। कैश प्राइस इक्विवेलेंट बेटा, क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 16 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका होमवर्क है।
अच्छा सेकंड पॉइंट एक्सचेंज, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। एक्सचेंज के क्या रूल्स थे, एक्सचेंज के रूल्स क्या थे, प्रॉपर्टी गिवन या प्रॉपर्टी रिसीव्ड। प्रॉपर्टी रिसीव्ड को फर्स्ट देखना है, फेयर वैल्यू नहीं अवेलेबल है तो गिवन, नहीं है तो बुक वैल्यू ऑफ गिवन। ठीक है बेटा बोलो जल्दी बोलो। तो ये वाला पॉइंट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो अभी के अभी, देख लो होमवर्क क्या है, छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ बेटा हो गया, हाँ डन। चलो पीपीई परचेज फॉर अ कंसोलिडेटेड प्राइस, अगर आप कंसोलिडेटेड प्राइस में परचेज करोगे तो अरे बहुत सारी पीपीई ही है और आपने प्राइस सिर्फ एक ही दिया है, आपने 10 करोड़ रुपए में 6-7 या बंच ऑफ या इंटायर यूनिट परचेज कर लिया, उसमें बहुत सारी अलग अलग पीपीई है, तो क्या करोगे आप, सबको सेपरेट करोगे किस रेशियो में, फेयर वैल्यू के रेशियो में। बोलो बेटा किस रेशियो में, फेयर वैल्यूज के रेशियो में। बोलो ना बेटा फेयर वैल्यूज के रेशियो, रेशियो में आप उसको सेपरेट करोगे। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं। नेक्स्ट पीपी हेल्ड बाय लेसी अंडर फाइनेंस लीज, इंडिया 17 लगा लेंगे। पीपी हेल्ड बाय लेसी अंडर फाइनेंस लीज, तो अपन इसको इंडिया 17 लगा लेंगे। ठीक है आगे आइए, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू द पीपी, आपको गवर्नमेंट ग्रांट के फॉर्म में मिल गया, अपन इंडेस 20 लगा लेंगे। इंडेस 20 जब पढ़ेंगे तो तब देखेंगे। ठीक है बेटा आगे बढ़े। मेजरमेंट आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन, जल्दी बोलो मेजरमेंट आफ्टर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, बैलेंस शीट डेट पे कितने मॉडल, कॉस्ट और रिवॉल्यूशन, जबकि ऐसा कहा नहीं था इंडेस 40 में, ऐसा नहीं था इंडेस 40 में, सिर्फ कॉस्ट मॉडल डिस्क्लोजर पर्पज के लिए फेयर वैल्यू, यहां पर फेयर वैल्यू नहीं है, यहां पर रिवॉल्यूशन मॉडल है। यहां पर कौन सा मॉडल है, रिवॉल्यूशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल और रिवॉल्यूशन मॉडल। एक बात बताओ क्या ऐसा हो सकता है क्या कि मेरे पास ऑफिस बिल्डिंग, मेरे पास ऑफिस बिल्डिंग एक मुंबई में है, एक पुणे में है, एक दिल्ली में है, मैं इसके ऊपर कॉस्ट लगा रहा हूं और इन दोनों के ऊपर रिवैल्यूएशन लगा रहा हूं, यस और नो जल्दी बोलो। एक और एग्जाम्पल, मेरे पास बिल्डिंग्स हैं, उसमें मेरे पास कुछ फैक्ट्री बिल्डिंग्स हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग्स कितनी हैं, 4 फैक्ट्री बिल्डिंग्स हैं, और मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग्स हैं, 6 एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग्स हैं, मैं इन चारों के ऊपर कॉस्ट लगा रहा हूं और इन चारों के ऊपर मैं रिवैल्यूएशन मॉडल लगा रहा हूं, अलाउड, इसका अलाउड है और इसका अलाउड नहीं है, क्यों, क्लासिफिकेशन वाइज आपको रिवॉल्यूशन लगाना पड़ेगा। अगर आपने एक असेट को रिवॉल्यूशन मॉडल लगाया तो उसकी सारी क्लासेस के ऊपर रिवॉल्यूशन मॉडल लगाना पड़ेगा, अगर आपने एक मॉडल के एक असेट के ऊपर कॉस्ट मॉडल लगाया तो आपको पूरी क्लासिफिकेशन में आपको क्लासिफिकेशन सेम आपको मॉडल अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं, तो आप पूरी क्लास के ऊपर कॉस्ट मॉडल और दूसरी किसी क्लास के ऊपर रिवॉल्यूशन मॉडल लगाओ चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। ओके तो ये आपका वही क्लास ऑफ पीपी, ये उसी टाइप का है। ठीक है क्लास ऑफ पीपी। ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट मॉडल का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट मॉडल का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉसेस। बोलो बेटा जल्दी बोलो। और रिवैल्यूएशन मॉडल का फॉर्मूला क्या है, रिवैल्यूएशन मॉडल का फॉर्मूला क्या है, फेयर वैल्यू, रिवैल्यू फेयर वैल्यू ऑन बैलेंस शीट डेट, मतलब जिस दिन आप रिवॉल्यूशन करोगे, माइनस माइनस क्या भाई, आज तो आपने फेयर वैल्यू कर लिया तो जो पुराना जो आपका डेप्रिसिएशन हुआ वो तो भाड़ में जाए, अब से लेकर आप जो डेप्रिसिएशन लगाओगे उसको क्या करोगे ना, तो माइनस सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन एंड वो आपका सॉरी अमोर्टाइजेशन नहीं इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन एंड इंपेयरमेंट,
समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो, हो गया क्लियर? हो गया? अच्छा, इस चार्ट पे आ जाओ। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, हमें रिवॉल्यूशन कब कब करना चाहिए? क्या अगर आपने रिवॉल्यूशन मॉडल लगाया है तो आपको क्या जरूरी है क्या हर साल रिवैल्यू करना पड़ेगा? यस, आपको हर साल एनुअल रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा। अगर 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 आपका जो पीपीई है अगर वो ज्यादा, उसका सिग्निफिकेंट और वॉलेटाइल चेंजेस होते रहते हैं, आपके पीपीई की फेयर वैल्यू में सिग्निफिकेंट चेंजेस होते रहते हैं, और वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मतलब फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट चेंजेस होते रहते हैं, आपकी पीपीई का नेचर ही ऐसा है जिसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस होते रहते हैं, और जो चेंजेस होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो दो वर्ड याद रखिएगा, सिग्निफिकेंट चेंज एंड वॉलेटाइल चेंज, सिग्निफिकेंट एंड वॉलेटाइल, सिग्निफिकेंट एंड वॉलेटाइल इन फेयर वैल्यू। अगर आपकी फेयर वैल्यू सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही है और बार बार चेंज हो रही है तो आप हर साल एनुअल रिवॉल्यूशन करोगे। पर अगर आपकी असेट इनसिग्निफिकेंटली बार बार हो रही है, मतलब ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं, और चेंजेस ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट चेंजेस है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हर साल रिवॉल्यूशन करो। फिर आप कब कब करोगे? 3 साल से 5 साल के बीच में आप एक बार कर सकते हो रिवॉल्यूशन, 3 से 5 साल के बीच में। बोलो बेटा क्लियर? 3 से 5 साल के बीच में, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? अब रिवैल्यूएशन करने का तरीका कैसे होगा? आइए क्वेश्चन नंबर 18, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट क्या होगा, रिवैल्यूएशन को कैसे रिवैल्यूएशन किया जाता है, उसके दो तरीके कैसे होंगे, आइए क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्यूशन में बताइएगा। जुपिटर लिमिटेड हैज एन आइटम ऑफ प्लांट विद एन इनिशियल कॉस्ट ऑफ ₹1 लाख। कितने का प्लांट है? 1 लाख। एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू ₹55, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 55। द फेयर वैल्यू ऑफ असेट बाय द रेफरेंस टू ट्रांजैक्शन इन द सिमिलर असेट्स इज असेस्ड टू बी 65। असेट की फेयर वैल्यू कितनी है? 65। फाइंड आउट द एंट्रीज टू बी पास्ड। वन सेकेंड, आपकी असेट कितने की है? नहीं, कॉस्ट 1 लाख, और अलग से उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट बैलेंस और कॉस्ट ऑफ असेट डेबिट बैलेंस कितना? 50, एक्यूमेंट डेप्रिशन 55 है कि एक्यूमेंट डेप्रिशन 55 है, सॉरी 55 है। बोलो बेटा। हाँ, पहला तरीका, पहला तरीका, या तो तुम सबसे पहले 1 लाख में से 55,000 माइनस कर दो, एंट्री करोगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू असेट 55,000 माइनस कर दो और असेट को अपनी WDV पे लेके आओ। अब उस WDV को कंपेयर करो फेयर वैल्यू से, तो क्या आया? 20,000 का क्या आया? रीवैल्यूएशन सरप्लस। क्या आया? तो एंट्री क्या मारोगे? असेट डेबिट टू रीवैल्यूएशन सरप्लस ब्रैकेट में OCI। बोलो बेटा, ब्रैकेट में OCI। बोलो कितने से? 20K। क्लियर हुआ कि नहीं? दिस इज योर फर्स्ट टेक्निक, ये तुम्हारा पहला टेक्निक। सेकंड टेक्निक पे चलते हैं। तुम्हारी ओरिजिनल कॉस्ट को मत बदलो, 1 लाख की डेबिट है, तुम अपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को मत बदलो, 55 क्रेडिट है। पर तुम्हें इतना तो पता है इन दोनों को देखकर कि अल्टीमेटली तुम्हारी असेट दिख WDV तो 45 की है। हाँ, तो तुम एक काम करो, तुम परसेंटेज ऑफ इंक्रीज निकाल लो। क्या निकाल लो? परसेंटेज ऑफ इंक्रीज। कैसे? कितना इंक्रीज हुआ? 20,000। कितने के ऊपर इंक्रीज हुआ? 45 के ऊपर इंटू 100, तुम्हारा परसेंटेज ऑफ इंक्रीज निकल आएगा 44.44%। एक काम करो, तुम अपनी ओरिजिनल कॉस्ट को 44.44
से बढ़ा दो और तुम अपने एक्यूमुलेटेड डेब्ट को, अपने एक्यूमुलेटेड डेब्ट को भी तुम 44.44 से बढ़ा दो तो कितना आएगा? दोनों का बताओ कितना आएगा? 1,44,444 और वो कितना आएगा? 79,444। बोलो बेटा कितना इंक्रीज हुआ? इंक्रीज पार्ट कितना हुआ? यहां 44,444 और यहां इंक्रीज कितना हुआ? 55 से 79 पहुंच गया। कितना कितना अमाउंट आया इंक्रीज होके? हाँ 24,444। एंट्री क्या होगी? असेट डेबिट 44,444 टू एक्यूमुलेटेड डेप 24,444 टू रीवैल्यूएशन सरप्लस 20,000 ओसीआई। बात वही है, बात है वही, बस आपको देखना है कि आप कौन सा ट्रीटमेंट, आप कौन सा अकाउंटिंग फॉलो करना चाहते हो, आप कौन सा अकाउंटिंग फॉलो करना चाहते हो। मेरी बात क्लियर है कि नहीं? बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? आ गया समझ में? पक्का? चलो ओके। अपन कहाँ थे? यस, ये क्वेश्चन हो गया था अपने से, क्वेश्चन नंबर 18 डन। हाँ एग्जाम पर्पस के लिए टिक कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पर्पस के लिए टिक कर लो इसको। अच्छा इस चार्ट पे आओ, ये वाले चार्ट पे आ जाओ भाई। रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट क्या होता है? रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट क्या होता है? टेल मी। दो बातें, अपवर्ड होगा ओसीआई में जाएगा, डाउनवर्ड होगा पीएनएल में जाएगा। ओसीआई में नहीं जाएगा डियर, पीएनएल में जाएगा। हाँ मुझे लगा आपने बोला ओसीआई में जाएगा। हाँ फिर से, अपवर्ड हो जाएगा ओसीआई में जाएगा, डाउनवर्ड होगा पीएनएल में जाएगा। ये तो पहली बार हुआ। अब आगे सुनो, पहली बार अपवर्ड हुआ कहां ले गए? विथ एग्जाम्पल करवा रहा हूं मैं, सुनना अमाउंट सुनना। पहली बार 10 करोड़ से अपवर्ड किया, 10 करोड़ से अपवर्ड किया कहां ले गए? ओसीआई में। ओसीआई में ले गए, ओसीआई में कितना चला गया? 10 करोड़। ओसीआई में कितना चला गया? 10 करोड़। अच्छा आपको यह पता है कि अगर मैं अपनी असेट को 10 करोड़ से बढ़ा रहा हूं तो सबसिक्वेंट डेप्रिसिएशन भी अब बढ़ी हुई असेट के ऊपर लगेगा, रिवैल्यूड अमाउंट पे लगेगा। हाँ सबसिक्वेंट डेप्रिसिएशन रिवैल्यूड अमाउंट पे लगेगा। तो एक बात बताना, वन सेकेंड, सामने देखो, 100 करोड़ की असेट थी, मैंने 10 करोड़ से रिवैल्यू कर दी, रिवैल्यू कर दी, कितना हो गया? 110। मान लीजिए मेरा 10% का डेप्रिसिएशन रहता है तो इंटू 10% डेप, तो डेप कितना लगेगा? 11। अगर मैं रिवॉल्यूशन नहीं करता तो मेरा डेप कितना लगता? 10 का, तो 1 का डेप ज्यादा लगा। मुझे ट्रीटमेंट बताओ इस पूरे 11 करोड़ के डेप का क्या होगा? ये 11 करोड़ के डेप का ट्रीटमेंट क्या होगा? पहला, सबसे पहले मैं पूरा का पूरा 11 करोड़ पीएनएल में बुक करूंगा। बोलो बेटा। और मैं उधर से रिवॉल्यूशन सरप्लस जो मेरे पास पड़ा था 10 करोड़ का, उसमें से मैं जनरल रिजर्व में 1 करोड़ ट्रांसफर कर दूंगा। बेटा जनरल रिजर्व, पीएनएल में नहीं, जनरल रिजर्व मतलब अदर इक्विटी में। और अब मेरे पास रिवॉल्यूशन रिजर्व कितना पड़ा रहेगा? 9 करोड़। समझ में आया कि नहीं? तो अब मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं मुझे बताना, मुझे ध्यान से अच्छे से बताना। पहली बार रिवॉल्यूशन किया 10 करोड़, कहां डाला? ओसीआई में। 3 साल बाद आपने फिर से रिवॉल्यूशन किया, ओसीआई का बैलेंस हो चुका है 7 करोड़। क्यों हो चुका होगा 7 करोड़?
वो सर 3 करोड़ का जो एडिशनल डेप्रिशन है वो मैंने जर्नलिज्म में डाल दिया होगा, तो ओसीआई का रिमेनिंग बैलेंस कितना बड़ा होगा? 7 करोड़। इस बार मैं रिवैल्यूएशन कर रहा हूं और डाउनवर्ड हो गया। क्या हो गया? डाउनवर्ड हो गया, और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है मेरे पास 12 करोड़। जल्दी बताओ 12 करोड़ का ट्रीटमेंट बोलो। 12 में से अगर मेरे पास कोई ओसीआई बचा हुआ है सेट ऑफ कर देंगे, 7, बाकी 5 कहां ले जाएंगे? पीएनएल में। समझ में आया कि नहीं? चलो इसका उल्टा करते हैं। पहली बार मैंने डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन किया 10 करोड़ से, कहां चला गया? पीएनएल में। 4 साल बाद मैं अपवर्ड रिवॉल्यूशन कर रहा हूं 6 करोड़ से। 6 करोड़ से आंसर ओसीआई में 6 करोड़ जाएगा। पहली बार आपने डाउनवर्ड किया था, कहां ले गए थे आप? पेंडल। अब जब भी अपवर्ड होगा जो भी गेन होगा टू द एक्सटेंट ऑफ दैट लॉस शैल बी सेट ऑफ विद पेंडल ओनली, टू द एक्सटेंट ऑफ दैट लॉस। पिछली बार लॉस कितना था? 10 करोड़। इस बार प्रॉफिट कितना हो गया? 6 करोड़। पूरा का पूरा कहां जाएगा? पेंडल में। अगर 6 करोड़ नहीं होता, 12 करोड़ का रिवॉल्यूशन गेन होता तो 10 करोड़ पेंडल में और 2 करोड़ अपना ओसीआई में, यही होगा कि नहीं? क्लियर? ये आपका पूरा चार्ट एक्सप्लेन इसी को कर रहा है, ये जो आपका चार्ट है इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है बेटा, बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? अच्छा आगे, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस। मैंने अभी आपको एक ट्रीटमेंट बताया। सबसे पहले आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस कहां डाला? ओसीए में। अब जब भी सबसीक्वेंट डेप्रिसिएशन लगेगा तो एक्सिस डेप्रिसिएशन के बराबर का वैल्यू रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल के अपन कहां ले जाएंगे? हाँ, क्या रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल के पीएनएल में ले जा सकते हैं क्या? नहीं, घोर अन्याय हो जाएगा, पाप हो जाएगा, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। इंडेक्स बोलता है कि दिमाग खराब कर देंगे हम तुम्हारा, पीएनएल में नहीं डालेंगे हम उसको, कहां ले जाएंगे? डायरेक्ट। समझ में आ रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है? मैंने आपको यह बोला कि ओसीआई में एक बार चीज चली गई तो ओसीआई से निकल के वो कहां जाएगी? डायरेक्ट अदर इक्विटी में जाएगी, पीएनएल में वो नहीं जाएगा। जब भी डेप्रिसिएशन लगता जाएगा तो आपका वो वहां से उठ के आपका जर्नलिज्म में जाता जाएगा। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? अब मुझे बताओ कि जिस असेट को तुमने रिवैल्यू किया था, जिसका तुमने रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में डाल दिया था, उस असेट को बेच दिया, सेल कर दिया उस असेट को, जब उस असेट को सेल कर दिया तो अब उसका ओसीआई क्या कर रहा है? अब उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस कर क्या रहा है? उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस को भी हटाओ। मैंने अभी बोला रिवैल्यूएशन सरप्लस को हटाएंगे तो सही, पर पीएनएल में ले जाना पाप है। तो भले असेट डीरिकॉग्नाइज हो गई है, आप सरप्लस को इस बार भी पीएनएल में नहीं ले जाओगे। आप कहां ले जाओगे? ओसीआई में तो पड़ा हुआ है ना, कहां ले जाओगे? जनरल रिजर्व में, अदर इक्विटी में। अरे उसको फ्री कर दोगे बेटा, अभी तक आपका वो कहां पड़ा था? ओसीआई में, रिवैल्यूएशन सरप्लस, अब आपको फ्री रिजर्व हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कब करने पर? सेल करने पर, रिटायर करने पर, सेल करने पर। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं? So, आपका ये जो ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस है, ये आपका केस वन केस टू ये दोनों कवर हो गए। केस वन जब आप पूरे के पूरे असेट को बेच देते हो तो आप इंटायर सरप्लस ट्रांसफर कर दोगे रिजर्व एंड सरप्लस में, मतलब जर्नलिज्म में। और केस टू आप अपनी असेट को सेल नहीं कर रहे हो, आप अपनी असेट को सेल नहीं कर रहे हो, आप अपनी असेट को कंटिन्यूअसली मेंटेन कर रहे हो, तो डेप्रिसिएशन के बराबर की जो वैल्यू होगी, एक्सेस डेप्रिसिएशन के बराबर की जो वैल्यू होगी, वो आपके रिजर्व एंड सरप्लस में चली जाएगी, जर्नलिज्म में। ठीक है, जो बोल्ड में लिखा हुआ है उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, को अच्छे से टिक लगा लीजिएगा। बोल्ड में क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू द रेवेन्यू रिजर्व आर नॉट मेड थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पीएएपी। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलो क्वेश्चन नंबर 19 मुझे सॉल्व करके बताओ, यहीं पे बॉक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करके बताओ जल्दी।
क्या होगा? कैरिंग वैल्यू कितनी है? 9 लाख में से 180 गया। हाँ, 720। बोलो बेटा। और यहीं पर आपका फेयर वैल्यू कितना है? 960। तो आपका ये आ गया री वैल्यूएशन सरप्लस। कितना रिवॉल्यूशन सरप्लस कितना आ गया? 2,40,000। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ रिमेन्स अनस्टेन अनचेंज्ड। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ रिमेन्स अनचेंज्ड। तो अब आपकी असेट की रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना हो गया? 960। रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना हो गया? 960 डिवाइडेड बाय 8। बोलो बेटा कितना? वन ट्वेंटी। पहले ओरिजिनल डेप्रिसिएशन कितना लगता था? ओरिजिनल डेप लगता था 90। 180 तो 2 साल का लगा था गधे। हाँ हाँ ओरिजिनल डेप्रिसिएशन कितना लगता था? 90। और अब रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? 120। तो बताओ क्या करोगे? 30,000 एक्सेस डेप्रिसिएशन के बराबर की वैल्यू का क्या करोगे? ट्रांसफर फ्रॉम रीवैल्यूएशन सरप्लस टू जनरल रिजर्व एवरी ईयर। एवरी ईयर ठीक है? अरे बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं? पक्का? क्लियर है सबको? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के सबसे पहले कौन सा मेथड अप्लाई करना है? डेप्रिसिएशन के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करना है? कौन सा मेथड अप्लाई करना है? कंपोनेंट मेथड। ये कंपोनेंट मेथड मतलब वो WDV SLM वाली बात नहीं कर रहा हूं। उसके लिए तो Ind AS बोलता है कि मैनेजमेंट खुद डिसाइड करेगा कि बेस्ट एस्टीमेट के हिसाब से उसका कौन सा मेथड होना चाहिए। पर डेप्रिसिएशन लगाते वक्त आपको कंपोनेंटाइजेशन अप्रोच अप्लाई करनी है। मैंने जो आपको एयरक्राफ्ट का एग्जाम्पल दिया था, आपने अपन ने एक शिपिंग वाला एग्जाम्पल अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, शिप वाला एक एग्जाम्पल पढ़ा था ना, तो अपने को कंपोनेंट अप्रोच अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है बेटा। तो डेप्रिसिएशन में और कोई ज्यादा चीजें खास नहीं है। डेप्रिसिएशन आप एक बार पढ़ लीजिएगा खुद ही। डेप्रिसिएशन में ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूं डेप्रिसिएशन का, उस पर आइए। डेप्रिसिएशन का इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उस पर आइए। हाँ, ये वाला ये वाली चीज डेप्रिसिएशन की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये चीज है, रिव्यू ऑफ रेसिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। आपने 12 साल की यूजफुल लाइफ को ध्यान में रखते हुए डेप्रिसिएशन का रेट निकाल लिया। 12 साल की यूजफुल लाइफ को ध्यान में रखते हुए डेप्रिसिएशन का आपने रेट निकाल लिया और आपने WDV का रेट ले लिया। बाद में आपने 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद रिव्यू किया कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अकॉर्डिंगली बची है कि नहीं बची है वैसी की वैसी। तो यू फाउंड कि नहीं, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ चेंज हो गई है। 12 साल की आपने यूजफुल लाइफ एस्टिमेट की थी, 5 साल बाद आपने रिव्यू किया, कितने बचने चाहिए? 7। 12 में से 5 साल गए, 7 साल रिमेनिंग बचने चाहिए।
आपको मालूम पड़ा, अरे यार 7 साल नहीं बचे हैं, अब तो सिर्फ 4 साल की यूजफुल लाइफ बची है। आपने रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन रेट निकाल लिया, आपने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी चेंज कर दिया WDV से SLM। दिस चेंज विल बी ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एज पर इंड एस 8। एज पर इंड एस 8 दिस चेंज विल बी कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। जो पिछला AS 6 हुआ करता था वो बोलता था कि अगर आप मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करोगे तो इट विल रिजल्ट इन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे। ये बोलता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट का कभी भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देते, आपको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ता है। पास्ट में क्या किया वो भूल जाओ, अब जो रिमेनिंग कैरिंग वैल्यू बची है डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स के हिसाब से आप डेप्रिसिएशन निकाल लो या फिर नया रेट निकाल लो रिमेनिंग वैल्यूज के हिसाब से। तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, आई बात समझ में कि नहीं? बोलो बेटा, आई बात समझ में कि नहीं? बेटा क्लियर है? पक्का क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 21 कर लीजिएगा, चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, कमेंसमेंट ऑफ पीरियड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, आपको डेप्रिसिएशन कौन से पीरियड से स्टार्ट करना है? एक्चुअली यूज की अवेलेबल फॉर यूज? अवेलेबल फॉर यूज, बस इतना ध्यान रखना, अवेलेबल फॉर यूज। आपको किस पीरियड से स्टार्ट करना है डेप्रिसिएशन? जब से एक्चुअली आपकी अवेलेबल है यूज, एक्चुअली यूज हुई है उससे नहीं देखो, आपकी अवेलेबल कब से हो गई है। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं रेडी टू पुट टू यूज, रेडी टू पुट टू यूज या रेडी फॉर यूज, क्या बोल सकते हैं? रेडी फॉर यूज। बेटा डेप्रिसिएशन बंद कब करोगे, फाइनल डेप्रिसिएशन खत्म कब करोगे, जब डेप्रिसिएशन कंप्लीट कब होगा, जल्दी बोलो। जब इक्वल टू कैरिंग अमाउंट होगा, इक्वल टू रेसिडुअल वैल्यू हो जाएगी। असेट को आप डेप्रिशिएट करना कब बंद कर दोगे? एक तो डिस्पोज के टाइम पे, ठीक है, एक बात तो बिल्कुल सिंपल, जब आप असेट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, चलो एक हो गया। दूसरा, दूसरा असेट अपनी रेसिडुअल वैल्यू तक पहुंच चुकी है, ऑल्दो आप असेट को अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो। अरे बोलो यार, हाँ जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्लियर है कि नहीं? तीसरा, जब आपने आप उसको डिस्पोज ऑफ तो नहीं कर रहे हो, बट इट इज नाउ अवेलेबल फॉर डिस्पोजल, इट इज अवेलेबल फॉर डिस्पोजल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अवेलेबल फॉर डिस्पोजल? इंड एस 105 नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल। अगर आप अपनी पीपीई को हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी में डाल देते हो तो उस दिन के बाद आप कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे। एक बार अगर आपकी पीपीई हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी में चली गई, उसके बाद आप अपनी पीपीई के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इंड एस 105 लगेगा, और इंड एस 105 पता है क्या बोलता है? इंड एस 105 बोलता है अब से लेकर तुम अपनी पीपीई को हर बैलेंस शीट डेट पर मेजर करोगे लोअर ऑफ, मतलब विच एवर इज लेस पे। कौन सी विच एवर इज लेस? कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट, विच एवर इज लोअर। तो जब तुम हर साल विच एवर इज लोअर पे फेयर वैल्यू कर रहे हो, मतलब मेजरमेंट कर रहे हो, तो तुम्हें बार बार डेप्रिशिएट करने की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी असेट हेल्ड फॉर सेल है। तो अगर तुम्हारी असेट हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी में चली गई तो अब तुम्हें अपनी असेट को डेप्रिशिएट नहीं करना है। समझ गए मेरी बात? अरे बोलो क्लियर है कि नहीं? क्या क्या केसेस हैं? पहला, असेट सीजेस टू बी चार्ज्ड व्हेन असेट्स रेसिडुअल वैल्यू एक्सीड्स इट्स कैरिंग अमाउंट। डेप्रिसिएशन सीजेस टू बी चार्ज व्हेन द असेट्स रेसिडुअल वैल्यू एक्सीड्स इट्स कैरिंग अमाउंट। मतलब क्या? डेप्रिसिएशन बंद कब करेंगे? जब रेसिडुअल वैल्यू तक अपनी एसेट पहुंच चुकी है, या अगर रेसिडुअल वैल्यू कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है, तो अब आप अपनी एसेट को डेप्रिशिएट नहीं करोगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? सेकंड केस क्या है? डेप्रिसिएशन ऑफ असेट सीजेस एट द अर्लियर ऑफ, क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन ऑफ द असेट सीजेस एट द अर्लियर ऑफ, क्या अर्लियर ऑफ?
the date the asset is retired from active use and is held for, beta side mein likh do Ind AS 105. Apply Ind AS 105 now. Apply Ind AS 105 now, held for disposal. या फिर the date asset is derecognized. या तो तुमने asset को derecognize कर लिया, सर derecognize कर लिया मतलब, derecognize कर लिया मतलब सर, नहीं नहीं sale नहीं, तुम्हारी asset काम में आई नहीं रही थी, तुमने write off कर दिया. Derecognize मतलब तुमने write off कर दिया. Side में लिख दो write off. राइट ऑफ. तो तुम असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन कब नहीं लगाओगे? तुम असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन किस दिन से बंद कर दोगे? जब दो में से कोई एक इवेंट पहले हो जाए. या तो तुमने हेल्ड फॉर डिस्पोजल कर दिया या तो तुमने असेट को डीरिकॉग्नाइज कर दिया, विच एवर इज अर्लियर. बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? हेल्ड फॉर डिस्पोजल मतलब अभी बेचा नहीं है, बेचने वाले हो. और डीरिकॉग्नाइज कर लिया मतलब तुमने तो भैया टेंशन नहीं वाला, तुम्हें पता है कि बेचना बेचना तो है नहीं, तुमने तो उसको डीरेकग्नाइज कर दिया डायरेक्टली. बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? मैं डीरेकग्नाइज कब, मैं डेप्रिसिएशन सीज कब करूंगा? विच एवर इज अर्लियर की विच एवर इज लेटर? अर्लियर कौन सा? जब डीरेकग्नाइज हुआ उस दिन, या फिर जब एक्टिव यूजर रिटायर होके आपने हेल्ड फॉर डिस्पोजल कर दिया. बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? लैंड एंड बिल्डिंग का क्या ट्रीटमेंट होगा? क्या लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगेगा? लैंड पोर्शन को आपको अलग करना है, डेप्रिसिएशन सॉरी बिल्डिंग पोर्शन को आपको अलग करना है. लैंड पोर्शन का क्योंकि अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ होता है तो आप उसका डेप्रिसिएशन नहीं लगाओ. सर हम अलग कैसे करेंगे? लैंड पोर्शन को अलग कैसे करेंगे? लैंड पोर्शन को अलग कैसे करेंगे? दो तीन तरीके हैं. आइए देखिए. पहला तरीका सुनो. पहला तरीका, लैंड आपने परचेज किया, आपने लैंड परचेज किया 5 करोड़ का, और उसके बाद उस पर आपने कंस्ट्रक्शन करवाया 15 करोड़ का. तो आप इस 15 करोड़ को क्या मान लोगे? बिल्डिंग. डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करोगे? डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे चार्ज करेंगे. समझ में आई कि नहीं? ये तो सिंपल सा तरीका था. दूसरा अप्रोच, आपने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया 20 करोड़ में. आपने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया 20 करोड़ में. बोलो बेटा, जब आपने परचेज किया उस दिन लैंड की फेयर वैल्यू थी 5 करोड़. उस दिन लैंड की फेयर वैल्यू कितनी थी? 5 करोड़. बोलो बेटा, तो आपने क्या किया? सुनना ध्यान से सुनना. उस दिन उसी जैसी लैंड की वैल्यू क्या थी? 5 करोड़. मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? और उस दिन लैंड की वैल्यू 5 करोड़ थी और बिल्डिंग पोर्शन आपने किसी डेवलपर से एक कॉन्ट्रैक्टर से एक बिल्डिंग पोर्शन का एक एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू था से 25 करोड़. कितना बेटा? या एक सेकेंड, पच्चीस करोड़ में हटा रहा हूं. लैंड बिल्डिंग 20 करोड़ का था, आपका बिल्डिंग पोर्शन का एस्टिमेटेड वैल्यू था 13 करोड़. अब आप क्या करोगे? आप अपनी 20 करोड़ की कॉस्ट को 5:13 में अपोर्शन कर दोगे. किस में अपोर्शन कर दोगे? 5:13 में अपोर्शन कर दोगे. तो लैंड एंड बिल्डिंग को अपोर्शन करने का तरीका ये होगा कि लैंड की सेपरेट फेयर वैल्यू, बिल्डिंग की फेयर वैल्यू मतलब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का फेयर वैल्यू, दोनों के प्रोपोर्शन में आप उसको अपोर्शन कर दोगे. मेरी बात समझ में आई कि नहीं?
अब बताओ लैंड के ऊपर डेप्रिशन लगेगा? नो। बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिशन लगेगा? यस। सर लैंड और बिल्डिंग को अलग करना ठीक नहीं है, अलग करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। लैंड और बिल्डिंग को सेपरेट दिखाना पॉसिबल नहीं है, लैंड को बिल्डिंग से सेपरेट कर ही नहीं सकते किसी भी हाल में। कुछ ऐसी सिचुएशन है, फिर क्या करें? ऐसे केस में अगर तुम लैंड को बिल्डिंग से सेपरेट नहीं कर सकते हो, तो इंडियस बोलता है कि ऐसे केस में क्या लैंड की भी लिमिटेड यूजफुल लाइफ है क्या, क्योंकि तुम बिल्डिंग से सेपरेट नहीं कर सकते हो। और अगर लैंड की लिमिटेड यूजफुल लाइफ है, तो तुम लैंड एंड बिल्डिंग इंटायर अमाउंट पे डेप्रिशिएशन चार्ज कर लो। आई बात समझ में कि नहीं? नहीं आएगा क्या? आया? लैंड एंड बिल्डिंग को सेपरेट अगर नहीं कर सकते हैं, तो क्या लैंड की एक डेफिनेट यूजफुल लाइफ है क्या? अगर लैंड की डेफिनेट यूजफुल लाइफ है, तो आप लैंड और बिल्डिंग पार्ट दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे। आई बात समझ में? क्लियर? पक्का? कसम खाओ। आया समझ में? आया कि नहीं? जल्दी बोलो। ओके। सो ये लैंड एंड बिल्डिंग का हो गया फंडा। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, एएस कभी भी आपको ये नहीं बताता कि कौन सा मेथड होगा। आपको जो भी मेथड चूज करना है, दैट शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द असेट आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड। मतलब जो भी मेथड होना चाहिए, वो मेथड आपके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के पैटर्न को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आप किस तरीके से कंज्यूम करते हो? सर जैसे आप हर साल आपको सेम पैटर्न पे बेनिफिट मिलता है, सेम सेम तरीके से बेनिफिट मिलता है, आप एसएलएम यूज कर लो। आपको इनिशियल 5 सालों में अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, इतना एक्सपेक्टेशन है, उसके बाद आपका बेनिफिट गिरता जाएगा। तो आप स्टार्टिंग के 5 साल आप एसएलएम करो, ऐसा कुछ प्रपोर्शन करो, उसके बाद आप डब्ल्यूडीबी कर लो। नहीं आएगा समझ में? आप एक प्रपोर्शन निकाल लो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का। क्लियर है कि नहीं? और अगर आप मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर रहे हो, तो सर चेंज विल बी ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, अगर आप मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर रहे हो, तो चेंज चेंज इज ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। बेटा क्लियर है कि नहीं? अर्लियर इट वॉज, लिख लेना, अर्लियर इट वॉज पॉलिसी। एएस में ये पॉलिसी हो सकता है, डिफरेंस विफरेंस कुछ काम ना आ जाए कहीं पे। बोलो बेटा समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? डेप्रिशन का कोई भी मेथड यूज कर सकते हो ना, बट इट शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। लिखा तो है आपके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के कंजम्पशन का पैटर्न रिफ्लेक्ट करना चाहिए, तो मैनेजमेंट के ऊपर कि वो किस तरीके से डेप्रिशन का मेथड यूज कर रखता है। आया समझ में कि नहीं? अब तो कंपनी सेक्ट भी ऐसे ही होने लगा, कंपनी सेक्ट में तो यूजफुल लाइफ लाइफ कॉन्सेप्ट दे दिया कि आप अपने हिसाब से डेप्रिशन का मेथड कैलकुलेट करो, एसएलएम लगाना चाहते हो कि डब्ल्यूडीबी, आप अपना डिसाइड कर लो। आया समझ में कि नहीं? बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? ये चीज मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, जैसे मैंने आपको कल के क्वेश्चन में आपको मैंने इंड एएस 12 के 5 केसेस होमवर्क में दिए थे और आज अपन ने आके डिस्कस किया, वैसे ही मैं आपको ये वाली चीज होमवर्क में दे रहा हूं। दिस इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है ये, इतना हॉट टॉपिक है, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो मजा आ जाएगा और अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। इंस्टीट्यूट ने भी इसके ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, तो ये चीज मैं छोड़ रहा हूं आपको, पहले इसको पढ़ के आना है, उसके बाद अपन अपनी क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा हो कि नहीं? आपको क्या क्या करके आना है मैं आपको बता देता हूं। ये जो इंटायर चीज है, चेंज इन एग्जिस्टिंग डीकमिशनिंग रिस्टोरेशन एंड अदर लायबिलिटीज, मैं आपको समझा जरूर दूंगा कि हो है क्या, होने क्या वाला है, ताकि आपको पढ़ने में घर पे प्रॉब्लम ना आए। मैंने आपको एक मोबाइल टावर का एग्जाम्पल दिया था, मैं उसी एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। शुरू में क्या हुआ, एयरटेल कंपनी ने 100 मोबाइल टावर पुणे सिटी में इंस्टॉल करवाए एक ही टाइम पे। 100 मोबाइल टावर पुणे सिटी में इंस्टॉल करवाए एक ही टाइम पे। 100 मोबाइल टावर का खर्चा था 1000 करोड़। एयरटेल ने देखा कि हमें उसको अनइंस्टॉल कब करना है, हमें उसको 20 साल बाद अनइंस्टॉल करना है। पर मोबाइल टावर को अनइंस्टॉल करने का खर्चा आएगा 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, चलो ज्यादा हो जाएगा नहीं तो 1 करोड़ रुपए। और कितने मोबाइल टावर थे? 100, तो 1 × 100 कितने हो गए? 100 करोड़। टोटल मोबाइल टावर का कॉस्ट कितना था? 1000 करोड़। और 20 साल बाद कितना एक्स्ट्रा खर्चा आने वाला है? 100 करोड़। तो मैं उस 100 करोड़ की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। मान लीजिए 100 करोड़ की प्रेजेंट वैल्यू आई 15 करोड़,
सौ करोड़ की प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई? अब बताओ इनिशियली आज टुडे मैं अपनी टावर की कॉस्ट, इंटायर टावर की कॉस्ट कितनी रखूंगा? 1000 प्लस 15, 1015। बेटा जो ये 100 करोड़ का डीकमीशनिंग का कॉस्ट आ रहा है 20 साल बाद, उसका जो मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाला है 15 करोड़, ये निकालने के लिए मैंने कोई डिस्काउंटिंग फैक्टर लिया होगा, यस और नो? मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर लिया था 10%। 5 साल बाद मुझे लगता है कि ये डिस्काउंटिंग फैक्टर चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? 5 साल बाद मुझे लगता है कि डिस्काउंटिंग फैक्टर, कैलकुलेटर उठाएंगे प्लीज प्लीज प्लीज, कैलकुलेटर उठाओ जल्दी, मेरे साथ करते जाइएगा जो मैं बोलूं। सबसे पहले अभी कैलकुलेटर में कुछ नहीं करना, पहले सुन लो, 100 करोड़ थे, 100 करोड़ मतलब 20 साल बाद होंगे, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू 15 करोड़ है, और डिस्काउंटिंग रेट कितना था? हर साल मुझे 10-10% फाइनेंस चार्जेस डेबिट करने पड़ेंगे, और 10-10% से मेरी ये लायबिलिटी 15 करोड़ की बढ़ती जाएगी। तो बेटा एक काम करो, 15 लिखो, कैलकुलेटर पर लिखो 15 प्लस 10%, 1 साल के एंड में 16.5 हो जाएगा, प्लस 10%, 5 साल तक 10% करो ऐसा 5 बार, मतलब आपने पता नहीं कितनी बार कर लिया है, 5 बार कर लो, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, जल्दी बोलो कितना हो गया आपका डीकमीशनिंग लाइबिलिटी? 24 पे आ चुकी है, छोड़ो पॉइंट छोड़ो, 24 पे आ चुकी है डीकमीशनिंग लाइबिलिटी, कितनी आ चुकी है? कितने साल हो चुके? 5। कितने साल बचे? कितने साल बचे हैं नलायक? कितने साल बचे? 15 बचे। अर्लियर मेरा एस्टिमेशन क्या था कि 100 करोड़ का खर्चा आएगा, अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। 5 साल बाद एंटिटी ने फिर से एस्टिमेट किया और एंटिटी को लगा कि अब 100 करोड़ का खर्चा नहीं आएगा, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, खर्चे चेंज हो जाएंगे, खर्चे कम हो जाएंगे, अब हमारा खर्चा सिर्फ 60 करोड़ में हो जाएगा। सिर्फ कितने में हो जाएगा? 60 करोड़ में हमारा खर्चा हो जाएगा, 60 करोड़ में खर्चा हो जाएगा, रुक तो जाओ, 60 करोड़ में खर्चा हो जाएगा। एक ये चेंज हो गया, दिस इज कॉल्ड चेंज इन द एस्टिमेटेड लाइबिलिटी, आउटफ्लो, चेंज इन द आउटफ्लो, चलो आप अपनी सिंपल भाषा में चेंज इन द आउटफ्लो। दूसरा, 100 करोड़ ही होगा पर एंटिटी को लगता है कि अब इन्फ्लेशन 10% नहीं है, अब इन्फ्लेशन 12% हो चुका है, इन्फ्लेशन 12% हो चुका है, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे बोलो ना यार। तो दिस इज कॉल्ड चेंज इन डिस्काउंटिंग रेट। तो बेटा हम आपको जो मैं होमवर्क दे रहा हूं वो होमवर्क में है क्या? होमवर्क में ये है कि अगर 5 साल बाद, 6 साल बाद, इफ देयर इज अ चेंज इन डिस्काउंटिंग रेट, इफ देयर इज अ चेंज इन एस्टिमेटेड लायबिलिटी, तो उसका ट्रीटमेंट चेंज का क्या करोगे? 2 मिनट सुन लो, आपकी कितने बार आ चुकी है? 24 बार आ चुकी है ना, हाँ 24 बार आ चुकी है, और आपके चेंज करके अमाउंट, अब रिवाइज अमाउंट कितना है? 60 करोड़ का। तुम ये सोचोगे कि अगर ये 60 करोड़ शुरू में ही एस्टिमेट हो जाता, शुरू में ही अगर 60 करोड़ एस्टिमेट हो जाता तो मैं उसको डिस्काउंटिंग पे करके कितने पे बुक करता? अरे समझ में आ रही कि नहीं? फिर उसका उसके ऊपर 5 साल करते 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 मैं कहां तक पहुंच जाता? पहली बात तो 60 करोड़ की ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल प्रेजेंट वैल्यू क्या होती? मान लो 60 की प्रेजेंट वैल्यू ओरिजिनल होती 7 करोड़, और 7 करके 5 साल में फिर से उस पर डिस्काउंटिंग ऐड करता जाता, हाँ 10-10% ही करो जल्दी, 7 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 11 पॉइंट, इसका मतलब अब मेरी लायबिलिटी सिर्फ 11.27 होनी चाहिए, जबकि आज मेरी लायबिलिटी 24 दिख रही है, आई नीड टू रिवर्स माय लायबिलिटी। अरे नहीं आया क्या समझ में? तो अब केसेस क्या बनेंगे? अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनेंगे कि लायबिलिटी या तो बढ़ाओ या तो लायबिलिटी कम करो, या तो लायबिलिटी बढ़ाओ या तो लायबिलिटी कम करो। अगर लायबिलिटी बढ़ाऊं तो मतलब मेरी कॉस्ट बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ाऊंगा तो कॉस्ट बढ़ गई, तो उधर से मुझे असेट की वैल्यू में शायद कुछ चेंजेस करने पड़े। अगर असेट की वैल्यू में चेंजेस करने पड़ेंगे तो असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, और अगर लायबिलिटी घटाऊंगा तो असेट की वैल्यू भी गिरेगी, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू असेट। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा करेंगे अगर आपने अपनी असेट के ऊपर कॉस्ट मॉडल अप्लाई किया था, तो अगर आपने अपनी असेट का रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई किया था
तो आप अपनी एसेट की कॉस्ट को नहीं छेड़ोगे, क्योंकि आप तो अपनी एसेट को तो रिवैल्यू करते रहते हो ना, फिर थोड़ी उस डीकमिशनिंग लायबिलिटी का दूसरा इफेक्ट एसेट में दोगे, फिर उसका दूसरा इफेक्ट आपको अपने रिवॉल्यूशन सरप्लस में देना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैंने जो अभी आपको ये डिस्क्राइब किया, ये शॉर्ट में डिस्क्राइब किया है, इसका पूरा केस मैंने इसमें लिखा हुआ है, पूरा केस स्टडी लिखा हुआ है, और इसके बाद क्वेश्चन भी हम इसका डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको इसका पूरा केस पढ़ना है, समझना है, हम इसका फिर क्वेश्चन भी जरूर ट्राई करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं बच्चों? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो आपको यह चीज पढ़नी है, और आपको इसका पूरा केस स्टडी में, केस क्वेश्चन में करवाऊंगा, डोंट वरी। आपको मैं बता देता हूं कि इसका क्वेश्चन कौन सा है, अगर आप चाहो तो एक बार ट्राई जरूर कर सकते हो। तो ये आपका होमवर्क पार्ट है, चेंज इन एग्जिस्टिंग डीकमिशनिंग एंड रिस्टोरेशन लायबिलिटी। आपको थोड़ा समझ में तो आ गया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप क्या पढ़ने वाले हो, मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। चलो ये हो गया, उसके बाद ये आपका पूरा केस स्टडी वही है। रिटायरमेंट बेटा क्या होता है आपको पता है ना? रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है जल्दी बोलो, रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली, एक्टिव यूज से रिमूव हो जाए, अब आपके यूज में नहीं आती, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, क्या आप असेट को डीरेकग्नाइज कर लोगे? नहीं, आपके आप अपनी असेट को लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और एनआरवी, एनआरवी होती क्या है, नेट रिजर्व होती क्या है? इट इज एज गुड एज सेल वैल्यू लेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कॉस्ट टू सेल, ठीक है, उस पर दिखा दोगे। आई बात समझ में? डी रिकॉग्निशन कब करोगे? या तो तुमने डिस्पोज कर दिया, सेल कर दिया, या तो फाइनेंस लीज में दे दी, या तो डोनेट कर दी, या तो तुम जब तुम्हें लग रहा है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? और जो भी गेन और लॉस होगा वो हम कहां ले जाएंगे? पीएनएल में। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? पक्का? चलो ये जो एडिशनल क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 23, ये 23 मैं करवाऊंगा, 24 एक सेकेंड, हाँ जो मैं आपको बोला था ना, जो आप पढ़ के आना है आपका होमवर्क है, उसके बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, डी कमिशनिंग वाला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 24 है। अगर आपको लगे तो आप ट्राई करके देखना, नहीं तो मैं बैठा हूं, ठीक है? बट क्वेश्चन नंबर 23 तो आपका होमवर्क है ही है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपके मॉड्यूल से लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका होमवर्क है, बहुत सारी बातें आने वाली हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 24 मैं होमवर्क तो नहीं बोल रहा हूं, बट इफ यू गाइज वॉन्ट, आप एक बार इस क्वेश्चन को देख जरूर सकते हो, क्योंकि वो डी कमिशनिंग से जुड़ा हुआ है जो मैंने अभी आपको समझाया। हाँ ठीक है, अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 वो भी डी कमिशनिंग, मतलब वो उसका दूसरा केस है। 24 और 25 दोनों आपस में है, दूसरा केस है, दैट्स इट, खत्म। गाइज क्लियर है कि नहीं? बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? सो दिस वॉज इंड एस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इंड एस 38 मैं नोट से अभी डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ मुझे 5 मिनट दो। इंड एस 38 अपन ऐसे ही 1-to-1 डिस्कशन कर देंगे। इंड एस 38 का मुझे डिस्कशन 2 मिनट आप नॉर्मली ऐसे करने दो। चलो मुझे बताते जाओ, इंड एस 38 कौन सा है? इंटेंजिबल असेट। किसी भी असेट को इंटेंजिबल असेट कब बोला जाएगा? किसी भी इंटेंजिबल को असेट कब बोला जाएगा? जल्दी बोलो, किसी भी इंटेंजिबल को असेट कब बोला जाएगा? जब उससे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने का एक्सपेक्टेशन हो। अग बोलो ना, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल हो। कंट्रोल का मतलब होता है ओनरशिप। बोलो बेटा, या फिर डीम्ड ओनरशिप। सर ये डीम्ड ओनरशिप का मतलब क्या होता है? सर ये डीम्ड ओनरशिप का मतलब क्या होता है? बच्चों नोट्स में से मत देखो, कुछ नहीं मिलने वाला। अभी मैं आपको जो चार्ट बनवा रहा हूं ना, वो एक शॉर्ट समरी है, फिर अपन नोट्स में से पढ़ते रहेंगे बाद में। इंड एस 38 बोलता है कि किसी भी इंटेंजिबल को असेट मानने के लिए तुम्हें ये 6-7 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। पहला, उसमें से हमें क्या होना चाहिए? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। दूसरा, उसमें तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल का मतलब होता है ओनरशिप वाला, या तो डीम्ड ओनरशिप। डीम्ड ओनरशिप मतलब तुमने फाइनेंस लीज पे ले लिया, ठीक है? दो, अच्छा तीसरा, तीसरा विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, हम उसको छू नहीं सकते। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं? उसको इंटेंजिबल एसेट मानेंगे। अच्छा उसके बाद
आइडेंटिफाइबल, क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाइबल। आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या होता है? सेपरेट पहचान, उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी होनी चाहिए, सेपरेट आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, उसके सेपरेबल, सेपरेट। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया आपका एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, एक हो गया आपका कंट्रोल, एक हो गया विदाउट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, एक क्या हो गया आइडेंटिफाइबल, एक होनी चाहिए आपकी नॉन मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी। ये नॉन मॉनिटरी का मतलब क्या होता है? नॉन मॉनिटरी का मतलब क्या होता है? जिसको हम मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। मॉनिटरी असेट्स का मतलब होता है जिन असेट्स की वैल्यू मनी टर्म्स में फिक्स है। नॉन मॉनिटरी मतलब जिनकी वैल्यू मनी टर्म्स में फिक्स नहीं है, जैसे सॉफ्टवेयर, जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग की मनी टर्म्स में वैल्यू फिक्स नहीं है, उसकी वैल्यू तो चेंज होती रहती है। जैसे डेटर्स, अच्छा डेटर्स मॉनिटरी होते हैं, क्योंकि डेटर्स आपके एक बार आपने सेल कर दिया 1 लाख रुपए में, आपको 2 महीने बाद 1 लाख ही देंगे ना, आपको 1 लाख की क्या फेयर वैल्यू चेंज होती रहेगी क्या? नहीं। तो इट शुड बी नॉन मॉनिटरी। नॉन मॉनिटरी मतलब वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? और सबसे लास्ट में, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड, बोलो बेटा मेजर्ड रिलायबली, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अगर आपके इंटेंजिबल में ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं, तो आप क्या करोगे? इंटेंजिबल को असेट क्रिएट कर सकते हो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के मैक्सिमम पॉइंट इसमें आ रहे हैं, जैसे सबसे पहले इनिशियल रिकॉग्निशन, जल्दी बोलो आंसर दो मुझे। इनिशियल रिकॉग्निशन, कॉस्ट, कॉस्ट में कितनी चीजें? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 3 चीजें थी, परचेस, डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट और डीकमीशनिंग। यहां पर डीकमीशन इंटेंजिबल असेट में काई की डीकमीशनिंग, यार अनइंस्टॉल कहां से करोगे? तो यहां पर कितनी चीजें? 2 चीजें। कौन कौन सी 2 चीजें? परचेज कॉस्ट और डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट। चलो ये तो हो गया। अच्छा उसके बाद कॉस्ट में क्या क्या नहीं आएगा? वो वही स्टार्टअप और दुनिया भर की एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, ये सब नहीं आएगा। चलो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, कॉस्ट और रिवोल्यूशन मॉडल। यस रिवोल्यूशन मॉडल यहां पर है, जबकि AS 26 में रिवोल्यूशन मॉडल नहीं था। क्लियर? अच्छा रिवोल्यूशन कब कब करोगे? सिग्निफिकेंट चेंज, वॉलेटाइल चेंज तो एनुअल, इनसिग्निफिकेंट चेंज 3 to 5 years। रिवोल्यूशन सरप्लस को कहां ले जाओगे? ओसीआई। और एक्सेस अमोर्टाइजेशन आएगा तो रिवोल्यूशन के कारण आपका अमोर्टाइजेशन बढ़ गया, एक्सेस अमोर्टाइजेशन आएगा तो अमोर्टाइजेशन तो पूरा का पूरा पीएनएल में जाएगा। तो इक्वल टू दैट थिंग रिवोल्यूशन सरप्लस से निकाल के अपन फ्री रिजर्व्स में ले जाएंगे। क्लियर हुआ? अच्छा ये भी हो गया, उसके बाद रिवोल्यूशन मॉडल भी हो गया। अच्छा ये हो गया। अच्छा इंटेंजिबल असेट खरीदी डिफर्ड सेटलमेंट में, पेमेंट बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स में क्या करोगे? कैश प्राइस इक्विवेलेंट, डिस्काउंटिंग करके। अच्छा इंटेंजिबल असेट खरीदी एक्सचेंज में, फेयर वैल्यू ऑफ रिसीव्ड या फिर गिवन या फिर बुक वैल्यू ऑफ गिवन, ठीक है एक्सचेंज वाला हो गया। अच्छा इंटेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट का क्या बोलते हैं अमोर्टाइजेशन कहां ले जाओगे? पीएनएल में। बोलो बेटा, अरे बोलो ना क्लियर है कि नहीं? अच्छा अमोर्टाइजेशन करने का तरीका क्या होगा? ये डिफरेंट है। इंटेंजिबल असेट के ऊपर अमोर्टाइजेशन कैसे करेंगे? वो बोलता है अमोर्टाइजेशन तुम करोगे 2 में से किसी 1 मेथड पे, प्रायोरिटी दोगे तुम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के पैटर्न के प्रपोर्शन में। पर अगर तुम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के पैटर्न को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो तुम SLM अप्लाई कर सकते हो। SLM तुम SLM अप्लाई कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलो बेटा। तो आपका मेजर इंड एएस 38 जो है इंटेंजिबल्स, वो मेजरली इंड एएस कौन सा था अभी 16 पीपी उससे मैच करता है। हाँ देर आर सम डिफरेंट पॉइंट्स, वो हम जरूर डील करेंगे। तो आपका एक और होमवर्क बन गया, आपको इंड एएस 38 भी पढ़ के आना है, आपको इंड एएस 38 भी अब पढ़ के आना है बेटा। क्लियर है कि नहीं? इंड एएस 38 आपको एक जनरल रीड मार के आना है, जितना आप इंड एएस 13 करके आओ आपको करके आना है। इंड एएस 38 में अगर आपको याद हो AS 26 पुराना, अगर आपको याद हो, या आप इंड एएस 38 याद क्यों ना हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हुआ करता था। रिसर्च एक्सपेंडिचर को अपन पीएनएल में डालते हैं, डेवलपमेंट अलग कर दो, रिसर्च अलग कर दो, रिसर्च को पीएनएल में डालते हैं और डेवलपमेंट को कहां ले जाते हैं? कैपिटलाइज करते हैं। अगर 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, टेक्निकल फीजिबिलिटी, इंटेंशन टू सेल, 5 कंडीशन थी यार, याद आ रहा होगा कुछ भी है कि नहीं?
तो वो सब अपने को पढ़ना है बेटा। मेरी बात क्लियर है कि नहीं? कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज भी हैं उसमें, तो अपन उसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो मैंने आपके साथ इंडेस 38 और इंडेस 20 आज के लिए रखा था, पर वो छोटे छोटे टॉपिक थे, पर आप इंडेस 38 जरूर पढ़ के आएंगे, कल उसको अपन कंटिन्यू करेंगे विद दिस। ओके गाइस, चलिए विद दिस वी आर कंक्लूडिंग टुडे सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज।